सो तुम लोगों को आज से हम NCERT स्टार्ट करवा रहे हैं, राइट और जो 11 o'clock का बैच है इसमें पहले पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस, इन सब की NCERT कवर करेंगे, राइट अब NCERT कवर करने का भी एक मेथड है. इट इज़ नॉट दैट कि ना हर बुक की, हर चैप्टर की हर लाइन पढ़ के हमें नोट्स बनाने हैं. वी हैव टू अंडरस्टैंड द वोकैबुलरी सो दैट व्हेन इन क्लासेस वी स्टार्ट डूइंग द टॉपिक्स, कोई भी टीचर आए वो कोई भी जार्गन यूज करे, यू ऑल मस्ट बी कंफर्टेबल कि इस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब क्या था जो यहाँ पे यूज हुआ है, राइट. वन टू, एक तुम्हारे पास ना पूरे के पूरी वोकैबुलरी की लिस्ट भी तैयार होनी चाहिए ताकि जब तुम आंसर्स लिखो तो तुम वो वोकैबुलरी यूज भी कर सको. आई गिव यू फ्यू एग्जाम्पल्स. जब हम इंटरव्यू देने पहुंचते हैं उस टाइम पे यूजली हम ना रूटीन के वर्ड्स बोलते रहते हैं, जबकि जब इंटरव्यू का UPSC एक डॉक्यूमेंट भेजती है उसमें उसने कुछ वर्ड्स यूज होते हैं कि मैं ना लोगों के टूवर्ड्स द पीपल आई विल बी एम्पैथेटिक, राइट. अब वो जो एम्पैथेटिक वर्ड है वो मुझे इंटरव्यू में कहीं यूज कर देना चाहिए, इसलिए UPSC ने अपने सिलेबस में लिखा हुआ था. मैं उस वर्ड को यूज नहीं करता और मैं बोलता रहता हूँ सर आई विल ट्राई टू हैव मर्सी टूवर्ड्स द पीपल. मर्सी का मतलब क्या हुआ कि मुझे उन पर दया आएगी, राइट. तो तुम कौन सा खुदा हो गए तुम्हें दया आनी शुरू हो गई, इंसान हो अगर अफसर बन भी गए तो. एम्पैथेटिक मीन्स कि मैं उनकी तरफ सहानुभूति रखते उनसे उनके साथ डील करूंगा. सो राइट वर्ड एट राइट प्लेस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, नॉट जस्ट इन IAS एग्जाम, इन एनी गिवन एग्जाम इन दिस वर्ल्ड. सो इसलिए वो वोकैबुलरी हमारी जरूर होनी चाहिए. सो अगले 5-7 दिनों में हम सारी वोकैबुलरी तैयार करेंगे. बिफोर दैट मेरे को आप लोगों से दो बातें और करनी है बिफोर आई स्टार्ट द NCERTs. एक, नोट्स कैसे बनाने हैं आपने नाउ दैट यू ज्वाइन आर इंस्टीट्यूट. दूसरा, करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाने हैं. दोनों चीज़ों के नोट्स बनाने का मेथड, इट विल टेक मी अबाउट 20-30 मिनट्स टू एक्सप्लेन द एंटायर प्रोसेस, राइट. सबसे पहले हम बात करते हैं नोट्स की. अब नोट्स के लिए ना देर आर वेरियस सोर्सेस. मैंने इसे सोर्सेस, एक NCERT की बुक्स हैं, एक हम आपको प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, देन आपके पास स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स भी होंगी. और ये क्यों होंगी मैं सारा कुछ एक्सप्लेन करता हूँ. देन क्लास लेक्चर्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, राइट. ये ऑल एग्जॉस्टिव तो नहीं है, इसके बाद भी स्टूडेंट्स को ना पता नहीं कोई प्रॉब्लम होती है, वो नेट पे भी सर्च करते हैं, दे कीप ऑन फाइंडिंग न्यू सोर्सेज विच वी ऑलवेज आस्क देम टू नॉट डू बट दे फील गुड अबाउट इट, राइट. अब लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. दिस इज योर नोटबुक दैट यू एवरी डे कैरी अलॉन्ग इन द क्लासरूम, जिसमें तुमने अपने क्लास नोट्स बनाने हैं. अब इसमें ना मैं तुम्हें 3-4 डिफरेंट टॉपिक्स के साथ एक्सप्लेन करता हूँ नोट्स का मतलब क्या है, कैसे बनाने हैं. हम अपने हर पेज को 1/3 साइड पे खाली छोड़ेंगे, राइट. हर पेज खाली रहना चाहिए 1/3, ये बेयर मिनिमम रिक्वायर्ड है. मैं आपको ना पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सबके एग्जाम्पल्स दे देता हूँ कि नोट्स में हम क्या करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद हिस्ट्री. लेट्स से टीचर ने क्लास में रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट किया. सबसे पहले हमने लिखे यहाँ पर कॉजेज. कॉजेज में देर विल बी एटलीस्ट 5 कॉजेज. हर कॉज के अंदर उसके सब पॉइंट्स आ जाएंगे. जैसे ना लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, सोशल कॉजेज की हम बात करें तो सोशल कॉजेज में एक आएगा कि ब्रिटिश ने सती बैन कर दिया. फिर आगे हम लिखेंगे राजा राम मोहन रॉय ने एफर्ट्स किए थे ब्रह्मो समाज के फाउंडर ने और ब्रिटिश विलियम बेंटिक ने सती बैन कर दिया. दूसरा हम लिखेंगे कि ब्रिटिश ने 1856 में विडो रिमैरिज को लीगलाइज कर दिया. ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एफर्ट्स किए थे. तो हम ये सारे पॉइंट्स लिखते जा रहे हैं. क्लास में टीचर डिक्टेट कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, तुम कॉपी पे लिखते जा रहे हो. कॉजेज लिखते लिखते ना आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये बहुत थोड़ी जगह है, तो हमारे 5-6 पेज भर चुके होंगे वाइल राइटिंग ओनली कॉजेज. फिर उसके बाद हम लिखेंगे कोर्स या इवेंट्स ऑफ द रिवोल्ट, किस दिन कहाँ से शुरू हुआ, कैसे स्प्रेड हुआ, कहाँ कहाँ पे फैलता गया, कहाँ पे कौन लीडर था, फिर ब्रिटिश का बैकलैश कैसे हुआ, जैसे हुग रोज कहाँ पे पहुंच गए, झांसी पहुंच गए, उन्होंने लक्ष्मीबाई को हरा दिया, कैंपबेल, नीलसन दिल्ली आ गए, उन्होंने आके रिकैप्चर कर लिया, ऐसे 1 by 1 सारा कोर्स लिखेंगे. इसमें भी 4-5 पेज भर जाएंगे लिखते हुए. इसके बाद फिर हम लिखेंगे वाई इट फेल्ड, फिर हम लिखेंगे इसके रिजल्ट्स क्या हुए, लास्ट में लिखेंगे इसका नेचर या करेक्टर क्या था. अब ये पूरा 1857 का रिवोल्ट हमारी नोटबुक में 15-20 पेजेस में कंप्लीट हो गया. नाउ दैट दिस लेक्चर परहैप्स अगर हम 3 घंटे की कोई क्लास पढ़ेंगे तो 3 घंटे में भी ये शायद पूरा ना भी हो,
देयर विल बी सो मच टू डिस्कस एक्सप्लेन और तुम्हारे भी डाउट्स होंगे, तुम कुछ रिपीट करवाओगे टीचर से. वी विल नॉट बी जस्ट रशिंग विद द थिंग्स ना कि हमें खत्म ही करना है इसको आज ही. इट मे हैपन इन अ डे, इट मे नॉट हैपन इन अ डे. यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ, मोस्ट ऑफ द थिंग्स डिपेंड्स नॉट ऑन द टीचर बट ऑन द स्टूडेंट्स. अगर तुम बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे और सुनते रहे और लिखते रहे और तुमने कुछ पूछा ही नहीं, तो टीचर तो बहुत कुछ कवर कर देगा. अगर तुम घर से थोड़ा एडवांस में पढ़ के आए हुए और तुम्हारे माइंड में कुछ डाउट्स खड़े हो गए कि सर ये थोड़ा और एक्सप्लेन कर दो, मैंने पढ़ा था मुझे समझ नहीं आया था, सो ऑब्वियसली टाइम इंक्रीज कर जाएगा. सो अ लॉट डिपेंड्स ऑन द क्लास रेदर देन ओनली ऑन अ टीचर. सो इफ यू मेक इट इंटरेक्टिव, थिंग्स आर डिस्कस मोर इन डिटेल्स एंड देन इट टेक्स मोर टाइम. इफ यू डोंट इंटरेक्ट एट ऑल, यू कीप मम, टीचर मे रश विद द सिलेबस. हमने पता क्या प्लान किया हुआ है, 20 to 25 लेक्चर्स में हिस्ट्री खत्म करनी है, विच मीन्स 60 to 75 आवर्स. नाउ इट डिपेंड्स किस क्लास में 60 में खत्म होगी, किस में 75 में. एंड देयर आर बैचेस जहां पे ये 50 आवर्स में खत्म होगी और कुछ बैचेस जहां पे ये 90 आवर्स में भी खत्म हो गए. सो वो बैचेस में स्टूडेंट्स ने आगे डाउट्स पूछे थे बहुत ज्यादा. इस बैच में कोई बोला ही कुछ नहीं, उनको बोला आंसर लिखें चलने दो. कुछ क्लासेज में ऐसा था सर एक टेस्ट और ले लो इस बार. सो दैट डिपेंड्स ऑन अ क्लास नाउ. आई होप यू द मैसेज इज क्लियर. ऑलराइट, अब ये सारा लिख लिया. नाउ दैट यू गो बैक होम, मैंने तुम्हें आज से एनसीईआरटी पढ़ानी शुरू कर दी. हिस्ट्री चाहे कल स्टार्ट हो, हिस्ट्री चाहे 3 महीने बाद स्टार्ट हो, तुमने एनसीईआरटी पढ़ ली, इसका बेसिक मतलब समझ आ गया एनसीईआरटी का. घर गए फटाफट से ना 1857 के रिवोल्ट का चैप्टर निकाल लिया, उस चैप्टर को इमीडिएटली पढ़ा. अब टीचर ने ऑलरेडी एक्सप्लेन भी किया हुआ था, आज तुम क्लास में 1857 पढ़ के गए हो. सो अगर कोई डाउट था भी, वो भी खत्म हो चुका है, इसको इमीडिएटली जाके पढ़ा. नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि टीचर ने एक कॉस नहीं लिखवाया, वो मैं यहां लिख लेता हूं सामने. और देयर आर टू पॉसिबिलिटीज नाउ, जो टीचर ने नहीं लिखवाया था, या तो वो बहुत ही सिंपल था, इजी था, जैसे ही तुमने पढ़ा तुम्हें समझ आ गया, स्टोरी इज ओवर, या वो थोड़ा टेक्निकल था, समझ नहीं आया, नेक्स्ट डे आती सबसे पहले इसने पूछ लिया कि सर एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ था मुझे समझ नहीं आया, मैंने एक्सप्लेन जब इसको किया तो पूरी क्लास को ही कर दिया. जिसका भी डाउट था इन वन गो सबका डाउट खत्म. राइट, देन मैंने जब ये सारा पढ़ लिया एनसीईआरटी में से, यहां पे जो जो ऐड होना था कर दिया, आज के बाद दोबारा एनसीईआरटी में से चैप्टर पढ़ना, इट हैज बीन रेड एंड उसके नोट्स भी यहीं आ गए जो एडिशनल थे. जिस दिन मैंने एनसीईआरटी पूरी पढ़ दी मॉडर्न इंडिया की, दोबारा कभी एनसीईआरटी को तो नहीं हाथ लगाना, क्योंकि अब जो इसमें था वो मेरे अपने नोट्स में आ चुका है. डन. फिर प्रिंटेड नोट्स जो इंस्टीट्यूशन ने आपको दिए, किसी एक दिन उठाए मॉडर्न इंडिया रिवाइज करते हुए इन नोट्स को पढ़ा, लेट्स से कि एक कारण और मिल गया. इसमें भी सेम वही है ना कि या तो तुम्हें आ गया समझ, या नहीं आया, नहीं आया तो क्लास में आके पूछ लिया. एंड इट्स नॉट जस्ट दैट कि हिस्ट्री टीचर ही उसका आंसर दे सकता है. प्रज्यूम करो आज क्लास में इकोनॉमिक्स चल रही है और राघव सर पढ़ा रहे हैं और तुमने हिस्ट्री का डाउट पूछ लिया, तो राघव इज वेल इक्विप्ड टू सॉल्व द डाउट. राइट, पॉलिटी चल रही है, चेतन सर क्लास में खड़े, तुमने पूछ लिया सर एनसीईआरटी में सर ने पढ़ाया था, वैसे सर ने सारा समझा दिया, बस ये पॉइंट नहीं बताया था, ये हमारे नोट्स में है, समझ नहीं आ रहा, तो चेतन सर उसी टाइम एक्सप्लेन कर देंगे. आई मीन हूसोएवर इज स्टैंडिंग इन द क्लास, मैं हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ाता हूं, पर अगर तुम मेरे से ज्योग्राफी पूछोगे मैं एक्सप्लेन तो कर ही दूंगा. राइट, सो जब भी डाउट आएगा, जहां भी जो टीचर मिलेगा उससे तुमने डाउट्स ले लेने हैं. इसके बाद ना, जो तुम्हारे पास स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, ये हमारी तरफ से रिकमेंडेड बुक्स नहीं है, क्योंकि या तुम बिपिन चंद्र पढ़ोगे, या तुम सुमित सरकार पढ़ोगे, या तुम शेखर बंदोपाध्याय पढ़ोगे, ये तीन किताबें होती हैं, तीनों तो कोई भी नहीं पढ़ सकता, तुम एक कोई चूज करोगे. मैं जब तुम्हें हिस्ट्री पढ़ाने आऊंगा, मैं ये तीनों किताबें पढ़ चुका हूँ, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ, मैंने अपने लेक्चर्स में इनकॉर्पोरेट की हुई है. सो मैं बाई डिफॉल्ट तुम्हें वो तीनों किताबें पढ़ा ही रहा हूँ, बट अगर फिर भी तुम्हारा दिल करे मैंने तो खुद एक पढ़नी है, तो कोई एक उठा के पढ़ लेना, बिपिन चंद्र, सुमित सरकार, शेखर बंदोपाध्याय. जिस दिन भी क्लास स्टार्ट होगी, जो सब्जेक्ट का टीचर आएगा वो अपने सब्जेक्ट की तुम्हें बेस्ट टेक्स्ट बुक्स बता देगा कि ये होती हैं, और साथ में दोबारा बोल देगा हम रिकमेंड नहीं कर रहे, फिर भी तुम्हारा दिल कर रहा है पढ़ लो. तो जो तुम एक बुक चूज करते हो आउट ऑफ दीज थ्री, उसको पढ़ा, हो सकता है तुम्हें एक कारण और मिल जाए एट मैक्स. वो यहां लिख दिया, ये मैक्सिमम पॉसिबल है, ये होगा नहीं अदरवाइज. अब क्लास लेक्चर तो ऑलरेडी यहां थे, तुम्हारे क्लास लेक्चर, टेक्स्ट बुक्स, प्रिंटेड नोट्स, एनसीईआरटी सारी तुम्हारी कॉपी में आ चुकी हैं. आज हिस्ट्री में करंट अफेयर्स नहीं होते, हम यूजली यही मानते हैं. रिवोल्ट हुआ था 10 मई को 1857 को. राइट, तो हर साल 10 मई को हिस्टोरियंस न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स भी तो लिखते हैं. देयर आर मेनी हिस्टोरियंस हु फ्रीक्वेंटली राइट आर्टिकल्स ऑन दैट पर्टिकुलर डे ऑन द टॉपिक इन अ न्यूज़पेपर. तो आज सुबह मैंने न्यूज़पेपर उठाया, मेरा तो 31 मई को प्री है अगले साल,
और 10 मई को अखबार में आर्टिकल आया हुआ 1857 रिवोल्ट पे, वो पढ़ा लो आज एक नया कारण भी मिल गया, वो भी यही लिख दो, ताकि जब मैं रिवाइज करूं तो मैं सिर्फ अपनी नोटबुक रिवाइज करूं, मुझे ये ना हो कि मैंने अभी एनसीईआरटी पढ़नी थी यार, कि मुझे अभी बुक पढ़नी थी, कि इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ने थे, कि क्लास लेक्चर पढ़ने थे, कि करंट अफेयर का अलग से रजिस्टर बना हुआ वो पढ़ना था, मुझे पढ़ना सिर्फ एक ही नोट है। जिस दिन तुम्हारा ये नोट कंप्लीट हो गया, पेपर तुम्हारे नोट से आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके बियॉन्ड वो कहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। डन। तो हमारी पहली एफर्ट क्या रहेगी कि हम सब ने ये नोट्स बनाने हैं सारे सब्जेक्ट्स के। जैसे जैसे ये नोट्स बनते गए, हम साथ ही साथ जो टॉपिक हमारा खत्म हो गया, देखो हमारे पास ना दिन के 24 घंटे हैं। अब एक चीज है, देर आर थ्री टाइप ऑफ पीपल जिन्होंने एक साल बाद पेपर देना है, दो साल बाद या तीन साल बाद, डिपेंडिंग ऑन देम, राइट। हम टाइम टेबल बनाएंगे, ऑब्वियसली जो तीन साल बाद पेपर देंगे वो तो कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, या परहैप्स कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो तुम्हारे साथ बैठे हो, वो जॉब भी करते हो और वो शाम के बैच में आए 5 बजे। सो डिपेंडिंग ऑन दिस हम इन 24 घंटों को यूटिलाइज करेंगे। जिसने एक साल में तैयारी करनी है उसको मिनिमम 12 घंटे तो इस साल में देने ही पड़ेंगे, जिसने दो साल में करनी है उसको 6 घंटे देने पड़ेंगे, और जिसने करनी है 3 साल में उसको 4 घंटे तो देने ही पड़ेंगे, राइट। अब ये तो बेयर मिनिमम रिक्वायर्ड है कि इन क्लासेस के लिए क्या करना है। जिसने 3 साल बाद एग्जाम देना है वो सिर्फ क्लास लगाए, घर जाए और अपने नोट्स बना ले और कुछ नहीं करना, ना उसको न्यूज़पेपर पढ़ने है, ना उसको ऑप्शन की टेंशन लेनी है, उसको पिछले 2 साल के करंट अफेयर हम बना के दे देंगे जिस साल उसने पेपर देना है उससे 1 साल पहले, साथ में क्लास में एक्सप्लेन भी कर देंगे। सिर्फ तुमने न्यूज़पेपर पढ़ना है थोड़ा बहुत अपने रूटीन में, राइट। उसके बाद जिन्होंने यहां करना है वो क्लास भी लगाएंगे, नोट्स भी बनाएंगे, न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे, करंट अफेयर के लेक्चर्स भी अटेंड करेंगे। जिन्होंने ये वाला जादू करना है कि एक ही साल में अब करना है, वो इसी साल में न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे, करंट अफेयर के नोट्स भी बनाएंगे, एसे भी तैयार करेंगे, जीएस प्री एंड मेंस भी तैयार करेंगे, सीसेट भी करेंगे और ऑप्शनल सब्जेक्ट भी करेंगे। तो उनको 12 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। आई होप दैट इज क्लियर। तो उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें प्लान बनाना है कि तुमने अब 2 साल में देना है कि 3 साल में देना है। कोई जादू जुदू नहीं होता इसमें। फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत लोग क्लियर करते हैं। इस बार रैंक 15 अतिराग जो थे वो यहां आए भी हुए थे। कल भी यहां पर जिनका रैंक इस बार आया है, ही इज 41 रैंक, अलोक, ही इज कमिंग टुमारो, तो तुम्हारे लोगों के साथ वो कला के इंटरेक्ट भी करेंगे, राइट। अलोक विल बी हियर, 41 रैंक। तो अब बहुत सारे लोग हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होता है, बट दैट डजंट मीन कि उन्होंने एक ही साल में सारी तैयारी की थी, राइट। देयर इज लाइक टीना डाबी इज अ गुड एग्जांपल, प्लस 2 में जब से थी तब से तैयारी कर रही थी, इसलिए एट द एज ऑफ 21 पहली अटेम्प्ट में उसने रैंक 1 ले लिया। सो 3-4 साल की तैयारी, 2-3 साल की तैयारी इज मस्ट नाउ। अच्छा, इसके बाद ना अब हिस्ट्री का डाउट क्लियर हो गया। इट कैन बी एनीथिंग नाउ, एंशियंट मिडिवियल, यहाँ पे मैंने मौर्यास लिख दिया, मौर्यास के नीचे मौर्यास के सोर्सेज ऑफ इट्स हिस्ट्री लिख दिए, साथ में लिख दिया उसके बाद बुद्धिज्म एंड मौर्यास, फिर अशोका की पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यास। तेरा फोन साइलेंट कर, ऐसी टोन क्यों लगाते हो जो ड्राई दे सबको। नहीं नहीं, टोन की बात कर रहा हूँ, फोन तो किसी का भी आ जाता है। अच्छा, गाना चल पड़ा था आज से, तू गाना पता कौन सा सुनेगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, एक ही गाना चलना चाहिए तेरे फोन पे आज के बाद। सो बस वही तुमने एंशियंट इंडिया की एनसीईआरटी हो गई, क्लास के नोट्स हो गए, सब मर्ज कर दिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉलिटी। पॉलिटी में लेट्स से आज हमने पार्लियामेंट का चैप्टर स्टार्ट कर लिया, या हमने प्रेसिडेंट का चैप्टर स्टार्ट कर दिया, या प्राइम मिनिस्टर का चैप्टर, कोई एक चैप्टर, यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन जुडिशरी, कोई एक चैप्टर टीचर ने क्लास में स्टार्ट किया। एंड यू नो पार्लियामेंट का जो चैप्टर है कितना एक्सटेंसिव चैप्टर बन जाएगा वो। सबसे पहले तुम्हें पढ़ना पड़ेगा पार्लियामेंट के फीचर्स क्या हैं। पार्लियामेंट में लोकसभा है, राज्यसभा है, प्रेसिडेंट का रोल भी है, वाइस प्रेसिडेंट का रोल भी है, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा के चेयरमैन है, राइट। फिर तुम ऐसे पढ़ते पढ़ते पार्लियामेंट में क्वेश्चंस कितनी तरह के पूछे जाते हैं, स्टार्ट क्वेश्चंस हैं, अनस्टार्ट क्वेश्चंस हैं, फिर वो तुम्हें पढ़ाएंगे साथ में टीचर्स की, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस भी होते हैं, रेजोल्यूशंस भी होते हैं, मोशंस भी होते हैं पार्लियामेंट के, कमेटी सिस्टम होता है पार्लियामेंट का, कितने फैक्ट्स हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई भी टीचर पार्लियामेंट का चैप्टर 2 या 3 क्लासेस से कम में कवर कर पाएगा। अब पार्लियामेंट करते हुए टेक्स्ट बुक जो रिकमेंडेड है, मैं यहाँ पे तुम्हें एक चीज और भी समझाऊंगा, लक्ष्मीकांत सर की बुक बड़ी पॉपुलर है और सब लोग यही बुक पढ़ते हैं। जब सारे लोग बुक ही एक पढ़ रहे हैं तो सारे पास क्यों नहीं हो रहे। 99.99% ऑफ द पीपल हु अपीयर फॉर दिस एग्जाम फॉर पॉलिटी दे ऑल रीड लक्ष्मीकांत, और कोई बुक ही नहीं पढ़ते वो लोग, फिर सारे पास क्यों नहीं होते, सबके पॉलिटी के क्वेश्चंस ठीक क्यों नहीं हो रहे।
बिकॉज क्लैरिटी नहीं आ रही उनको कॉन्सेप्ट की. यूपीएससी ऐसा नहीं करेगी लक्ष्मीकांत से लाइन था के क्वेश्चन बनाएगी, वो कॉन्सेप्ट उठाएगी और क्वेश्चन बनाएगी. अगर क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट हुआ तो तुम ठीक कराओगे, अगर क्लैरिटी नहीं सिर्फ रट्टा मारा हुआ लाइन पढ़ पढ़ के 50 बार तो क्वेश्चन ठीक नहीं हो सकता, राइट. तो हमने क्या किया है, लक्ष्मीकांत की बुक को जो कि अराउंड अराउंड 800 पेजेस में है, इसको हमारे पॉलिटी वाले टीचर ने बैठ के 300 पेजेस में रिड्यूस किया. उसके बाद फिर दोबारा टीचर्स बैठे इसको एक बार और पढ़ा, फिर इसको हमने 150 पेजेस में रिड्यूस कर दिया. जब 150 पेजेस में रिड्यूस किया, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, अगर कहीं पे इमरजेंसी लगानी हो, नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, तो अगर ये इमरजेंसी लगानी है तो ये मैक्सिमम 6 महीने के लिए लगेगी अगर पार्लियामेंट अप्रूव करेगा. लेकिन पहले लगा दो, बाद में पार्लियामेंट से अप्रूव कराओ, ये फीचर है, राइट. पहले प्रेसिडेंट कहेंगे भी सिचुएशन बड़ी टेंस हो गई है, मैं इमरजेंसी लगा रहा हूं. प्रेसिडेंट खुद नहीं लगाएंगे, उनको प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाएंगे. जब वो इमरजेंसी लगाएंगे एक बार में सिर्फ 6 महीने के लिए लगाएंगे, लेकिन इन 6 महीने के पहले 1 महीने के अंदर अंदर इसे पार्लियामेंट से अप्रूव कराना पड़ेगा. अगर पार्लियामेंट ने अप्रूव नहीं किया तो इमरजेंसी रिवोक हो जाएगी, राइट. सो उसमें क्या किया, आर्टिकल 352 को बोल्ड किया, आगे लिखा इमरजेंसी, बीच में एक दो वर्ड्स लिखे 1 month अप्रूवल, इसको बोल्ड करके अंडरलाइन कर दिया. फिर 6 months मैक्सिमम इट कैन बी एक्सटेंडेड, इसको बोल्ड करके अंडरलाइन कर दिया. कि ये कीवर्ड्स हैं जो तुम्हारे दिमाग में आने चाहिए, कि इमरजेंसी 6 महीने के लिए लगती है, 1 महीने में पार्लियामेंट अप्रूव करता है, प्रेसिडेंट लगाते हैं 352 में. जैसे ही 356 आया उसमें जो चेंजेस रिक्वायर्ड है वो कर दिए, 360 आया वहां वैसे कर दिया कि 2 महीने के अंदर अप्रूव करानी है और 1 साल के लिए लगेगी, अब 6 महीने के लिए नहीं लगेगी. सो जो जो कीवर्ड्स आने चाहिए थे वो हाईलाइट किए होंगे ताकि तुम्हारी आंखें वहां पे रुकती रहें बार बार जब भी तुम रिवाइज करो. तो तुम्हें खुद नोट्स भी नहीं बनाने पड़ेंगे और खुद तुम्हें उसको हाईलाइट भी नहीं करना पड़ेगा. एवरीथिंग हैज बीन डन बाय आवर टीचर्स, राइट. ये क्लियर हो गया एक चीज. ऐसे ही लक्ष्मीकांत की बुक की तरह हमने जो मॉडर्न इंडिया की एक बड़ी पॉपुलर बुक है स्पेक्ट्रम की आती है राजीव हीर की, उसकी भी समरी बनाई हुई है. वो भी अराउंड 600 पेज की बुक है, उसको हमने 100 पेजेस में रिड्यूस किया हुआ है. रमेश सिंह की जो इकोनॉमी की बुक है उसको भी समराइज किया हुआ है. सो वी हैव मेड समरीज फॉर यू. अब समरीज अदरवाइज तुम्हें मैं पकड़ा दूं, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि तुम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ना ले पाओ बाय रीडिंग दोज समरीज. सो व्हाट वी हैव डन इज उन्हीं समरीज पे बेसिस हमने अपने लेक्चर्स बना दिए क्लास में, राइट. साथ में तुम्हें सारा एक्सप्लेन कर दिया, कोरिलेट कर दिया कि ये चीज इससे इस तरह रिलेट करती है. जैसे मैं तुम्हें अभी हिस्ट्री का एक कोरिलेशन समझाता हूं. 1861 अमेरिका में सिविल वॉर स्टार्ट हो गई. सिविल वॉर पढ़ी है किसी ने, अमेरिकन सिविल वॉर क्या था वो, कारण स्लेवरी, वेरी गुड. अमेरिका में ना, आई एम नॉट सेइंग नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, आई एम सेइंग यूएसए जो है इसका नॉर्थ और इसका साउथ, यूएसए का नॉर्थ साउथ, जैसे नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया, राइट. नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ अमेरिका में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गई, साउथ में प्लांटेशन इंडस्ट्री थी, खेती का काम चलता है. तो इस एरिया में स्लेवरी इंपॉर्टेंट थी, जो गुलाम थे दास थे वो यहां इंपॉर्टेंट थे ताकि वो खेतों में काम करें, क्योंकि ज्यादातर गुलाम यहां फंसे हुए थे, यहां से निकल के वो इंडस्ट्री में काम करने के लिए जा नहीं पा रहे थे. सो अब अमेरिका के प्रेसिडेंट का इलेक्शन ड्यू था और अब्राहम लिंकन इलेक्शन लड़ रहा है. अब्राहम लिंकन इलेक्शन से पहले एक स्पीच देता है, आई कैनॉट बी अ प्रेसिडेंट ओवर इन अमेरिका दैट इज हाफ फ्री हाफ स्लेव. तो पूरा अमेरिका फ्री होना चाहिए, दैट मीन्स अगर मैं प्रेसिडेंट बना तो मैं अमेरिका में स्लेवरी बैन कर दूंगा. जैसे उसने ये बोला, इलेक्शन हुए, वो जीत गया. साउथ की स्टेट्स जो थी, कैरोलिना टाइप जो स्टेट्स थी नीचे वाली, ये सारी बोलती है हमें यूएसए में नहीं रहना. 13 स्टेट्स ने वॉर डिक्लेयर कर दी और अपने आप को CSA अनाउंस कर दिया, कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका. एक बना यूएसए, एक CSA. अब यूएसए को लग रहा है कि ये तो हमें छोड़ के चले गए. जैसे इंडिया पूरा जोर लगाता है कि पंजाब खालिस्तान ना बने या आजाद कश्मीर ना बने, तो यूएसए ने जोर लगा दिया कि CSA ना बने. तो इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी जिसको बोलते हैं अमेरिकन सिविल वॉर, अमेरिका का गृह युद्ध. जब ये लड़ाई हुई ना, उस टाइम पर अमेरिका, इससे मतलब इससे पहले वाले टाइम में अमेरिका बहुत ज्यादा सुपीरियर कॉटन प्रोड्यूस करता था और पूरे यूरोप के इंडस्ट्रीज उसी कॉटन को यूज करके कॉटन टेक्सटाइल बनाती थी. बट अब अमेरिका में लड़ाई है, अमेरिका कुड नॉट प्रोड्यूस दैट कॉटन. बट ब्रिटेन की इंडस्ट्री को कॉटन चाहिए, नहीं तो उनकी इंडस्ट्री और प्रोडक्शन रुक जाएगी. उन्होंने इंडिया के लोगों को बोला, चलो यार तुम फटाफट से कॉटन लगाओ, हम तुम्हें इंसेंटिवाइज करते हैं, एडवांस पैसा ले लो, तुम्हारे देश में कॉटन लग सकती है, ज्योग्राफिकली सिचुएशन सही है तुम्हारे देश की. तो हमने कॉटन लोन पहले भी लगाते थे, इस बार ज्यादा लगा दी, हाथों हाथ बिक भी गई, इंडियंस को 4 पैसे भी बन गए.
अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है, कॉलोनियल है, उसको ये थोड़ा अच्छा लगेगा कि इंडिया पैसा कमाए, उन्होंने फटाफट से कॉटन के ऊपर टैक्सेस लगा दिए। अब हमें लग रहा था चार पैसे कमा रहे हैं, दो पैसे टैक्स दे भी लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। सो थिंग्स वर गोइंग गुड। बाय 1870s अमेरिकन सिविल वॉर खत्म हो गई, वो यूएसए फिर वापिस बन गया, सीएसए हार गया। अब जब यूएसए दोबारा इंटैक्ट हो गया, उसने फिर खेती शुरू की, इस साल उन्होंने बाड़ लगा दी कॉटन ग्रो कर करके। अब सारे अमेरिकन कॉटन के पीछे भाग रहे हैं, कोई इंडियन कॉटन खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि इन्होंने इंडियन कॉटन नहीं खरीदी इस बार। पर सरकार कहती है हमने कॉटन की सेल पे टैक्स थोड़ा लगाया था, कॉटन की प्रोडक्शन पे टैक्स लगाया था, तुमने प्रोड्यूस तो कर दी, अब बिकती है कि नहीं बिकती वो हमारी टेंशन थोड़ा है, टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि किसानों की फसल तो बिकी नहीं, पैसे आए नहीं, पर उनके ऊपर टैक्स लग गया, तो किसानों ने रॉयट्स कर दिए, दंगे हो गए हिंदुस्तान में। इनको कौन से दंगों का नाम दिया गया था? इंडिगो, तो नील की खेती होती है। अब देखो यूपीएससी तुमसे कैसे सिलेबस को इंटीग्रेट कराती है, इसको समझते हैं। तुम्हारे दिमाग चलना चाहिए उस दिन पेपर में, तुमने क्योंकि ज्योग्राफी भी पढ़ी हुई है, तुमने इकोनॉमी भी पढ़ी है, हिस्ट्री भी पढ़ी है, पॉलिटी भी पढ़ी है, साइंस भी पढ़ी है, तो वो तुमसे ना क्वेश्चन कुछ भी पूछे, हो सकता है हिस्ट्री का क्वेश्चन तुम ज्योग्राफी के नॉलेज के बेसिस पे आंसर दे। कॉटन कहाँ लगती है ज्योग्राफिकली? जहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है, महाराष्ट्र में। इंडिया में कहाँ पे है? महाराष्ट्र डेक्कन में। तो कौन से रॉयट्स हुए होंगे? डेक्कन रॉयट्स। कब हुए होंगे? 1870s में, क्योंकि जब अमेरिका का रेवोल्यूशन खत्म हुआ होगा। सो बाय इंटीग्रेटिंग डिफरेंट फैक्ट्स यू विल कम टू नो दैट व्हाट इज द एग्जैक्ट आंसर, राइट? इट इज नॉट पॉसिबल कि एक चैप्टर में से आंसर बन जाए, बट बाय इंटीग्रेटिंग द नॉलेज दैट यू हैव एक्वायर्ड ओवर अ टाइम ऑफ दिस प्रेपरेशन यू विल बी वेरी कंफर्टेबल गिविंग दिस आंसर, डन। सो हमें ना इंटीग्रेट करके चीजों को पढ़ना भी सीखना है साथ साथ। सो हिस्ट्री के साथ अब मैं तुम्हें वापस पॉलिटी में लेके आ रहा हूँ, लक्ष्मीकांत की समरी समझा के। तो प्रेसिडेंट का चैप्टर चल रहा है, प्रेसिडेंट की पावर्स लिख दी हैं, प्रेसिडेंट का रोल लिख दिया, प्रेसिडेंट के फंक्शंस लिख दिए, प्रेसिडेंट की लिमिटेशंस लिख दी, ये सारा टीचर ने क्लास में लिखवा दिया। अब घर जाओ, प्रिंटेड नोट्स इंस्टीट्यूशन के भी हैं, अगर दिल करे। अब लक्ष्मीकांत जो है ना वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट नहीं है, वो गाइड है। स्टैंडर्ड टेक्स्ट क्या होता है? जैसे सुभाष कश्यप की बुक है आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? डीडी बासु सर की बुक आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो टीचर उस टाइम पे तुम्हें बताएंगे कौन सी बेटर बुक्स हैं, तुम्हें एक चूज करके पढ़नी है, बट फिर वो दोबारा बोलेंगे नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि चाहे वो ग्रेनविल ऑस्टिन कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सुभाष कश्यप है, डीडी बासु है, या डॉक्टर बीएल फादिया सर की बुक है, वो सारी हमारे टीचर्स ने अपने लेक्चर्स में इनकॉर्पोरेट की हुई है। और पॉलिटी पढ़ने का एक और तरीका भी होता है, एक तो हम पॉलिटी ऐसे पढ़ते हैं कि इस साल में ये अमेंडमेंट हो गई, ये आर्टिकल चेंज हो गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट आई थी, लेकिन हमें पॉलिटी इस तरीके से भी पढ़नी चाहिए, इस टाइम पे इंडिया में ये सरकार थी सेंटर में, स्टेट्स में ये सरकारें थी, ये इशू बन गया था, इंटरनेशनली ये इशू और ज्यादा हाईलाइट हो गया था, जैसे कि इन्वायरमेंट को लेकर इंटरनेशनली बहुत कुछ चल रहा है, तो इंडिया में 42nd अमेंडमेंट जब कर रहे हैं तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में और फंडामेंटल ड्यूटीज में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, राइट? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड जक्स्टापोज इंडियन पॉलिटी vis-a-vis the political life in India as well as international developments. It is not that कि मैं सिर्फ constitution को रट्टे मार रहा हूँ बैठ के कि amendment हो गई थी, ये change हो गया था, मुझे background भी पता होना चाहिए. There can be an indirect question on why it happened, not just what happened and when happened. Clear? तो ये teachers class में integrate कर देंगे. Then let's talk about economics now. The best example, the easiest example, I hope I would have shared with few of you before. आज बहुत सारे लोग नए हैं तो मैं यही एग्जांपल से समझाता हूं कि हम बैंक्स के बारे में इकोनॉमिक्स में चैप्टर आएगा, सारे पढ़ेंगे बैठ के, बुक्स में भी है, नोट्स में भी है। अब यहां पे ना तुम्हें न्यूज़पेपर को इंटीग्रेट करने का बहुत अच्छा आइडिया दूंगा और साथ में डिफरेंट टॉपिक्स की इंटीग्रेशन का। टीचर ने क्लास में शुरू किया बैंक्स, पहले बैंक्स की स्टेटमेंट दी कि डेफिनेशन ऑफ बैंक्स क्या है, बैंक्स का ओरिजिन कैसे हुआ, फिर कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, नॉन कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, शेड्यूल बैंक क्या होते हैं, उसके बाद फिर हमारा जो नेशनल वो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक क्या है, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या हैं, कमर्शियल बैंक्स के फंक्शन क्या हैं, फिर नबार्ड के बारे में बात आ जाएगी, नेशनल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक की बात आएगी, ऐसे पूरे बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर के थ्रू मॉनिटरी पॉलिसी या फिजिकल पॉलिसी में क्या रोल प्ले किया जाता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में बैंक्स क्या रोल प्ले करते हैं, राइट? लोन, जो लोन मैकेनिज्म है उसको लेके बात करेंगे, फिर बैंकिंग सेक्टर को एग्रीकल्चर से रिलेट करेंगे, बैंकिंग सेक्टर को इंडस्ट्री से रिलेट करेंगे, ऑल इंटीग्रेटेड काम चल रहा है। लास्ट में आके टीचर तुम्हें यह भी बताएगा कि आजकल ना एनपीए का इशू बहुत पॉपुलर हो गया, बहुत हाईलाइटेड है। एनपीए होते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट्स,
तुमने बैंकों से लोन लिए हुए हैं, जिस बिजनेस के लिए लिए वो बिजनेस नहीं चल रहे, क्योंकि बिजनेस नहीं चल रहे तुम बैंक का लोन वापिस नहीं कर पा रहे हो, बैंक तुम्हारे बिजनेस को टेक ओवर भी कर ले आके तो भी बिजनेस तो चलता ही नहीं है। अब बैंक क्या जादू करेगी बिजनेस चल पड़े, तो बैंक ने असेट्स भी एक्वायर कर लिए अपने लिए पर पैसे तो वापस नहीं आए, तो ये नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हो गए। अगर ये बढ़ते जाएंगे बैंकों पास पैसे खत्म हो जाएंगे, बिजनेसेस को लोन मिलने बंद हो जाएंगे, पूरी की पूरी इकोनॉमी में स्टैग्नेशन आ जाएगी। अब टीचर ने तुम्हें यहां तक सारा पढ़ा पढ़ू के समझा के नोट्स बनवा दिए और मानते हैं आज का दिन ही था जिस दिन तुमने ये क्लास लगाई थी। अब टीचर की तरफ से करंटली अपडेटेड नोट्स क्लास में तैयार हो गए, इकोनॉमिक्स टीचर ने तुम्हें पढ़ा दिया। अब लेट्स प्रज्यूम कि 15 जुलाई को पार्लियामेंट के सेशन में प्रपोज किया जाए कि एनपीएस को कंट्रोल करने के लिए एक बिल पास करते हैं और एक नई बॉडी क्रिएट करते हैं जो सिर्फ एनपीए कंट्रोल करे। जिस दिन ये बिल पास हो, बिल इंट्रोड्यूस हो, पास भी ना हो, जो मेरे क्लास नोट्स थे जहां पे मैंने बैंकिंग का चैप्टर बना के एनपीए लिखा हुआ था, इसके इस तरफ खाली जगह पे मैं लिख दूं, अ बिल इज अंडर कंसिडरेशन टू कंट्रोल एनपीएस और इस बिल में ये प्रोविजंस हैं, सरकार ये करना चाहती है, फिर पार्लियामेंट में बिल आ जाए। राइट, अब जैसे ही पार्लियामेंट में बिल आया, अब ये इकोनॉमी है कि पॉलिटी है? अब तो पॉलिटी भी इंटीग्रेट होगी ना साथ में, तो मुझे अब याद करना पड़ेगा कि यार ये तो मनी बिल है, मनी बिल तो सिर्फ लोकसभा में आता है और मनी बिल तो 14 दिन के लिए राज्यसभा जाता है, तो मेरी पॉलिटी की रिविजन स्टार्ट हो गई। हो सकता है जिस साल ऐसा कोई बिल पास हो वो उस बिल पे क्वेश्चन ना पूछ के बेसिक पॉलिटी से क्वेश्चन पूछ दे, बट कंसर्निंग दैट बिल ओनली। ठीक है, इस साल मनी बिल को लेकर डिस्प्यूट चलता रहा तो क्वेश्चन उस बिल पे नहीं आके मनी बिल पे आ गया, बेसिक टेक्निकलिटीज ऑफ मनी बिल, या उसको फाइनेंस बिल का नाम दे दिया तो यूपीएससी तुमसे पूछे मनी बिल और फाइनेंस बिल में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो इट कैन बी डायरेक्टली आउट ऑफ करंट इश्यूज बट नॉट द करंट बट द स्टैटिक पार्ट ऑफ द टॉपिक। राइट, तो हमने यहां पे लिख लिया बिल पास, बिल पार्लियामेंट में आ गया और उस बिल के लिए जो पॉलिटी के फैक्ट्स हैं उनको क्विकली रिकॉल कर लिया कि ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। फिर ये बिल पार्लियामेंट में चलता गया, पार्लियामेंट में कौन सा बिल 2 दिन में पास होता है, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो लेट्स से कि 25 अक्टूबर को ये बिल पास हो गया, जिस दिन बिल पास हुआ, अब एक एक्ट पास हुआ ना, उस एक्ट का नाम रखा जाएगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट या बैंकिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट, कोई एक नाम बना दिया इन्होंने। जैसे ही वो बिल बना एक्ट, मैंने फिर यहां पे आके दोबारा लिखा कि अब ये एक्ट पास हो गया, इस एक्ट के ये फीचर्स हैं, इस एक्ट के थ्रू एक नई इंस्टीट्यूशन क्रिएट हो रही है, उस इंस्टीट्यूशन का नाम है बैंकिंग लोन ऑम्बड्समैन। उस अथॉरिटी की अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होगा, उसको अपॉइंट कौन करेगा? फिर पता चला कि प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक, ये एक बॉडी बनेगी जो अगले बंदे को चुनेगी। इसको रिमूव कौन करेगा, इसका सारा प्रोसीजर लिख लिया हमने, इसके फंक्शंस क्या होंगे, इसका रोल क्या होगा, ये सब लिख के रख दिया प्री में। अब कोई भी क्वेश्चन आए मुझे कि रिसेंटली पार्लियामेंट में कौन सा बिल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, ये वो भी पता है। रिसेंटली जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ उसमें क्या प्रपोज किया गया था, मुझे वो भी पता है। फिर ये भी पूछे विच आर द फॉलोइंग 4 वर द फीचर्स इन द बिल बट नॉट पास्ड इन द एक्ट, या विच आर द फॉलोइंग 4 आर अ फीचर ऑफ द एक्ट बट नॉट प्रपोज्ड इन द बिल ओरिजिनली, तो वो भी पता क्योंकि मैंने बिल की इंफॉर्मेशन भी लिखी है, एक्ट की भी लिखी है। राइट, अब ये खत्म हो गया। इस टाइम तक ना अभी मेरा प्री हो चुका है, इस साल का मेंस भी हो चुका है, बट अगले साल के स्टूडेंट्स के लिए 10 जनवरी को 2020 को एक कोई इकोनॉमिक के एक्सपर्ट आके आर्टिकल लिखे कि जो तुमने नई बॉडी बनाई है ये तो फेल हो गई, इसकी तो ये लिमिटेशंस हैं, ये तो काम ही नहीं कर पा रही है, ऐसी लोन अभी भी बटे जा रहे हैं, कोई चेक करने वाला नहीं है, एनपी इतना और बढ़ गया तो ये बॉडी बनाने का क्या फायदा हुआ। जब ये आर्टिकल आए तो फिर मैं यहां वापिस जाऊं, लिमिटेशंस ऑफ द न्यू बॉडी, उसकी क्या क्या कमियां रहेगी वो लिख लूं नीचे। राइट, फिर उसके बाद लग से 31 मार्च को कोई आदमी आके फिर एक आर्टिकल लिखे कि अगर इस बॉडी को स्ट्रांग करना है तो हमें ये स्टेप्स ले लेने चाहिए, तो मैंने वो भी पॉइंट्स लिख लिए। अब जिनका 2021 में मेंस आएगा उनको अगर ये क्वेश्चन आ गया, डू यू एग्री दैट द न्यूली क्रिएटेड बैंकिंग लोन्स ऑम्बड्समैन इज अ टूथलेस टाइगर, कि इसके पास पावर्स ही नहीं है, इफ यस व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन। तो ये टूथलेस टाइगर के पॉइंट्स थे और ये थे व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन। तो तुम्हारे नोट्स अपने आप करंटली अपडेटेड हो गए, अब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तुम उसको इजिली टैकल कर सकते हो। गया क्लियर ये पॉइंट, यहां तक कोई डाउट किसी के माइंड में आ रहा हो तो? हाँ
हाँ उसमें लिखते जाओ। ठीक है, तुम्हारा डाउट वैलिड है, इसको भी इनवैलिडेट कर देते हैं। ठीक है, प्रिज्यूम करो मैं तुम्हारा इकोनॉमिक्स का टीचर हूं और तुम्हारी क्लास में इकोनॉमिक्स स्टार्ट होती है लेट से 15 अगस्त के बाद, इसी साल में, उससे पहले हो नहीं रही है, तो 15 अगस्त तक जो न्यूज़पेपर में आया था मैं तुम्हें क्लास में लिखवा के जाऊंगा, उसके आगे तुम्हें समझा के जाऊंगा कि अब तुमने ये चीजें लिखनी है। तब तक तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए और तुम्हारा कुछ मिस भी नहीं हुआ। अगर जून में भी कोई बिल पास हुआ था तो मैं कॉपी में लिखवाऊंगा ना, ये थोड़ा होगा कि मैं तुम्हें पिछले साल वाले बच्चों के नोट सेम पढ़ा दूंगा इस साल भी। तो क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोगों को इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स अभी क्लियर नहीं है, और इट्स नॉट अबाउट कि किसने इकोनॉमिक्स पढ़ी है किसने नहीं पढ़ी, किसी ने भी पढ़ी हो इकोनॉमिक्स, इस तरह के फंडामेंटल थोड़ा हमारे कॉलेज में क्लियर हो जाते हैं। कॉलेज में तो हमें थ्योरेटिकली पढ़ाया गया, प्रैक्टिकली इतना कहां समझा दिया गया, तो टीचर्स को ये बात पता है, इसलिए टीचर्स तुम्हें क्लास में करंटली अपडेटेड नोट्स ही लिखवाएंगे। ये थोड़ा होगा कि मैं तुम्हें पिछले साल के सेंसस के बेसिस पे फिगर्स लिखवा दूंगा या पिछले साल के बजट की फिगर्स लिखवाऊंगा या इकोनॉमिक सर्वे की। जब तक नया बजट या इकोनॉमिक सर्वे नहीं आया सिर्फ तब तक पिछले फिगर्स चल रहे हैं, जैसे ही नया आएगा सबकी कॉपीज चेंज हो जाएंगी। इसको ध्यान में रखते हुए दो चीजें की हुई हैं हमने, एक तो यही कि टीचर करंटली अपडेटेड करा रहे हैं, दूसरा अब मैं तुम्हें आज क्लास पढ़ा के चला गया, तीन दिन बाद, चार दिन बाद, पांच दिन बाद चीजें भी तो चेंज हो सकती हैं। सो एवरी वीकेंड हम एक करंट अफेयर की क्लास रखते हैं, चेतन सर वो क्लास लेते हैं, चेतन सर तुम्हें बोलेंगे, मैंने कुछ दिन पहले सेम एग्जांपल दिया था दोबारा देता हूं, आईआर की क्लास चल रही है, इंटरनेशनल रिलेशंस की, इंडिया फॉरेन पॉलिसी पे डिस्कशन हो रही है, और चेतन सर ने ही क्लास में लिखवाया कि यार देखो इंडिया चाइना के बीच में ना बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, जैसे कि बाउंड्री लाइन डिस्प्यूट है, मैकमोहन लाइन को लेकर हम दोनों में कॉन्फ्लिक्ट चलता है, चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है इस चीज को लेकर भी डिस्प्यूट है, चाइना अस्काई चिन को ऑक्यूपाई करके बैठा है इसको लेके भी है, चाइना कराकोरम हाईवे बनाता है इस चीज को लेके भी है, चाइना नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी को भी प्रमोट करता है इस चीज को लेके भी डिस्प्यूट है, चाइना इंडिया को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में घेरने की कोशिश करता है, राइट, कि उसने अलग अलग जगहों पर ना, जैसे चाइना ने क्या किया, ये इंडिया है अगर तो बांग्लादेश में चिटगांव पोर्ट डेवलप करा के अपनी नेवी बिठा ली है, हम्बनटोटा पोर्ट डेवलप करा के श्रीलंका में बिठा दी है, ग्वादर पोर्ट डेवलप करके पाकिस्तान में बना दिया है, और यहां पे तो कराकोरम हाईवे बना के पूरी अपनी फौज लगा दी, तो इंडिया की इनसर्कलमेंट कर दिया चाइना ने, तो हम इन सब चीजों को लेके डिस्प्यूट में है। फिर ट्रेड इंबैलेंस भी है हमारे और चाइना के बीच में, उस चीज को लेके भी हमारे बीच में डिस्प्यूट है। ये सारा लिखवाते लिखवाते फिर सर ने लास्ट में बोला, क्योंकि चाइना पाकिस्तान के टेररिस्ट अजहर मसूद को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने में यूएनओ में हेल्प नहीं करता, ये भी एक इश्यू है, लिख लो कि ये इरिटेंट इन इंडिया चाइना रिलेशन है। क्लास खत्म हुई 8 बजे, सब घर गए, साथ ही न्यूज आ गई चाइना ने अजहर मसूद को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करवा दिया, उसी दिन रात को नोट्स चेंज हो गए। तो चेतन सर की क्लास तो खत्म हो चुकी है, पर करंट अफेयर की क्लास तो होगी ना उसी वीकेंड पे, तो सर बोलेंगे यार वो जो मैंने उसी लिखवाया था उसको चेंज कर लो, वहां पे जाके लिख दो कि चाइना और अब पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया, अजहर मसूद ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर हो गया। सो एक चीज ऐसे चेंज हो गई, अब जो टीचर्स हैं वो आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं, इट्स नॉट दैट कि टीचर्स ही आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे। तो जैसे मैं क्लास पढ़ा के जाता हूं, मैं बाहर जाके 3-4 बातें टीचर्स को बताता हूं, आज मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था, इसमें ये कॉन्सेप्ट बताए थे, उस बच्चे ने ये शरारत की थी, उस बच्चे ने ऐसे किया था, उसका आंसर बेस्ट था, उसने बड़ा ही घटिया आंसर लिखा हुआ था, तो हम सारे टीचर्स ये बात तो करेंगे ना ऑब्वियसली उस दिन में, तो मैं उनको बता रहा हूँ ना कि ये मैंने किया। ऐसे अनुज सर आके बताते हैं मैंने ये पढ़ाया, राघव सर आके बताते हैं मैंने पढ़ाया, भरत ने पढ़ाया, आकाश ने पढ़ाया, तो चेतन सबकी बातें सुनता है, जहां उसको लगता है वो नोट करता रहता है कि ये चीजें क्लास में हो गई हैं, फिर वो करंट अफेयर पढ़ाता है। जैसे उसको लगता ना कि यार चेतन को लगता है कि राघव ने क्लास में बैंकिंग ऑम्बड्समैन तो पढ़ाया होगा, लेकिन उसने ये थोड़ा पढ़ाया होगा जो आज अखबार में आया, तो चेतन अपनी उस करंट अफेयर की क्लास में तुम्हें बोलेगा राघव सर ने जहां तक पढ़ाया हुआ था ना अब उसमें ये चेंज आ गया, तो ये लिख लो जाके, राइट। हो सकता है तुम्हारी क्लास को इंटरनेशनल रिलेशंस चेतन सर ना पढ़ाएं, फॉर एवरी सब्जेक्ट वी कीप 2 टीचर्स, एंड द रीजन इज कोई एक बंदा किसी एक दिन बीमार भी हो सकता है, किसी एक को कोई काम भी पड़ सकता है, बट दैट डजंट मीन कि बिकॉज ऑफ आर प्रॉब्लम तुम्हारी क्लास कैंसिल हो जाए। सो एवरी टीचर इज एट पार विद द अदर टीचर। अब भरत की जगह तुम्हें एशियन मेडिवल मैं पढ़ाऊंगा तो गलत थोड़ा पढ़ा जाऊंगा, या मेरी जगह मॉडर्न इंडिया तुम्हें भरत पढ़ाएगा तो वो गलत थोड़ा आ जाएगी, हिस्ट्री तो सेम रहेगी। पॉलिटी चेतन पढ़ा दे, मैं पढ़ा दूं, अनुज पढ़ा दे, राघव पढ़ा दे, मोहित पढ़ा दे, कोई भी टीचर आगे तुम्हें पॉलिटी पढ़ा दे वो सेम होगी, इकोनॉमी राघव पढ़ाए या मोहित पढ़ाए सेम होगी, राइट। अब देर इज अ चांस कि तुम्हारी क्लास में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया इंटरनेशनल रिलेशंस, एक बैच को चेतन सर ने पढ़ाया था, एक बैच को अब अनुज सर पढ़ा रहे हैं,
तो इस चीज में भी कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई डिफरेंस ना आ जाए. किया क्या हुआ है, एक डॉक्यूमेंट तैयार है कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस क्लास में होने चाहिए. इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में हिस्टोरिकल फैक्ट्स आए, उसके बाद रिसेंट डेवलपमेंट्स आए, फिर इरिटेंट्स आए, फिर वे फॉरवर्ड आए. तो सारे टीचर को पता है मैंने ये चार चीजें करानी ही करानी है. आगे उसको भी और ज्यादा स्ट्रीमलाइन किया हुआ है कि इसमें इरिटेंट्स में ये पांच फैक्ट्स तो लिखवाने हैं, इसके बाद टीचर के पास स्पेस है कि अगर उसको कुछ नया पता तो वो बता दे. तो बेयर मिनिमम तो सारी क्लासेस में एक जैसा ही चलेगा. फिर डिपेंड करता है उस टीचर ने अगर रिसेंटली कुछ पढ़ा है, तो अगर ये एक टीचर है दूसरा टीचर मैं हूं, हम दोनों सेम न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं, अगर मैंने उस दिन कुछ पढ़ा तो इसने भी पढ़ा ही होगा, तो हम दोनों यूजली आके चीजें भी सेम लिखवा देते हैं. टू एंश्योर कि क्लास में सब कुछ क्लियरली हो रहा है, मैं हर बैच में से किसी एक स्टूडेंट का रजिस्टर रैंडमली ले लेता हूं. जैसे मैं इस बार तुम्हारी क्लास को पढ़ते पढ़ते महीना डेढ़ महीना हो जाए, लेट से तुम्हारी क्लास में ज्योग्राफी खत्म हो जाए, तो मैं आऊं और मैं बोलूं यार अपना रजिस्टर मुझे दे दे, राइट. इसके रजिस्टर को मैं फोटो करा के अपने रूम में रख लूंगा, फिर मैं उसको थोड़ा स्टडी करूंगा और देखूंगा कोई टॉपिक मिस तो नहीं हुआ होगा, राइट. अगर कोई टॉपिक मिस हुआ तो उस टीचर को बताएंगे यार टॉपिक मिस क्यों हुआ, राइट. फिर वो टीचर है सर मैंने तो कराया था, इसने कॉपी में नहीं लिखा हुआ, फिर मैं किसी एक ही कॉपी लेके सिर्फ वो चैप्टर पढ़ूंगा. अगर लिखा हुआ तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फुल कंप्लीट हो गई. अब तुम्हारी क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि तुमने क्यों नहीं लिखा जब टीचर ने बताया. और अगर दो तीन लोगों की कॉपी में नहीं है, दैट मीन्स टीचर ने नहीं कराया, देन टीचर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल एंड ही विल बी गिवन एन एडिशनल लेक्चर टू गो एंड टॉक अबाउट दैट सब्जेक्ट इन द क्लास, डन. अब इसको और ज्यादा स्ट्रीमलाइन करने के लिए हमने इस बार क्या किया, डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं. इट विल टेक अस अबाउट अनदर 10 डेज टू कंप्लीट दिस डॉक्यूमेंट. अब सपोजिटली हम सोचें कि प्री हिस्ट्री का टाइम है, हिस्ट्री यहां से स्टार्ट होती है. प्री हिस्ट्री में आता क्या है, यूपीएससी ने सिलेबस में लिख दिया प्री हिस्ट्री, खत्म. क्या करना है प्री हिस्ट्री में, पैलियोलिथिक भी पढ़ना है, मीजोलिथिक भी पढ़ना है, नियोलिथिक भी पढ़ना है, चालकोलिथिक भी पढ़ना है, वेरी गुड. इसमें क्या पढ़ना है, इसमें सबसे पहले पढ़ना है कि कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, फिर पढ़ना है इस टाइम पे कौन से टूल्स यूज किए गए, कब कौन सा मेटल यूज किया गया, कब एग्रीकल्चर किया गया, कब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल किया गया, फिर इन सोसाइटीज ने आर्ट फॉर्म भी तो बनाए हैं, भीमबेटका में पेंटिंग की है, रॉक पेंटिंग, तो आर्ट ऑफ प्री हिस्ट्री भी पता होना चाहिए, राइट. ट्रेड ऑफ प्री हिस्ट्री भी पता होना चाहिए, रिलीजन ऑफ प्री हिस्ट्री भी पता होना चाहिए. तो ऐसे टॉपिक में ना ऊपर लिख दिया प्री हिस्ट्री, नीचे लिख दिया साइट्स, देन टूल्स, देन आर्ट, देन रिलीजन, देन इकोनॉमिक्स, ऐसे हेडिंग्स बना दी. हर हेडिंग के आगे ने एक छोटा सा बॉक्स लगा दिया. जब टीचर क्लास में पढ़ाएगा, साइट्स करा दी, तुम अपने आप टिक कर लेना. तुम्हारे को पता है कि साइट्स अब क्लास में आज हो गई, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये नहीं हुआ. तुम उसी टाइम टीचर को बोल सकते हो सर वो इकोनॉमी वाला पार्ट रह गया प्री हिस्ट्री का, क्योंकि तुम्हारे पास तो ये डॉक्यूमेंट है. तो ये हर टॉपिक का डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है, विच विल गिव यू बिफोर दैट पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट्स, सो दैट यू योर सेल्फ कीप अ टैब ऑन द टीचर कि वो पूरा सिलेबस करा रहा है कि नहीं करा रहा. डन. अब सिलेबस कंप्लीशन इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द एंटायर प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस. एक एग्जांपल तुम्हें इस स्टूडेंट से देता हूं, इसने पूरा सिलेबस बहुत डिलीजेंटली कंप्लीट किया है, राइट. ये कितनी खुश हुई, मैंने कभी शुरू भी नहीं किया, सर ने कंप्लीट भी करा दिया, कोई बात नहीं पुत्र होएगा कंप्लीट भी हो जाएगा, ठीक है, बस डिलीजेंटली करना है. इसने ना सारी बुक्स दो दो तीन तीन बार पढ़ी, सबके नोट्स बना दिए, न्यूज़पेपर सारे इसने पढ़ दिए और सबको नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर दिया, और दो साल पूरी मेहनत करके पेपर दे दिया. इसको अब निकाल देते हैं सीन से बाहर, क्योंकि अब बुरा काम आने वाला है. ये स्टूडेंट है, इसने ऐसा सारा कर दिया और जब पेपर देने गया प्री इसका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, फिर ये मेंस तक भी पहुंच गया, फिर मेंस में ये फेल हो गया. ऐसा क्यों, इसने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं की हुई. आंसर लिखना एक आर्ट है, अपने आप को एक्सप्रेस करना, तो वो प्रैक्टिस अगर तुमने क्लासरूम में नहीं की तो तुमने तैयारी नहीं की, तुमने फीस हमें दान में दी है, राइट. तुम वैसे ही आ गए थे कि चलो मल्होत्रा साहब दे पैसे देने हैं पुराने जन्मा दे, आप फड़ो मल्होत्रा साहब तेरा लाख सवा लाख रह गया सी पिछला, आ चको पढ़ने पुढ़ने नहीं आए हम, वैसे ही लाख सवा लाख डैडी का खराब करना था, इस बार आ गए. बहुत सारे होते हैं मेरे जैसे जो करते हैं, तुम्हारे जैसे नहीं होते होंगे. बट अब तुम्हें ध्यान क्या रखना है, तुम्हारी हर क्लास में टीचर एटलीस्ट दो बार 50 क्वेश्चन ईच का ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले. हर टॉपिक में टीचर इंडिविजुअली दो बार 50 क्वेश्चंस ईच का टेस्ट ले. अगर टीचर ने नहीं लिया तो तुम मुझे इन्फॉर्म करोगे. वन, या तुम टीचर को बोलोगे सर टेस्ट नहीं ले रहे, बाकी टीचर तो लेते हैं. कई बार टीचर थोड़ा सा मस्ती भी मार जाते हैं ना कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे नहीं कह रहे, हमें भी क्या जरूरत पड़ती है. और बच्चे इसको बहुत ज्यादा प्रमोट पता कैसे कराते हैं,
मैंने पीछे एक टेस्ट रखा किसी बैच में, 50 बच्चों का बैच था, मैंने कहा कल तुम्हारा टेस्ट होगा, 50 कॉपी फोटो भी करा दी, सुबह 5 बच्चे भी नहीं आए, तो अगली बार तो मेरा दिल नहीं करेगा टेस्ट लेने का, और अगर तुमने टेस्ट नहीं दिए तो हम तुम्हारी इवैल्यूएशंस कैसे करेंगे। अच्छा यहाँ पे ना ये रूल नहीं है कि मेरे को कोई काम पड़ गया, मेरी क्लास 11 बजे थी, मुझे 11:15 बजे पता चला कि मुझे घर जाना पड़ रहा है, तो मैं बोलूँ उस बच्चे को टेस्ट दे दो यार, ये रूल नहीं है। अगर मेरे को जाना पड़ गया, आई टोल्ड यू कि दो टीचर हैं, तो दूसरा टीचर आके क्लास ले लेगा, उसको सेम टॉपिक आते ही पढ़ाना, बट देयर इज एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज टेस्ट कि आज तुम क्लास में आके बैठे, मैंने तुम्हें 1 घंटा पढ़ाया और अचानक बोला 5 मिनट की ब्रेक है, उसके बाद तुम्हारा टेस्ट है इस टॉपिक का, जाओ पानी पी के वापस आओ, बैठो, टेस्ट तुम्हारे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और एक इनविजिलेटर क्लास में खड़ा होगा, तुम टेस्ट करोगे, सो वट अगर तुम्हारा सारा टेस्ट उस दिन गलत भी हो गया, तो एट मैक्स ये है कि सारा टेस्ट ही गलत हो गया, बट तुम्हें आदत तो पड़ गई ना सरप्राइज एलिमेंट की, अगली बार से तुम तैयार रहा करोगे, फिर जिस दिन भी सरप्राइज टेस्ट होगा तुम परफॉर्म करना शुरू कर दोगे, अल्टीमेटली किसी एक दिन तुम इस स्ट्रेस से फ्री हो जाओगे कि कोई भी क्वेश्चन आए तुम्हें टेंशन होनी खत्म हो जाएगी, नहीं तो एग्जाम में उस दिन जाके अगर टेंशन होगी ना कि मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, तो मारेगे फिर तो तुम्हारी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक तैयारी नहीं करानी है, तुम्हें साइकोलॉजिकली भी इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। ऐसे ही हर टीचर की ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है कि उसने 2 मेंस के टेस्ट भी क्लास में कराने हैं, 5-5 क्वेश्चंस के, पेपर में 20 या 25 क्वेश्चन आते हैं, पर जो टॉपिक क्लास में चल रहा है उसका लेट से एक टॉपिक जो हिस्ट्री है वो 4 वीक्स चलता है, 3-3 घंटे की 5 क्लासेस 4 वीक्स में खत्म हो जाता है, 20 × 360 hours लेट से, राइट। अब हर एक हफ्ते मैंने तुम्हारा प्री का टेस्ट ले लिया, 1 हफ्ते मेंस का, 1 हफ्ते प्री का, 1 हफ्ते मेंस का, तो 4 टेस्ट तो क्लास में हो ही गए। जब हिस्ट्री खत्म हो गई, तुम्हारे 4 टेस्ट क्लास में हो चुके थे ना, अब एक पूरा 100 क्वेश्चंस का हिस्ट्री का टेस्ट वहां पे बाहर शेड्यूल लगा होगा, इस दिन वो टेस्ट होगा, क्लास के अलावा एक दिन तुम आओगे, तुम्हारी 5 दिन क्लास होगी, 1 दिन टेस्ट होगा, 1 दिन करंट अफेयर की क्लास होगी, हम तुम्हें 7 के 7 दिन बिजी कर देंगे, राइट। अगर किसी को बहुत ज्यादा एक्सीजेंसी है, जरूरी है छुट्टी लेनी, ले लो, वीडियो लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग इसीलिए कर रहे हैं, राइट, हमारी क्लासेस ऑनलाइन भी जाती हैं, सेम जो हम यहां पढ़ा रहे हैं वही ऑनलाइन जा रहा है, जो तुम्हें कोई जरूरत पड़ गई तुम उस 1 दिन का वीडियो लेक्चर हमसे मांग सकते हो, बट टू कीप इट इन कंट्रोल कि तुम फिर ज्यादा रिलैक्स ना करना शुरू कर दो कि वीडियो तो मिल जाता छाट जा रहा नहीं उठना, इसलिए रूल ये रखा गया कि वीडियो के लिए तुम्हें हम घर पे लेक्चर का लिंक नहीं भेजेंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं कि तुम लीक कर दोगे, तो खुद ही अपने कितने लेक्चर यूट्यूब पे डालता हूं, तो कर भी तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे सारे लेक्चर हर बार चेंज हो जाते हैं, राइट। इशू ये है कि तुम घर पे बैठ के मस्ती ना मारो, तो तुम्हें जिस दिन तुम्हारी क्लास मिस हुई है उसी क्लास को अगर तुमने देखना है तो यहां बैठ के देखोगे, अब तुम्हारे ऊपर बर्डन क्या है, 3 घंटे का आज का लेक्चर प्लस 3 घंटे का वीडियो भी देखना पड़ेगा, तो तुम रूटीन में तो मिस नहीं करोगे, अगर किसी दिन इमरजेंसी में मिस कर लिया तो तुम्हें पता होगा यार मजबूरी थी तो लगा लेते हैं 1 दिन 3 घंटे की क्लास एक्स्ट्रा, राइट। सो ये कभी कभार होगा जब बहुत एक्सट्रीम केसेस होंगे, रूटीन में तुम रिलैक्स नहीं करने वाले, सो यू विल बी वेरी प्रॉम्प्ट एंड रेगुलर फॉर द क्लासेस, सो ये टेंशन नहीं लेनी कि क्लास मिस हुई, और अगर तुमने भी लेक्चर्स ऑनलाइन ही देखने हैं तो फिर ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट में फर्क क्या रह गया, तो उसके लिए एक प्रोविजन और है, तुम्हारी एक क्लास आज वाली मिस हो गई 11 बजे वाले लेक्चर में, तो अगले हफ्ते या 2 दिन बाद या 20 दिन बाद वो सेम क्लास शाम वाले बैच में भी तो आनी है, तुम शाम को आके क्लास में बैठ जाना, उसमें क्या टेंशन है। और लेट्स प्रज्यूम इस लड़के का सारा कोर्स कंप्लीट हो गया, पूरे का पूरा कोर्स मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया, सारे सब्जेक्ट्स डन, इसने सब पे आगे टिक मारे हुए हैं, सारे टेस्ट हो गए, इसके टेस्ट का रिकॉर्ड भी मेरे पास आ चुका है कि इसके ये मार्क्स आए हैं, ये हुआ है। फिर ये आगे बोले सर पेपर तो मैंने अगले साल देना है, मेरा कोर्स तो खत्म हो गया, क्या मैं पूरा कोर्स रिपीट कर लूँ, तो कर ले, उसकी फीस कोई फीस नहीं, तुम हमारे स्टूडेंट हो, अगर तुम दोबारा पढ़ोगे तो तुम तो इंश्योर करोगे कि एक बार रिजल्ट तुम्हें अच्छा दो, तो मैं तुम्हें डिस्करेज क्यों करूँ उस चीज़ के लिए। अगर क्लास में 100 कुर्सियां पड़ी हैं और 60 बच्चे बैठे हैं तो 40 इसलिए पड़ी हैं कि बाकी आगे रिपीट कर लो, नए बच्चे हम 50-60 से ज्यादा नहीं रखेंगे, अगर 5-7-10 आगे पुराने बैठ भी जाएं और रिपीट कर रहे हैं, बस उनको हाथ जोड़ के एक विनती होती है कि नए बच्चों को पढ़ लेने देना, अब यहाँ पे ये मत शो करना कि हमें आता है, उनको डराना मत शुरू कर देना कि टीचर बोले सर ये आंसर है, क्योंकि बेवकूफ तू पढ़ चुका है तो तेरे को पता है, पिछले साल तू भी चुप ही बैठा हुआ था ना? अब मैं तुम्हारी क्लास को एक रैंडम सा सवाल पूछता हूँ, लेट्स सी तुम्हें ना समझ आएगी गेम, सारे आंसर नहीं दोगे, जिससे मैं पूछूंगा वो आंसर देगा। दिस साइड लास्ट बॉय, द बॉय विद द कैप, कीप सिटिंग एंड देन जस्ट गिव मी आंसर लास्ट में, तुम तो सेंटर ऑफ द क्लास में हो, नाम बताओ। राहुल,
राहुल साइमन कमीशन आया था इंडिया, सुना नाम ना, साइमन गोबा का स्लोगन था, इंडियंस ने साइमन कमीशन का बायकॉट क्यों किया था? बैठ जा सोच दो मिनट, आराम से बैठ, है कोई आइडिया? और ये सवाल यूपीएससी पूछ चुकी है एक बार, अभी आता हूं बेटा, तुम्हारे तीन के हाथ खड़े हो गए, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हैं गर्ल्स। हाँ राहुल, नाम तो सुना हुआ है, बता। नो आइडिया। अब इस क्लास में वो लोग सब हाथ खड़ा करो जिनको आंसर आता है। 1, 2, 3, 4 and 5 आउट ऑफ गुड 40-45 स्टूडेंट्स, राइट? बताओ क्या आंसर है, बैठ के आराम से। बिकॉज इट वॉज ऑल वाइट कमीशन, कितना सिंपल आंसर है ना, इट वॉज ऑल वाइट कमीशन एंड दैट इज वाई इंडियंस बायकॉटेड इट, कि किसी इंडियन को भी तो मेंबर बनाओ, हमारे देश के फ्यूचर के बारे में बात करने आए हो, हमें मेंबर नहीं बना रहे, गोरे गोरे आपस में खेली जा रहे हो कि हमने इंडिया का ये कर देना, हमने इंडिया का वो कर देना, हमें भी खिलाओ साथ में, राइट? फिर हम तुम्हें हरा देंगे जैसे कल हराया था, राइट? चलो अब लॉजिक समझो, आज तक तुम्हें यह फैक्ट नहीं पता था कि साइमन का बायकॉट क्यों हुआ, आज पता चल गया, अब तुम्हारे लिए तो कितने आसान हो गया ना ये, तुम्हें क्या लग रहा है, क्या यार क्या बात थी ये तो। अब अगर पेपर में किसी साल ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, तुम पता आगे कैसी बातें करोगे, पेपर बड़ा इजी आया था, आज का दिन याद करना, तुम्हें पता नहीं था कितना टफ क्वेश्चन था तुम्हारे लिए कि साइमन का बायकॉट क्यों किया गया था, बट आज के बाद तुम बोला करोगे ये तो क्लरिकल जॉब है, ऐसे तो क्लरिकल के पेपर में क्वेश्चन आते होते हैं साइमन का बायकॉट, कोई टफ पूछे तो बात बने, हो गया फंडा क्लियर? इस क्लास में कितने लोगों को पता है कि श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन की 13th अमेंडमेंट की रेलिवेंस क्या है? हाउ मेनी ऑफ यू नो द आइडिया ऑफ 13th अमेंडमेंट ऑफ श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन? नन ऑफ अस। छोटा सा आइडिया देता हूं, इंडिया से ब्रिटिश सरकार जब रूल कर रही थी इंडिया पे, साउथ इंडिया में से उठा के बहुत सारे लोगों को, तमिल्स को श्रीलंका ले गए वहां पे अपने काम करवाने के लिए, इंडेंचर्ड लेबर बना के कि चलो हमारे साथ काम करना वहां जाके। श्रीलंका के लोगों के लिए अंग्रेज जैसे हमें बुरे लगते थे, श्रीलंका के लोगों को भी बुरे लगते थे, उनको साथ में अब ये तमिल्स भी बुरे लगने शुरू हो गए कि ये तो आउटसाइडर हमारे देश में आ गए, राइट? हमारे कल्चर के ऊपर आके अटैक कर रहे हैं, हमारी टेरिटरी पे आ गए, हमारी जॉब्स ले ली, जैसे आजकल अमेरिका में होता है या यूरोप में होता है, राइट? फिर 1948 में श्रीलंका आजाद हो गया, जैसे श्रीलंका आजाद हुआ वहां पे तमिलियंस माइनॉरिटी में थे और सिन्हेलीज जो ओरिजिनली श्रीलंकन है वो बहुत ज्यादा थे, उन्होंने बोला भी सिन्हेली लैंग्वेज हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, तमिल तुमिल नहीं बोलनी आज के बाद श्रीलंका में, हमारा बुद्धिज्म धर्म होगा, तुम्हारा धर्म भी यहाँ रिकॉग्नाइज नहीं होगा, तमिलियन को राइट टू वोट भी नहीं देंगे, तमिलियन राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन भी नहीं देंगे, भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी नहीं बनने देंगे। तमिलियंस ने बहुत रिक्वेस्ट की पर वो माने नहीं, तो इन्होंने LTTE बना दी, लाइक लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। श्रीलंका के लिए ये मिलिटेंट हो गए, तमिलियंस के लिए ये फ्रीडम फाइटर्स हो गए कि अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं अपने राइट्स के लिए। श्रीलंका में अब इंडिया ने इंटरवीन किया क्योंकि हमारे नेबरहुड में लड़ाई हो गई, तो हमने उनको बोला यार कि तमिलियंस को राइट्स दो। राइट्स के लिए जो बिल तैयार हुआ कि श्रीलंकन को हम कुछ राइट्स देंगे, वो बनी 13th अमेंडमेंट, जिसमें उन्होंने बोला कि हम श्रीलंका में रहने वाले तमिलियन ओरिजिन के लोगों को राइट्स दे देंगे। बट LTTE मानने को तैयार नहीं थी कि अब तो हम, वो उस दिन ऐसे कह रहे थे अब तमिल मांगे आजादी, राइट? जैसे वो JNU में लड़के कह रहे थे उस दिन, तो वहां पे पंगा पड़ गया, प्रभाकरन साहब ने कह दिया भी अब तो वॉर है। उस लड़ाई के चलते हुए इंडिया को पीस कीपिंग फौजें भी भेजनी पड़ गई राजीव गांधी सरकार को कि लड़ाई रुकवाई जाए। तमिलियंस को गुस्सा आ गया, उन्होंने राजीव गांधी साहब की असैसिनेशन भी कर दी, जबकि 13th अमेंडमेंट पास भी हो गई, बट फिर भी लड़ाई चलती गई। बाद में प्रभाकरन साहब भी मारे गए, LTTE भी खत्म हो गई, पर अब श्रीलंका के तमिलियन बोलते हैं कि जो तुमने 13th अमेंडमेंट की है उससे हमें हमारे जेन्युइन राइट्स नहीं मिले, अब 13th प्लस अमेंडमेंट की बात करो, कि उसकी अमेंडमेंट की भी अमेंडमेंट करो, उसमें कुछ नए फैक्ट्स ऐड करो। तो आज तुम्हें इसकी बैकग्राउंड भी समझ आ गई। ऐसे कितने टॉपिक होंगे जब टीचर क्लास में शुरू करेगा तुम उनकी सारी बैकग्राउंड्स को समझ आया करोगे, बट उसके बाद तुम्हें रेगुलरली न्यूज़पेपर से खुद भी अपडेट करना है और हम भी वीकली करंट अफेयर करेंगे। सो हियर आई टेक अ पॉज, मैंने जो तुम्हें नोट्स के बारे में समझाना था, न्यूज़पेपर्स के बारे में समझाना था, आई एम डन विद इट। अब मैं तुम्हारे साथ NCERT स्टार्ट करूंगा, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद NCERT स्टार्ट करते हैं। और पहली क्लास मैं तुम्हारे साथ आज पूरी हिस्ट्री की टाइमलाइन ऑफ NCERT बना दूंगा, आज सिर्फ टाइमलाइन बनाऊंगा एंशियंट मिडिवियल मॉडर्न की, विच विल टेक अस अबाउट 2 आवर्स टू कंप्लीट। फिर कल उस टाइमलाइन को इलैबोरेट कर दूंगा अगले 2 या 3 लेक्चर्स में। डन। सो वी आर स्टार्टिंग विद मेकिंग टाइमलाइन एंड टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री।
हिस्ट्री में सबसे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री की टाइमलाइन बनाते हैं, राइट। साथ में वर्ल्ड हिस्ट्री की टाइमलाइन बनवाऊंगा और उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दूंगा। जिस दिन तुम्हारी क्लास में वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट होगी, यू ऑल विल बी फेमिलियर एंड कंफर्टेबल विद ऑल द टॉपिक्स, राइट। सो सबसे पहले टर्म लिखो। अब देखो, मैं तो पंजाबी हाँ मिलता पता है, यहाँ पे सबको पंजाबी समझ आती है पहली बात। कहाँ से हो? हरियाणा पंजाब है। मैं बचपन से समझाता रहा हूँ, 1966 से पहले कौन सा हरियाणा, कहाँ था हरियाणा? पंजाब था। इब क्यों है? इब है ना हरियाणा, कोई बात नहीं। एक पंजाबी में, चलो बाद में सुनाऊंगा, अकेले में सुनाऊंगा ये वाली बात में। मेरा बेस्ट फ्रेंड है सोनीपत से, उसकी मेरी सुबह शाम यही बात चलती रहती है। वो कहता होता है दुनिया में सिर्फ हरियाणा हो गया, बाकी सब वहम हो गए। फिर मैं उसको बोलता हूँ 6 से पहले हरियाणा वहम हो गया, उसके बाद हरियाणा हो गया, ठीक है। चलो फिर ना मुझे ये बता देना यार, कितने लोगों को स्पेलिंग्स में प्रॉब्लम है। आज 2-4 दिन तक तो मैं सारे स्पेलिंग्स भी बोल दूंगा, बट अगर ये मैटर ऑफ रूटीन हुआ तो मैं तलवार भी निकाल लेता हूँ, कि मैं स्पेलिंग थोड़ा बोलता रहूंगा यार, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी स्पेलिंग बोल बोल के, मैं बुढ़ा हो चुका हूँ पहले। तो लिखो, पहला टॉपिक होगा रेनेसां। अच्छा, पंजाबी बच्चे इतने प्यारे होते हैं ना, जब कोई नया वर्ड आया, जो नया सुना चकल वाला कैसे सुनाते हैं, ऐसा लग रहा था भी पता नहीं सांप निकाल के आगे रख दिया इनके ना, ये क्या था। अच्छा, वो मेरे प्यारे वाले बच्चे आज मुझे बताएंगे जिन्होंने शब्द आज पहली बार सुना है जिंदगी में, रेनेसां। अब पता नहीं तुम इसको क्या बोलते हो। अच्छा, ये बोले ऐसे आ रहे हो, दिस इज रेनेसां, राइट। रेनेसां से हम वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। रेनेसां है क्या? गुड, क्या हुआ बोलो, ये भी हरियाणा वाले है ना? हाँ, कितने थे? दुआबा के माझा? अच्छा, खैड़ वाले हो, ठीक है। अब लिखो, रेनेसां बेटा इट्स नॉट एनलाइटनमेंट, रेनेसां रिफॉर्मेशन देन एनलाइटनमेंट, राइट। सो रेनेसां इज रीबर्थ, रेनेसां का मतलब है रीबर्थ, एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम इटली। रीबर्थ, पुनर्जन्म, रेनेसां इज रीबर्थ एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम इटली। अच्छा, अब मैं तुम्हें दो चीजें और समझाता हूँ, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है बट हमें पता होनी चाहिए, अदरवाइज फिर हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे रेनेसां हुआ क्यों और इसके आगे की दुनिया में क्या चेंजेस हो गए। अब ये टर्म लिख लो अपने पास, पर इसको डिटेल में मत लिखना, सिर्फ वर्ड लिख लेते हैं। फ्यूडलिज्म, ये रेनेसां से पहले था फ्यूडलिज्म, बिफोर रेनेसां देयर वॉज द एज ऑफ फ्यूडलिज्म। अब इस फ्यूडलिज्म की एज में सिचुएशन क्या थी, तुम्हें मैं ना पिक्टोग्राफिकली समझाता हूं, इसको समझना ध्यान से। ये सोसाइटी है, राइट। एनी सोसाइटी वॉज इन दिस शेप, जो राजा था वो इसके ऊपर बैठा हुआ है, दैट मीन्स ही इज नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ इट। इस सोसाइटी का 2% ऑफ द टोटल सोसाइटी ये थी प्रिविलेज्ड क्लास। जिस सोसाइटी में प्रिविलेजेस होते हैं ना, उस सोसाइटी में राइट्स नहीं हो सकते, क्योंकि प्रिविलेजेस कुछ लोगों के होते हैं, राइट सबके होते हैं। अब हम सबके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास एक प्रिविलेज है कि उनके खिलाफ केस नहीं हो सकता, राइट। टिल द टाइम ही इज सिटिंग ऑन हिज चेयर, ही इज इन हिज ऑफिस, नो केस, क्रिमिनल केस कैन बी स्टार्टेड अगेंस्ट हिम, ओके। सो प्रिविलेज क्लास थी। इस क्लास में दो ग्रुप आते थे, एक आते थे राजा के ऑफिसर्स, राजा की नोबिलिटी, और एक चर्च के ऑफिसर्स, क्लर्जी, राइट। ये दो लोग थे, इनको प्रिविलेज क्या मिला हुआ था, दैट दे वर नॉट टू पे टैक्सेस, राइट। इनको कोई टैक्स नहीं पे करना, चर्च के पास जितना मर्जी पैसा हो, चर्च कोई स्टेट को टैक्स नहीं पे करेगी। दूसरा इनको प्रिविलेज था कि इनको राजा कोई खास पनिशमेंट नहीं देता था, इनसे कोई गलती गुलती हो जाए इनको माफी है, आम जनता सारे टैक्स भरेगी, आम जनता की पिटाई होगी, ये ऐसा एक समाज था। इस समाज में, आम जनता में भी एक ऐसा सेक्शन ऑफ सोसाइटी था जो रिच क्लास थी, जो ट्रेड वगैरह करते थे, मर्चेंट ट्रेडर्स थे। ये लोग पैसा बहुत कमाते हैं पर इनको स्टेटस प्रिविलेज क्लास का नहीं मिलता,
इस पूरे समाज को कॉमन नाम देके बोलते थे द कॉमनर्स, कॉमन पीपल, राइट। अब जो ये वाली क्लास थी ना पर्टिकुलरली, इस क्लास की इच्छा क्या थी कि हम इतना कमाते हैं, सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं, तो हमारा स्टेटस भी वैसा होना चाहिए कि हम इनके बराबर गिने जाएं। इस क्लास को धीरे धीरे मिडिल क्लास का नाम दिया जाने लगा, लेकिन फिर भी इसका कॉमनर्स के साथ ही उठना बैठना रखा गया। ये मिडिल क्लास आगे चलकर एक नई आइडियोलॉजी लेके आएगी, आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, राइट। पूरा रनासा इस लिबरलिज्म के साथ साथ चलेगा, इसी लिबरलिज्म के कारण रनासा के बाद रिफॉर्मेशन आएगा, इसी लिबरलिज्म के कारण बाद में जाकर फिर एनलाइटनमेंट होगी, और यही लिबरलिज्म कारण बनेगी अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रेंच रेवोल्यूशन, जर्मन इटालियन यूनिफिकेशन, यूरोपियन रेवोल्यूशन, यही लिबरलिज्म कारण बनेगी राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड इंडियन इंडिपेंडेंस का। डन, यहां तक कोई डाउट? और जहां पे कोई डाउट आए, कोई लिंक मिस हो रहा हो, यू ऑल हैव ऑल फ्रीडम टू आस्क, इंटरवीन, टीचर्स विल नॉट फॉरगेट व्हाट दे हैव टू टीच, सो यू मस्ट फील फ्री। जब तक हर स्टूडेंट पूरी तरह से क्लैरिटी के साथ नहीं अंडरस्टैंड करेगा, टीचर की ड्यूटी है कि वो बार बार एक्सप्लेन करे, फाइन। तो अब साइड पे लिखो लिबरलिज्म, अब जैसे मैं लिबरलिज्म जैसे टॉपिक्स के बारे में लिखवाऊंगा ना, तो मैं तुम्हें हिस्ट्री के साथ साथ थोड़े थोड़े पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजीज में भी ले जाऊंगा, और वर्ल्ड हिस्ट्री का जो सिलेबस है मेंस का, उसमें ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज इनकॉर्पोरेट की हुई है कि तुम्हें इनके बारे में पता हो, राइट। लिबरलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो वेस्ट में आई, और इस आइडियोलॉजी ने यह बोला था कि सोसाइटी में सबको इक्वालिटी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, राइट। अब इसके ना तीन डायमेंशंस बन गए थे लिबरलिज्म के, वो तीन डायमेंशंस क्या है, इसके तीन डायमेंशंस बनाओ, फ्यूडलिज्म के और रेनेसा के साथ साथ चल रहा है, पैरेलल रही है। लिबरलिज्म के तीन डायमेंशंस में नंबर वन इज पॉलिटिकल लिबरलिज्म, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, दूसरा इकोनॉमिक लिबरलिज्म, इकोनॉमिक लिबरलिज्म, और तीसरा सोशल लिबरलिज्म। जब मैं बात करता हूं पॉलिटिकल लिबरलिज्म की, तो मेरे कहने का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, एक वर्ड लिखो नया, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, पॉलिटिकल लिबरलिज्म के आगे लिख दो, पॉलिटिकल लिबरलिज्म के आगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब मैं तुम्हें यहीं पर एक पॉलिटी की टर्म फिर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, अगर किसी देश में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा हुआ, मानो आज इंडिया में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स हमारे कोई गारंटीड राइट्स ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, इसलिए वो गारंटीड है। अगर सरकार हमारे राइट्स के अगेंस्ट कुछ भी करती है, तो हम आर्टिकल 32 को इन्वोक करके सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं अपने राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए, यही है ना सिचुएशन। दैट मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये सरकार की पावर को लिमिट कर देता है। Limitations on the authority of the state is what constitution is, कि सरकार इसके आगे जाके और कोई काम नहीं कर सकती, यही हुआ ना constitution का मतलब। तो that means अगर मैं बोलूं political liberalism क्या है, तो वो है limited government, सरकार के ऊपर restrictions लगा देना। एक राजा था, उस राजा के जब मन में जो आता था वो कर लेता था, राइट। आज उसका दिल किया, आप ही उसने सुबह एक कानून बनाया दिमाग में, शाम को उसको लागू भी कर दिया, लोगों ने आगे बोला ये कानून ठीक नहीं है, खुद ही राजा बन, जज बन के राजे ने डिसीजन दे दिया यही ठीक है, यही लगेगा। अब हम सरकार की पावर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, ये लिबरलिज्म की पहली डिमांड थी, राइट। इस रिस्ट्रिक्शन को लगाने के लिए लिबरलिज्म ने दूसरा आइडिया दिया, वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये क्या होता है? वो फेडरलिज्म होता है, वेरी गुड। थ्री ऑर्गन्स बन जाएंगे, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, राइट। एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ पावर्स के साथ तीन ऑर्गन्स बनेंगे, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। अब होगा पता है क्या, पार्लियामेंट एक बिल पास करे, पार्लियामेंट होता है लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट कोई बिल पास करता है, वो बिल जुडिशरी चेक कर लेती है ठीक है कि नहीं ठीक, अगर उसको लगता है ठीक नहीं है तो वो बिल को रिवोक कर देते हैं, कानून नहीं बन पाता। तो किसी एक की पावर को कोई दूसरी एजेंसी चेक कर देती है,
इससे क्या होता है, अब्यूज ऑफ पावर पॉसिबल नहीं रहता, अदरवाइज देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अब्यूज ऑफ पावर. एक पुरानी कहावत है, पावर करप्ट्स. किसी के पास पावर होगी वो थोड़ा करप्ट हो जाएगा. एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली. जिसके पास सारी पावर होगी वो तो पूरी तरह करप्ट हो जाएगा. तो अब किसी के पास भी सारी पावर ना हो, इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया. अगर ये आइडियाज आए हैं ना दुनिया में, तभी डेमोक्रेसी पॉसिबल हुई है. अदरवाइज तो राजा पास सारी तानाशाही पावर थी, वो जनता को पूछता ही नहीं था. जिस दिन औरंगजेब जैसे राजाओं का दिल किया, उन्होंने अपने आप सोच के जजिया इम्पोज किया. अगर उस टाइम पे तीन ऑर्गन्स होते तो उनको जवाब देना पड़ता, राइट. इट्स नॉट अबाउट कि उसने उस टाइम पे गलत किया. उस टाइम की दुनिया ही ऐसी थी कि राजा पास सारी पावर है. उसने कोई अपनी जनता से, अपनी आवाम से ये वादा थोड़ा किया था कि यहाँ पे अब तुम्हारे पास कोई डेमोक्रेटिक राइट है. उसने ये बोला था, भाई मैं तुम्हारा राजा हूं, जो मुझे ठीक लगेगा मैं करूंगा. अगर तुम्हें टैक्स पे नहीं करना तो तुम इस्लाम कबूल कर लो, और अगर टैक्स पे करना चाहते हो तो अपने हिंदू धर्म को मान लो. मैं मना किसी को नहीं कर रहा हूं, मैं जबरदस्ती किसी हिंदू को मुसलमान नहीं बना रहा हूं, बस तुम्हें टैक्स पे करना है. और क्योंकि उस जमाने में ना तो डेमोक्रेसी थी, ना ही तुम्हारे पास ये प्रोटेक्शंस थी, इसलिए वो राजा की पावर थी, उसने उसको यूज किया. सो यू कैन नॉट से कि उसने उस टाइम पे गलत किया. मॉडर्न डे के हिसाब से वो गलत है, राइट. इट्स नॉट रॉन्ग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. अगला लिखो अब रेनेसां का, एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, इसको समझ लेना. अब राजा यहां बैठा है, इसके पास सारे राइट्स हैं, इनके पास राइट्स नहीं है, प्रिविलेजेस नहीं है. अब इस सोसाइटी की लड़ाई थी इस राजा के खिलाफ कि हमें भी ऐसे राइट्स चाहिए जो तुमने प्रिविलेज बना के इनको दिए हुए हैं. लेकिन चर्च जो थी ना, चर्च लोगों को इंटेंशनली, जो धर्म है उस समय पर, वो इंटेंशनली लोगों को सुपरस्टिशंस की तरफ मोल्ड करता था ताकि वो अंधविश्वास में फंसे रहे. ना तो वो चर्च के खिलाफ आवाज उठाएं. चर्च के खिलाफ आवाज उठाने का मतलब होगा कि तुम चर्च के मेंबर्स के प्रिविलेजेस के खिलाफ बोल रहे हो. तो ना तो वो हमारे खिलाफ बोले. जो नोबिलिटी थी उसको लगता था कि अगर लोग हमारे खिलाफ बोलेंगे, राजा के खिलाफ बोलेंगे, तो हमारी पावर भी खत्म हो जाएगी. तो नोबिलिटी राजा का हमेशा साथ देगी, गलत या सही राजा का. तो लोगों को डरा के रखा जाता था. चर्च लोगों को ऐसे डराती है कि अगर तुम राजा की बात नहीं मानोगे तो फिर तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा. और चर्च क्या बताती है, किंग इज अ ब्रीदिंग इमेज ऑफ गॉड ऑन अर्थ. खुद भगवान धरती पर उतर के आए हैं. हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो, इन सब में ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं. जैसे हमारे यहाँ पे धर्म में क्या एग्जाम्पल है कि जब सारी दुनिया में लोग परेशान हो गए थे, दानव आ गए थे, राक्षस आ गए और लोगों को तंग कर रहे हैं, तो हमने भगवान को वो किया, प्रे किया, तो विष्णु भगवान ने अवतार लिया. कभी वो राम बनकर आएंगे, कभी वो कृष्ण बनकर आएंगे और दुष्टों का संहार करेंगे ताकि धरती में सत्य स्थापित हो जाए, धरती में सब लोग प्यार से रह सकें. तो राजा आएंगे, दैट मीन्स राजा तो भगवान का अवतार होते हैं. तो जब तुम भगवान से नहीं लड़ सकते तो राजा से कैसे लड़ोगे. और तुम अच्छे हो या बुरे हो ये तुम पे डिपेंड करता है, और राजा अच्छा है या बुरा है ये तुम्हारे कर्मों पे डिपेंड करता है. अगर तुमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे तो इस जन्म में अच्छा राजा मिल गया. अगर तुमने पिछले जन्म में पाप किए थे तो इस जन्म में बुरा राजा मिला. अब अगर वो राजा तुम्हें मारता है तो वो तुम्हारे पुराने जन्मों के फल है जो तुम्हें आज मिल रहे हैं. तुम आज उसके खिलाफ फिर बगावत कर दो, तुमने और पाप कर दिए, अगले जन्म में फिर मार खाओगे. तो लोगों को डरा के रखा होगा सुपरस्टिशियस वेज के साथ. तो दुनिया में रेवोल्यूशन तो हो ही नहीं सकते थे, सब डरते थे. फिर चर्च ने कैसी झूठी झूठी बातें दुनिया को सुनाई हुई थी, उसका एक एग्जांपल तुम्हें मैं आज दूंगा. मैनी ऑफ अस यू विल बी टेकन बाय सरप्राइज. हम सबको स्कूल में एक लाइन बोली गई यूनिवर्सल ट्रूथ के नाम के साथ, सन राइजेज इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट. कितना बड़ा झूठ है ना. सन तो स्टेशनरी है, अर्थ घूमती है, तो सन राइज और सेट कैसे कर रहे. सन तो हिलता ही नहीं है, धरती घूमती है उसके आसपास. सो सेइंग दिस दैट सन राइजेज इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट एंड दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ इज द बिगेस्ट फॉल्स, है ना, बिगेस्ट लाई ऑन द अर्थ. पर हमें तो ये मनवाया गया था उस टाइम पे. क्यों मनवाया गया. चर्च बोलती है कि जिस धरती पे हम रहते हैं ना, ये दुनिया का केंद्र है, बाकी सब इसके आसपास घूमते हैं. देखो हम यहां बैठे हुए, हम हिले पर सूरज तो हिल गया. दैट मीन्स हम वहीं रहते हैं, सूरज हिलता रहता है, राइट, चांद हिलता रहता है, ये सब धरती के आसपास घूमते हैं. हम सबसे कैंट लोग हैं, सारे हमारे आसपास घूम रहे हैं. ये हमें फीलिंग दी जा रही है उस टाइम पर. हम भी फीलिंग में आ जाते होते थे, अभी भी आ जाते हैं कोई कुछ बोले तो हम उस फीलिंग में ही खुश रहते थे कि इनको कितना ज्ञान है, हमें तो पता ही नहीं था, राइट. फिर हम किसी से आगे पूछते थे, यार ये अभी जलजला आया था, अर्थक्वेक क्यों आया था. कुछ नहीं, धरती के नीचे बैल खड़ा हुआ, वो अपना सिंह बदल रहा था, वो थक गया होता इसलिए अर्थक्वेक आ गया. कोई प्लेट टेक्टोनिक थोड़ा होती थी, वो कॉन्सेप्ट नहीं होते थे कि प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होती है इसलिए अर्थक्वेक आते हैं, ना. फिर मुझे बारिश नहीं आ रही इस बारी, ये थोड़ा होता था कि वेपोरेशन नहीं हुई है क्योंकि गर्मी नहीं पड़ी है, या एल नीनो ला नीना हो गया, कहते इंद्र भगवान नाराज हो गया, हवन करो अब. फिर तुम हवन करते थे, फिर अगर बारिश आ गई तो तुम्हारे कर्म अच्छे थे. अगर अभी भी नहीं आई,
बहुत पाप किए हैं तुमने, तो तुम्हें इसी चक्कर में फंसा फंसा के ना जनता को गुमराह करके रखा हुआ था पंडितों ने, और ये अगर कभी जनता कुछ पूछ लेती थी ज्यादा सवाल तो ये मारते थे। इसीलिए नोशन ऑफ एजुकेशन भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड था, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ धार्मिक ग्रंथ पढ़ाए जाते थे साइंटिफिक नॉलेज की तरफ, ताकि तुम सोच ही ना पाओ। अगर तुमने सोच लिया तुम अथॉरिटी को चैलेंज कर दोगे। इस चक्कर में तुम्हारे को इग्नोरेंस की तरफ इंटेंशनली पुश किया जाता था उस जमाने में। डन। अब जब ये सारा कुछ चल रहा था ना, तो चर्च ने एक बात और बोली कि जिस धरती पे हम रहते हैं ना ये फ्लैट है, हम एक कोने में पहुंचते हैं, आगे में समुंदर दिख रहा होता है, बस सीधी सीधी लाइन है ये देखो, तो अगर तुम इससे ज्यादा आगे जाओगे तो ऐसे नीचे गिरोगे वापिस ही नहीं आओगे। इससे डरते हुए लोग समुंदर में ज्यादा दूर निकलते ही नहीं थे, क्योंकि ज्यादा दूर निकलते नहीं थे तो दुनिया की डिस्कवरी नहीं हो पा रही थी। पर कोई लोग तो होते हैं जो इनोवेटिव होते हैं और एंटरप्राइजिंग होते हैं और बड़े करेजियस होते हैं, वो निकल गए। जब वो निकले एक आदमी घूम के वापिस भी आ गया, सर्कम नेविगेशन हो गई, घूम फिर के वापिस आ गया, तो आज प्रूफ क्या हो गया, धरती तो गोल है, राइट। फिर कॉपरनिकस गलीलियो जैसे लोगों ने टेलीस्कोप बनाया, बोला यार धरती थोड़ा केंद्र है, केंद्र तो सूर्य है, इट्स अ हीलियोसेंट्रिक यूनिवर्स एंड नॉट अ जियोसेंट्रिक यूनिवर्स। धीरे धीरे चर्च की धारणाएं गलत साबित होनी शुरू हो गई। अगर चर्च की बातें ये गलत है साइंटिफिकली, तो चर्च की ये बात भी तो गलत है कि जो राजा है वो भगवान है, ये भी तो गलत है ना। फिर ये कहना कि हमारे फल कर्मों का फल मिला है, ये भी गलत हो गया। अब राजा वैसा होता है जैसा जनता उसे बनाती है। डेमोक्रेसी का मतलब पता है क्या है, यू विल गेट द वन यू डिजर्व टू हैव। जैसी जनता होगी वैसा वो अपना राजा चुन लेगी ना, तुम्हें राइट दे दिया चुन लो। अब अगर तुमने बीजेपी को चुना है तो यू डिजर्व बीजेपी, अगर तुम कांग्रेस को चुनोगे यू डिजर्व कांग्रेस। कोई तुम्हें कंपेल तो नहीं कर रहा ना कि आके इसको चुन लो, तुम अपनी मर्जी से अब चुनते हो। सो यू डिजर्व एंड यू गेट। वहां पे क्या था, यू आर फोर्स टू ओबे वन। अब क्या हुआ, जैसे रेनेसां के एज में लोगों ने साइंटिफिक डिस्कवरीज की, कोई बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरीज नहीं हुई है, कॉम्पस बन गई, एस्ट्रोलैब बन गया, थोड़ी स्पीड ज्यादा हो गई है शिप की या बोट की, डायरेक्शन के लिए तुम्हारे पास कॉम्पस आ गई है, तो तुम अब नेविगेट कर करके वापिस आ गए, तुम्हारे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया रेनेसां की एज में। जैसे जैसे ये कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, अब चर्च की बहुत सारी बुरी चीजें तुम्हें साफ साफ दिखनी शुरू हो गई। इससे पहले तुम डरते थे तो तुम झांकते नहीं थे चर्च क्या गलत करती है, फिर तुम्हें चर्च की बुराइयां दिखनी शुरू हुई। और सिर्फ चर्च की बुराइयां आम जनता को नहीं, कुछ ऐसे सच्चे लोग भी होते हैं जो धर्म के साथ पूरी तरह जुड़े होते हैं, उनको लगता है जैसे ना एक मंदिर में दो पुजारी हैं, एक पुजारी सुबह जल्दी आता है मंदिर को आके, खुद नहा धो के आके मंदिर खोलता है, मंदिर की सफाई करता है, ठाकुर जी के वस्त्र बदलता है, भोग लगाता है, आरती करता है, शाम तक मंदिर में रहता है, रात को घर बैठ के भी पाठ पूजा ही करता है। और एक पंडित होता है 10-11 बजे कार में आता है, आके 10-4-5 लोगों के टेवे डुबे देखता है, उनकी जमपत्री देखता है, उनसे चार पैसे लेता है, घर चला जाता है। अब असली पंडित कौन हुआ, जो सुबह से शाम तक सेवा कर रहा था और निष्काम भाव से। और एक वो पंडित है जो सिर्फ पैसे लेने के लिए मंदिर में आ गया। ऐसे ही चर्च में भी बड़े लोग हैं जो सिर्फ पैसा लेने आते थे और पूजा करते नहीं थे। और धीरे धीरे चर्च में इतनी बुराइयां आ चुकी थी, तुम्हें दो एग्जांपल देता हूं चर्च की बुराइयों के। एक चर्च की बुराई थी रेलिक्स और एक चर्च की बुराई थी सेल ऑफ इंडल्जेंस। रेलिक्स क्या थे, हर चर्च में ना एक वुड का पीस पड़ा हुआ है, क्लेम ये किया जा रहा है कि ये वुड उस क्रॉस की है जिसपे क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था, राइट, क्योंकि इस पे क्राइस्ट का ब्लड लगा है, तो ये तो मिरेकुलस पावर्स हैं। किसी को कोई भी समस्या हो हमारे पास आओ, हम टच करेंगे, तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म। लेकिन इसके पैसे लगते हैं, ये तो बुरी चीज होगी ना। और एक चर्च में ही बहुत ईमानदार आदमी था, मार्टिन लूथर जर्मनी में। मार्टिन लूथर ने पूछा, यार ये क्या ही बकवासबाजी चल रही है, कितना बड़ा क्रॉस था जिसपे क्राइस्ट की क्रूसिफिकेशन हुई थी, यूरोप में हजारों चर्च हैं, सब चर्च में ये वुड पड़ी है, इकट्ठी कर लो 1000 क्रॉस बना लो फिर तो। दैट मीन्स तुम सब झूठी बोली जा रहे हो ना कि ये ओरिजिनल क्राइस्ट वाले एक क्रॉस का वुड पीस है। दैट मीन्स तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो पैसा कमाने के लिए। दूसरा, इंडल्जेंस। मेरे से कोई गलती हो, पंजाब में भी ये कॉन्सेप्ट है सिखिज्म में, मेरा तनखैया हो जाता है कि जा भी तेन धर्म तो सेकता सी, यू आर नॉट पार्ट ऑफ सिख कम्युनिटी एनी मोर। फिर मैं माफी मूफी मांगता हूँ, फिर मुझे बोला जाता है चल काका आ तू गुरुद्वारा साहब, आ जोड़े घर च बह जा, जोड़े साफ कर, राइट, गुरुद्वारा साहब की सफाई कर दे, लंगर वरता दे, जूठे भांडे मांज दे। मैं जब ये सारा कुछ कर रहा हूँ ना, तो मैं ये सोच के कर रहा हूँ कि मेरे से बहुत बड़ी कोई गलती हो गई थी, वाहेगुरु मेरे को माफ करें, तो मैं सब सफाइयां करता हूँ। बिलीफ क्या है, इतनी संगत बैठी हुई है, ये सारे एक साथ बैठ के पाठ पूजा कर रहे हैं, इनमें बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, वो अब भगवान को बोलेंगे कि बंदे तो गलती होगी यार, कोई गल नहीं, इन पश्चाताप हो गया, इन माफ कर दो, ता शायद वाहेगुरु इन माफ कर दे।
This is I indulged into some kind of work for the community and the congregation prayed for me and then I may perhaps be absolved of my sin by the God. ये विश्वास था. चर्च कहती मेरे जैसे आदमी से कोई गलती होगी, मैंने जाके बोला यार ये पाप हो गया. कहने फिर आप कल आना चर्च की सफाई करना. मैं कहा यार अब चंगा लगता है हूँ, मैं आगे सफाइयाँ करता फिर. कहने ऐसा करो $100 दे दो, कोई बात नहीं, हम अपने आप करवा देंगे माफ़ी आपकी. अब सेल ऑफ इंटेलिजेंस हो गई है, पहले इंटेलिजेंस थी अब सेल ऑफ इंटेलिजेंस हो गई है. यहाँ तक तो फिर भी कहते ठीक था. फिर यूरोप में एक नया कॉन्सेप्ट आया, वो पता है क्यों आया? हम में से कितने लोग हैं जिनको लगता है हमसे पाप हुए? रूटीन में हमें लगता ही नहीं होगा, नकली मारी थी एग्जाम में फिर क्या हो गया, पापा से झूठी बोला था फिर क्या हो गया, थोड़े से फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक्स ही ले लिए थे तो क्या हो गया, किसी को क्या पता चलता है? कुछ नहीं पता होता, राइट? अब हम मानने को तैयार ही नहीं है तो चर्च ने पता क्या बोला, टॉस क्वाइंस, सिक्के उछालो एंड टॉस सोल्स. अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पितर नरकों में बैठे हुए हैं, तुम पैसे दो, हम आज पूजा करते हैं फ्रॉम पुर्गेटरी टू हेवन, उन्हें आज शिफ्ट करा देते हैं, क्या ही टेंशन है. लोग पैसे ले लेके पहुंच गए, मेरे जैसे ऐसे थे. मैं क्या हेलो यार आ फड़ो 500 रुपए, ये दादाजी दे, ये दादी जी दे, ये नाना जी दे, ये नानी जी दे, ये चाचे दे, ये ताए दे, मास्टर फुफड़ रहन दो, उत्थे रहन दो, कोई गल नहीं, बाकी भेज दो. अब एक टाइम आया इतनी सारी सेल ऑफ इंटेलिजेंस हो गई पुराने लोगों के लिए भी, अब ये भी खत्म हो गया, जितने मैंने भेजने मैंने भेज दिए. चर्च ने अब पता क्या बोल दिया, बाय इंटेलिजेंस फॉर द क्राइम येट टू बी मेड. तुमसे अभी नहीं हुए, आगे तो हो सकते हैं. तो मैंने जाके बोला ऐसा करो, ये पकड़ो 500 मैंने एक रेप करना है, ये पकड़ो 500 मैंने एक मर्डर करना है, ये पकड़ो 500 मैंने एक चोरी भी करनी है, डाका भी मारना है, मुझे 3 चिट्ठियां दे दो, जब मैं पाप करूंगा मैं दिखा दिया करूंगा मेरे पास चिट्ठी है, ठीक है? अब तुम मुझे कुछ नहीं कह सकते. किसको दिखाऊंगा? फरिश्तों को, जब वो आएंगे कि ओहो मैंने चिट्ठी ली हुई है, अब तुम मुझे कुछ नहीं कह सकते, मैं स्वर्ग ही जाऊंगा, मुझे जन्नत में ले जाओ, मैं नहीं जाता अब कहीं और. तो ये कॉन्सेप्ट बना के लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है. इसके अगेंस्ट मार्टिन लूथर ने आवाज उठा दी, ये क्या बकवास चल रही है चर्च की. ये जो उसने आवाज उठाई ये बना रिफॉर्मेशन. आफ्टर रेनेसा केम रिफॉर्मेशन, राइट? अब आ गया रिफॉर्मेशन. ये जर्मनी से स्टार्ट हुआ, मार्टिन लूथर ने स्टार्ट किया, स्टार्टेड फ्रॉम जर्मनी बाय मार्टिन लूथर. आज चर्च की तो धज्जियां उड़ा दी गई है पूरी पूरी ना. जब चर्च की धज्जियां उड़नी शुरू होगी ना तो चर्च में डिवाइड हो गया, दो ग्रुप खड़े हो गए, एक जो पुरानी चर्च के साथ रहना चाहते हैं कैथोलिक्स, दूसरे जिन्होंने आज प्रोटेस्ट कर दिया प्रोटेस्टेंट्स. सो क्रिश्चियनिटी में दो ग्रुप बन गए, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स, राइट? कैथोलिक्स प्रोटेस्टेंट्स, प्रोटेस्ट करने वाले प्रोटेस्टेंट्स. नॉट स्पेसिफिकली फॉर दिस गर्ल, जिसका फोन बजा, फोन है तो बजेंगे, राइट? मेरे फोन नहीं बजते क्योंकि मैं बाहर रखाता हूं और मैं तुम्हें कंपेल नहीं करूंगा कि तुम क्लास में फोन मत लेके आओ, तुम्हारा फंडामेंटल राइट है, तुम मेरे ऊपर केस कर दोगे कि हमें फोन नहीं लेके जाने देते सर. और किसी का फोन ऐसी बाहर खराब हो गया तो उसने ऐसी झूठी कह देना चोरी हो गया, मेरा तो i10 था, है ना, एप्पल था मेरा तो एक्स, मैं तो नहीं और कोई लूंगा, तो मैं कहां भरता रहूंगा. फोन तुम सब साथ ही लाओगे, अपने पास ही रखोगे, साइलेंट भी नहीं करना. अगर तुमने साइलेंट कर दिया कि अर्जेंट फोन हुआ तो मिस हो जाएगा, तुम मेरी जान खाओगे, सर तुम्हें क्या पता मेरा फ्रेंड वहां गिर गया था, मैंने जाना था. फोन वाइब्रेशन पे रखोगे, वाइब्रेशन पे भी मोड होते हैं कि उसको थोड़ा स्लो किया जा सकता है ताकि तुम्हें ही फील हो, पूरी क्लास को वाइब्रेशन भी फील ना हो, तो उसको वैसे मोड पे रखो क्लास में सारे लोग फोन को. इट्स नॉट दैट कि मैं भूल जाऊंगा मैं क्या पढ़ा रहा हूं, इट्स दैट कि तुम्हारा लिंक टूट जाएगा मैं क्या पढ़ा रहा हूं. डन. सो फोन सबके सबके पास रहेंगे. पहले इसके फोन पे तो बहुत सही गाना बजा था, तुम्हारी तो टोन ही मुझे पसंद नहीं आई, फोन पे पंजाबी गाने बज रहे थे, मैं कितना खुश हुआ. और मुझे वो दिन हमेशा याद आता है, मैं एक बार क्लास में पार्टीशन ऑफ इंडिया वाले टॉपिक पे आ चुका हूँ, बस पार्टीशन की बातें चल रही हैं कि माउंटबेटन आया हुआ, ये हो रहा है, पुराने टाइम की बात है, अचानक ही गाना चला फोन के ऊपर, मैं आया गड्डी मोड़ के. मैं कहा अपनी गड्डी मुड़ती, अब पार्टीशन हो गई है, तो प्लीज एक तो रिंगटोन ठीक रखनी है एंड वन लास्ट रिक्वेस्ट, नो जस्टिन बीबर सॉन्ग्स ऑन योर फोन्स, वो मुझे बहुत दुखी करते हैं. चलो अब लिखो कैथोलिक प्रोटेस्टेंट बन गए. सो इटली से रेनेसा आई और जर्मनी से आई रिफॉर्मेशन. रेनेसा रिफॉर्मेशन ने चर्च की पावर को वीक कर दिया. जब चर्च की अथॉरिटी वीक हो गई तो चर्च की बैकिंग पे तो किंग चल रहा था कि भगवान का अवतार है राजा, तो अब राजा की पावर वीक होने का टाइम आ गया. यहां से हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है यूपीएससी का. अब लिखो एनलाइटनमेंट, अगला टॉपिक. ये बैकग्राउंड टॉपिक्स थे,
अब आता है एनलाइटनमेंट. अगर स्पेलिंग किसी को पूछने होंगे फील फ्री. एनलाइटनमेंट तो लिख लोगे सब लोग ना. ये स्टार्ट हुआ इंग्लैंड से. एनलाइटनमेंट स्टार्टेड फ्रॉम इंग्लैंड. जब इंग्लैंड में एनलाइटनमेंट स्टार्ट हुआ ना, सबसे पहले ना हुआ क्या है, बैकग्राउंड सुन लो लिखना मत. 1642 में, 1642 में इंग्लैंड में सिविल वॉर हुई. जनता अपने राजा से बड़ी परेशान थी. जनता राजा से डिमांड कर रही है कुछ राइट्स की, पर राजा मान नहीं रहा. गुस्से में आके एक दिन लोगों ने राजा का सर ही काट दिया. इसको बोलते हैं इंग्लिश सिविल वॉर ऑफ 1642. जब राजा का सर कट गया, अब वहां पर एक राइटर बैठा था थॉमस हॉब्स. थॉमस हॉब्स ने उस दिन एक किताब लिखी लिवाथन, जिसमें उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का आइडिया दिया. अब इस थ्योरी की ना बेसिक बैकग्राउंड समझते हैं, लिखना कुछ नहीं अभी, ये हम डिटेल वाले लेक्चर्स में लिखेंगे सारा कुछ, राइट. थॉमस हॉब्स आज एक आइडिया लेके आ रहा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट. अगर गर्मी लग रही है बताओ, मैं एक आधा एसी नया लगवाता हूं. लग रही गर्मी, मर्जी था मेरी पक्की बढ़िया, चिंता ना कर, ठीक है. अगर कुछ भी इश्यू लगे ना तो तुमने बताना है उसी टाइम पे. लग रही गर्मी आज, ठीक है, नहीं तो पक्के सारे चला लो. यू वांट द फैंस टू बी ऑन जहां पे नहीं चल रहे. नहीं, यहां तो चल ही रहा है और कितना चलाएंगे अभी. अच्छा चलो, अगर तुम्हें लग रहा है गर्मी है तो कल तुम्हारे आने से पहले एक एसी और लगवा देंगे, कोई टेंशन नहीं. मुझे पता नहीं था किथे थे तो पीछे कांगन लग गया है, मुड़के उड़के सामने लगा दो, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ कहाँ लगवाना है. चलो अभी सुनो पहले, यार गर्मी कितनी हो गई है ना, बच्चों का ध्यान पढ़ाई की ज्यादा, गर्मी में ज्यादा लगा हुआ है. तो आगे सुनो, मेरे ऊपर तो एसी भी नहीं, पंखा भी नहीं, मुझे तब भी नहीं पता चल रहा. और तू पढ़ ला यार. चल चलो लिखो. तो ना हॉब्स ने क्या बोला, उसने एक हाइपोथेटिकल आइडिया बना के दिया. हाइपोथेटिकल आइडिया में उसने क्या बोला, दुनिया में एक ऐसा टाइम था जब सरकार नहीं होती थी. देयर वॉज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट. हम सारे लोग दुनिया में आपस में ऐसे ही रह रहे थे, कोई हमारा राजा रूजा नहीं था. क्योंकि कोई राजा नहीं था तो इसलिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस भी नहीं थे. दैट वॉज कॉल्ड स्टेट ऑफ नेचर, राइट. उस स्टेट ऑफ नेचर में हम सब लोग रह रहे थे, पर प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे इसलिए लड़ाई झगड़ा बहुत था. एंड इट वॉज अ स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट वॉरफेयर, अ वॉर ऑफ ईच विद ऑल. उस वॉरफेयर में हॉफ बोलता है हर इंसान के तीन नेचुरल राइट्स होते हैं. मुझे भगवान ने पैदा करके दुनिया में भेज दिया, मेरा राइट टू लाइफ हो गया. फिर इस दुनिया में आके मैं किसी चीज के साथ अपनी लेबर मिक्स करता हूं, वो मेरी प्रॉपर्टी बन जाती है. मिट्टी पड़ी थी, तुम सब देख रहे थे, किसी ने काम ही नहीं किया, मैंने उस मिट्टी के बर्तन बना दिए. मैंने तो मैंने किया ना, अब अगर कोई बर्तन उठा के ले जाएगा तो वो चोरी होगी. तो वो मेरा प्रॉपर्टी का जो राइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि मैं अपनी मर्जी से इस दुनिया में आजादी से जी सकूं. सो एक राइट टू लाइफ, एक राइट टू प्रॉपर्टी. फिर मैं अब यहां पे खड़ा हूं, मेरा दिल करे मैं वहां तक चला जाऊं और ये बैठा मुझे घूर रहा है, आगे दिखा मैं टंगा तोड़ दूंगा. तो मेरी लिबर्टी रिस्ट्रिक्ट की हुई है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं है मेरे पास. तो मेरी राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, ये तीन मेरे नेचुरल राइट्स हैं, इनकी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है. पर इस सोसाइटी में जहां पे स्टेट नहीं थी, रूल्स नहीं थे, वहां पे लड़ाई झगड़े के कारण ये मुझे मार देता है, मैं इसको मार देता हूं, मैं इसका सामान छीन लेता हूं, वो मेरा सामान छीन लेता है, क्या ही जिंदगी चल रही है, ये नेस्टी ब्रूटिश लाइफ है ये. इस चीज से सदियों तक जूझने के बाद एक दिन लोगों को अकल आ गई कि हम ये जिंदगी नहीं जी सकते. उस दिन सारे लोग एक साथ बैठ गए और उन्होंने, सोसाइटी बैठी थी ना, उस सोसाइटी ने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपस में कि हम अपने में से किसी एक को राजा बना लेते हैं. जिसको हम राजा बनाएंगे ना, उसकी ड्यूटी होगी कि वो हमारे राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेगा, ताकि कोई हमें हार्म ना कर सके. डन. आज पहली बार दुनिया में किसी आदमी ने ये आइडिया फ्लोट किया है कि जो स्टेट है वो डिवाइन नहीं है, मैन मेड है. हम इंसानों ने अपने लिए खुद राजा चुना है. डेमोक्रेसी का आइडिया आना शुरू हो गया कि हम अपनी मर्जी से चुनते हैं और अपने राइट्स की प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन के लिए चुनते हैं. सो इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट से आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इमर्ज करना शुरू हो गया और जो डिवाइन अथॉरिटी ऑफ किंगशिप थी वो चैलेंज हो गई. यहां से दुनिया में पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस का ट्रेंड स्टार्ट हुआ. तो इसके नीचे लिखो, इंग्लैंड में सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ हॉब्स, HOBBES ऑफ हॉब्स एंड जॉन लॉक.
John, John Locke, Locke, John Locke. John Locke जो था ये भी इंग्लैंड में था, इसने 1688 में एक ग्लोरियस रेवोल्यूशन देखा. अब व्हाट इज दिस ग्लोरियस रेवोल्यूशन? 1688 में एक बार, 1642 में एक रेवोल्यूशन हुआ, राजा का सर काट गए लोग आके, राजा ने कुछ कुछ राइट्स दे दिए फटाफट से, पूरे राइट्स नहीं दिए. अब 1688 में लोग फिर गुस्सा खा के आगे राजा के महल के बाहर नारे लगा रहे हैं, अभी बाहर निकलो है. ठीक है, अब लोग कह रहे हैं, राजा बाहर आके कह रहा है, पाजी देखो गुस्सा नहीं खाना, सीधा सीधा दसो की होया, अपन लड़ाई नहीं लड़नी. उसको पता था ये सिर काट देते हैं गुस्से में आके. तो लोग कह रहे हैं, पाजी तुसी सानू पसंद नहीं आए. वो कह रहा है, पाजी कोई गल नहीं, कौन पसंद है? वो कहते, हमें तुम्हारी बहन पसंद है, तुमने उसकी शादी कर दिया हॉलैंड विलियम ऑफ ऑरेंज के साथ, मैरी की, हमें ये बात पसंद नहीं आई, दीदी और जीजा जी को इंडिया बुलाओ, सॉरी इंग्लैंड बुलाओ, वो हम पे राज करेंगे, तू भाग यहां से. राजा कहता है, सही वचन जी, सत वचन, कोई चक्कर नहीं. राजा ने बिना लड़ाई लड़े, बिना चूचू मैं किए सिंहासन छोड़ दिया. कहता, दीदी जीजा जी रूल करेंगे, मैं जा रहा हूं. इसको कोई राहुल के साथ नहीं कंपेयर करेगा कि तुम्हें लगे दीदी जीजा जी आ गए, राहुल चला गया, ऐसा कोई नहीं सोचेगा. अब राजा इंग्लैंड छोड़ के चला गया, रक्त नहीं बहा, रक्तहीन क्रांति, ब्लडलेस रेवोल्यूशन हो गया, इसलिए इसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन का नाम दिया गया. जॉन लॉक ने यह आइडिया देखा कि जनता ने बोला राजा तो बदल गया, तो जनता को लड़ने लड़ाने की जरूरत नहीं, इसका मतलब फ्यूचर में. तो जॉन लॉक ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में सिर्फ एक पॉइंट ऐड कर दिया. हॉब ने क्या बोला था कि लोगों ने अपनी मर्जी से अपने लिए राजा चुना ताकि वो लोगों के अधिकारों की रक्षा करे. लॉक कहता, अगर राजा लोगों के अधिकारों की रक्षा ना करे तो पीपल मस्ट हैव अ राइट टू रिवोल्ट. तो जॉन लॉक ने राइट टू रिवोल्ट का आइडिया दे दिया. ही गेव द आइडिया ऑफ राइट टू रिवोल्ट. अब जॉन लॉक तो 1670 वाले दशक में ये आइडिया देके चला गया. 1770, 100 सालों बाद अमेरिकन इसी आइडिया से इंस्पायर्ड हुए और उन्होंने अपने राजा के खिलाफ बगावत कर दी कि क्योंकि तू हमारे हकों की रक्षा नहीं कर पा रहा इसलिए हम तुझे छोड़ते हैं. मॉडर्न इंडिया, यू आर डूइंग मॉडर्न इंडिया ना, वो क्लास 700 रूम में, 4 नंबर में. तो इसलिए हम तुझे छोड़ते हैं और हम आजादी लेते हैं. सो जॉन लॉक के आइडियाज के कारण 100 साल के बाद अमेरिकन रेवोल्यूशन हो गया, अमेरिकन इंडिपेंडेंस हो गई. इसलिए जॉन लॉक को बोलते हैं फादर, इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन. जॉन लॉक इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन. प्रॉब्लम पता क्या है? बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि एनसीईआरटी बोल के क्या करा रहे हैं. एनसीईआरटी में वर्ल्ड हिस्ट्री है तो है, पर वो शुरू वर्ल्ड वार से होती है. पर यूपीएससी के सिलेबस यहां से स्टार्ट हुआ जहां से मैंने किया है, तो मैं आज तुम्हें करा वर्ल्ड हिस्ट्री की एनसीईआरटी रहा हूं, लेकिन जो यूपीएससी के साथ सिंक नहीं कर रहा था मैं वो टॉपिक भी ऐड कर रहा हूं. वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड वार से स्टार्ट होती है, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन के रेफरेंसेस हैं, वो भी मैं तुम्हें कराऊंगा. ठीक है, अर्जुन देव की जो पुरानी एनसीईआरटी थी तो वो शुरू होती थी वर्ल्ड वार वन से. अभी जो 9th और 10th में एनसीईआरटीज हैं उनमें फ्रेंच रेवोल्यूशन का रेफरेंस दिया हुआ है, नेपोलियन वाले रेफरेंसेस दिए हुए हैं, वो सारे मैं तुम्हें अभी समझाऊंगा कैसे कैसे हुआ. यहां तक कोई आइडिया में डाउट ऑफ एनलाइटनमेंट का? ब्रिटेन के इन दो राइटर्स के बाद एनलाइटनमेंट के आइडियाज फ्रांस में चले गए. अब फ्रांस के राइटर्स ने एनलाइटनमेंट के बारे में लिखना शुरू किया. फ्रांस में फिलोसफर्स को फिलोसफीज कहते थे. फ्रेंच फिलोसफीज ने इतने नए नए आइडियाज दिए कि लोगों में जुनून भर गया रेवोल्यूशन के लिए. राइट, तो अगला लिखो फ्रेंच एनलाइटनमेंट. फ्रेंच एनलाइटनमेंट, देयर वाज अ स्टूडेंट, उसके डैड ने मुझे बताया था दैट द गर्ल हैड क्लास फॉर लॉ एंट्रेंस, यू हैड टू गो एट 11:30 इन दैट केस, वांट टू गो? बाय, लेट हो गए तुम, मैं भूल गया था पूछना, तुम ही बोल देती मुझे. अरे पढ़ना तो पढ़ ले, मेरे को भेजने का शौक नहीं है. वेरी गुड, LLB एंट्रेंस लेना, बेस्ट ऑफ लक. चलो अगला लिखो. फ्रेंच एनलाइटनमेंट में तीन राइटर्स के नाम है, मुझे पता है मुझे स्पेलिंग बताने ही पड़ेंगे, तो मैं पहले ही लिखता हूं. हाँ रूशो तो ठीक है, और वेरी गुड, वेरी गुड, ये तीन नाम लिख लो.
VOLTAIRE, वॉल्टेयर, VOLTAIRE, फिर रूश, RUSSEAU, RUSSEAU, और लास्ट में मोंटैश्क, MONTESQUIEU. ये तीन फ्रेंच फिलोसफर्स हैं जो मेन ग्रेट फिलोसफर्स हैं, अदरवाइज डिड्रॉइट भी और बहुत सारे हैं. वोल्टेयर ने एक स्टेटमेंट दी, सुनना, इसके ऊपर आज लिखना नहीं है, समझना हमने आज कॉन्सेप्ट को, लाइन को ध्यान से सुनना, मैं तुमसे पूछूंगा मैंने क्या बोला है. आई एग्री नॉट विद वट यू से, आई एग्री नॉट विद वट यू से, बट आई विल डाई टू डिफेंड यूर राइट टू से. क्या समझी? चलिए डी हिम्मत आगे. बट मैं वेरी गुड, दैट मीन्स अब सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए. इसने तो सिविल राइट्स की बात करनी शुरू कर दी है, किस जमाने में, जब राजे हमें बोलने की आजादी नहीं देते थे. तो ये बोल रहा है कि भाई आई एग्री नॉट विद व्हाट यू से, तुम जो भी कह रहे हो मैं उससे सहमत नहीं हूं, बट आई विल डाई टू डिफेंड योर राइट टू से, पर तुम्हें ये आजादी तो होनी चाहिए, इसके लिए मैं मरने को भी तैयार हूं. इसने ये आइडिया सोसाइटी में फ्लोट कर दिया. फिर आता है मोंटेस्क, इसने दिया था सेपरेशन ऑफ पावर का आइडिया, चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए, कि एक राजा के पास सारी शक्ति ना हो, तीन डिफरेंट ऑर्गन्स हो, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. यहां पर मैं फिर से एक बात बोलता हूं, मैं कोई भी टर्म बोलूं जो मुझे लग रहा हो कॉमन टर्म है, पर तुम में से किसी एक को भी ना अगर उसका मतलब पता हो, हाथ उसी टाइम खड़ा करना है. और ये किसी ने नहीं सोचना कि बाकी कोई नहीं पूछ रहे तो मैं क्यों पूछूं, क्या पता तुम वो इंसान हो जो रेवोल्यूशनरी हो, बाकी सब ऐसे शर्मिंदे से बैठे हो, तुम पूछ के उनका भी फायदा करवा जाओ. तो किसी ने नहीं डरना कि पता नहीं बाकी सबको आता हो. आई प्रॉमिस यू, जो तुम्हें नहीं आता होगा वो 90% को नहीं आता होगा. बस सिर्फ डर है, अननोन फियर, जिससे तुम पूछते नहीं हो. रूशो साहब की ना बातें बड़ी प्यारी हैं, अब इनको सुनना. सिर्फ पहले तो इसने आइडिया पता क्या दिया है, ये तो लिख के रखो अपने पास, ही गेव द आइडिया ऑफ जनरल विल. ये जो लड़की सारे नाम लेती जा रही है, तुम ही हो ना, पॉल साइंस पढ़ रही हो कॉलेज में? हाँ, तो ये सारा कुछ सोशियोलॉजी में पढ़ा हुआ है शौक से. वेरी गुड, कौन सी बुक पढ़ी हो? वेरी गुड, अच्छे से पढ़ रही हो. क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, ऋषि तो बोलता है देयर इज एक्चुअल विल एंड रियल विल, उनको आइडेंटिफाई करके एक जनरल विल बनानी है जिसमें सबकी रियल विल को आइडेंटिफाई करना है. अब तुम पॉल साइंस पढ़ रही हो ना, रहा नहीं गया ना, देखा पॉल साइंस वाले से रहा नहीं जाता होता, बता देते हैं वो. ठीक है, अब मैं तुम्हें समझाता हूं. इस क्लास में बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है, पढ़ने का दिल नहीं कर रहा? हाँ बोलो. हाँ जी, वेरी गुड. पर अल्टीमेट एम क्या हमारा? हमें पढ़ना है, पढ़ के कुछ बनना है, बन के क्या करना है? मजे नहीं लेने हैं? समाज का कल्याण करना है, इसलिए आईएएस बनना है. इसलिए थोड़ा कि ओहो मैं आईएएस बन गया, मेरे कमरे में 2 AC आप लगवा दो, है ना, और दोनों दो टन के लगवाना. राज सर ने तो गर्मी में मार ही दिया था चंडीगढ़ में, और बाद में रेड राज सर पे मारनी है जाके. अब अच्छा सुनो ध्यान से, हमारा ना अल्टीमेट एम इन लाइफ जो होता है ना, वो हमेशा पता क्या होता है? इट इज फिलेंथ्रोपिस्ट. हम हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं एक अच्छाई छुपी हुई है, बट कुछ ऐसे कारणों से हमारी बुराइयां हमारे ऊपर हावी होती हैं, हम अपनी अच्छाई को दबा जाते हैं. जो हमारी सेल्फिश विल है वो हमारी सेल्फलेस विल को ओवरवेलम कर जाती है, क्योंकि हम सबके अंदर अच्छाई है. रूशो बोलता बस वो अच्छाई आइडेंटिफाई करवानी है सबको, और सब जब एक जैसा अच्छा सोचेंगे कि एक दूसरे का कल्याण होना चाहिए, सर्वदा भला, राइट, जैसी सब ये सोचेंगे उसको सबको मर्ज कर दो, वो बन गई जनरल विल. जैसी जनरल विल बन गई, इसमें हम किसी का नुकसान तो करना ही नहीं चाहते हैं, हम अपने आप को खुद ही रूल कर लेंगे, हमें सरकार क्यों चाहिए? अब तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी आनी चाहिए, डेमोक्रेसी थोड़ा. तो रूशो ने हमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी का आइडिया दिया, राइट, ही गेव द आइडिया ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी.
अब दुनिया में कितनी सारी बातें आ चुकी हैं ना कि राजा के खिलाफ डेमोक्रेसी का आइडिया भी आ गया, डेमोक्रेसी का आइडिया भी आ गया, सेपरेशन ऑफ पावर्स का भी आ गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भी आ गया, एंड राइट ऑफ रेवोल्यूशन का आइडिया भी आ गया, राइट टू रिवोल्ट। ये सारे आइडियाज दुनिया में फैल चुके हैं। और पंजाबी लोगों, मैं तुम्हें पंजाबी के मुहावरों से भी समझा सकता हूँ, गल गंदी मैंने मुंहों कट, मैं तुम्हें शहरों कट दिया, तो तुमने आइडियाज निकालने हैं, राजाओं के निकलने का टाइम आ चुका है। पूरी दुनिया में ये आइडियाज वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड करेंगे, अभी यूरोप में है, फिर ये बाकी दुनिया में स्प्रेड कर जाएंगे। अब यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूं। हम सबके अंदर सेल्फिश डिजायर्स भी हैं और सेल्फलेस डिजायर्स भी हैं। हम बस सब लोगों को अपनी सेल्फलेस डिजायर को आइडेंटिफाई करना है, वो सबकी सेम है। जब वो सेम आइडेंटिफाई हो गई, दैट बिकम्स द जनरल विल, एंड लेट दैट जनरल विल रूल इन द सोसाइटी। सेम कैसे? यहां पे बड़ा मजा आएगा तो समझाने का, तेरे को तो मैं समझाता हूं पुत्र, ठहर जा। सेम ऐसे है कि सोसाइटी में तुम क्या चाहती हो, सिर्फ तुम्हारे पास पैसा हो या सबकी जरूरतें पूरी हो? तो तुम सेल्फिश छुड़ाओ, सेल्फलेस हो ना। बट जब पैसा आना शुरू होता है, फिर तुम कहती हो भाड़ में जाए बाकी, आने दो अभी और, आने दो, मेरा घर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मैं थोड़ी और बड़ी गाड़ी ले लूंगी। यहां तुम सेल्फलेस से सेल्फिश हो जाती हो। अगर सब सेल्फलेस हो गए, एक ना गांधी जी भी बोलते थे स्टेटमेंट, माई लग्जरीज, मैं अयाश बन जाऊं कोई प्रॉब्लम नहीं है, माई लग्जरीज मस्ट बी प्रिसीडेड बाय नेसेसिटीज फॉर ऑल। सबको रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, सब अच्छी जिंदगी जीना शुरू कर दें, उसके बाद मैं बंगला बनाऊंगी, गाड़ी लूं, फिर क्या टेंशन है। पर जब तक मेरा पड़ोसी भूखा मर रहा है और मैं 5 स्टार में खाने खाने जा रहा हूं, तब तक गड़बड़ है ना। तो अगर हम सब ये बात मान जाएं, तो दुनिया में क्राइम क्यों होंगे फिर? और अगर क्राइम नहीं होंगे तो फिर हमें सरकार ही क्यों चाहिए? पर ये हो नहीं सकता, काल्पनिक सी बात है, पैसे के नाम पे हम सब लड़ पड़ेंगे अभी 2 मिनट में। मैंने बाहर फीस मांगी, तुमने लड़ना शुरू कर देना, अभी 2 मिनट लड़ने हैं, देखना सबने कहना सर रहन दो जी, पानी पड़ना है ना। उस टाइम पे सेल्फलेस खत्म हो जाएगा कि मुझे आईएएस बनना है, पैसा आगे आ जाएगा, नहीं नहीं हमें नहीं बनना आईएएस, रहने दो, हम क्लर्क ही ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो अब। सो ये सारे आइडियाज हावी हो गए। अब तुम्हें एक स्टोरी सी बता रहा हूं, इसको सुनना, इसको लिखना मत। जब रिफॉर्मेशन आया ना यूरोप में, तो ये यूरोप है, आधा यूरोप चर्च के साथ खड़ा हो गया, यूरोप के आधे राजे चर्च के साथ खड़े हो गए कि कैथोलिसिज्म ही धर्म है और कोई धर्म धुर्म नहीं बन सकता, बकवास हो रही है जो मार्टिन लूथर जैसे लोग कर रहे हैं। आधे राजे मार्टिन लूथर के साथ खड़े हो गए, भाई ठीक बोल रहा है, क्यों गलत कह रहा है ये। यूरोप में रिलीजियस वॉर होगी, 30 ईयर्स वॉर, सारा यूरोप आपस में लड़ पड़ा, कतलेआम हो गया। इस कतलेआम ने भी लोगों को थोड़ा थोड़ा ये समझाया था कि धर्म के नाम पे इतना खून थोड़ा बहना चाहिए था, दैट मीन्स धर्म में कुछ कमी तो है, धर्म सुधरना चाहिए आगे जाके, राइट। इन एनी केस अब क्या हुआ, जब यूरोप दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, आधे राजे कैथोलिक आधे प्रोटेस्टेंट, तो आज ना राजाओं ने एक मीटिंग की लड़ाई खत्म करने के लिए। इस मीटिंग में राजाओं ने डिसाइड ये किया, चल ठीक है यार, जो मेरा धर्म मेरी जनता का धर्म, बात खत्म, लड़ाई खत्म। तो अगर तू कैथोलिक है तेरी प्रजा भी कैथोलिक, तू प्रोटेस्टेंट है तेरी प्रजा भी प्रोटेस्टेंट। राजाओं ने तो अपने देश बचा लिए, पर प्रजा को तो अधिकार ही नहीं मिले कि वो अपनी मर्जी का धर्म बना पाए, दैट मीन्स आइडिया ऑफ सेक्युलर स्टेट फिर भी नहीं आ पाया। लेकिन लोगों के अंदर तो जागृति आ चुकी थी, दे वॉन्टेड टू हैव देयर राइट्स। तो इस जो कैथोलिक राजा था ना इंग्लैंड का और फ्रांस का, इसके देश की जनता कह रही थी, कुछ लोग, सारे तो नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें तो प्रोटेस्टेंट बनना है। ये कहता ताड़ा प्रोटेस्टेंट मैं बनना ना। अब राजे जनता की पिटाई करवा रहे हैं, तो कुछ लोग जो प्रोटेस्टेंट बनना चाहते थे पर नहीं बन पा रहे, वो इंग्लैंड से और फ्रांस से भाग गए। अब क्योंकि सी नेविगेशन शुरू हो चुकी है, वो निकल गए पता नहीं कहां, अचानक एक नई दुनिया में पहुंच गए, द न्यू वर्ल्ड, दैट मीन्स दे रीच्ड अमेरिका। उनको नई दुनिया मिल गई, दे रीच्ड अमेरिका। अमेरिका जाके ना अब हुआ क्या कि ये अमेरिका था, अमेरिका में एक यूएसए वाला एरिया हो गया और एक कनाडा वाला एरिया हो गया। जो ब्रिटिश भागे थे वो आके अमेरिका बैठ गए, जो फ्रेंच भागे थे वो आके कनाडा बैठ गए। क्योंकि ओरिजिनली फ्रेंच कनाडा गए थे, इसलिए आज भी कनाडा में फ्रेंच इतनी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, राइट। इसीलिए फ्रेंच इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू कैनेडियंस, इंग्लिश टू ब्रिटिश अमेरिकन्स, राइट, बिकॉज ब्रिटिश पीपल केम हियर। अब यहां पे आके हम लोग बैठ तो गए, पर प्रॉब्लम क्या है, जो ब्रिटेन और फ्रांस है ये तो यूरोप में दुश्मन है, आपस में बहुत लड़ते हैं। क्योंकि अब जो ब्रिटिश लोग यहां पहुंचे, उन्हें लगा कि यार बॉर्डर पे तो फ्रेंच आके बैठ गए और ये हमें यहां मार दे, हमें बचाएगा कौन।
फ्रेंच को भी ये डर था कि जो ब्रिटिश आके यूएसए में बैठे हैं वो हमें मार दें तो हमें कौन बचाएगा। तो जो अपने राजा से दुखी होके इंग्लैंड से भाग के यूएसए और फ्रांस से भाग के कनाडा गए थे, उन्होंने अपने राजा को दोबारा मैसेज किया कि भगवान आप ही हमारे राजा हो, हमारी रक्षा आप ही को करनी है, आप बताओ कैसे बचाओगे। सो इंग्लैंड के राजा ने बोला फिर मैं अपनी फौजें यूएसए भी भेज देता हूँ, फ्रांस के राजा ने बोला मैं कनाडा भी भेज देता हूँ, यहाँ पे तुम्हारी प्रोटेक्शन मैं ही करूंगा और तुम मुझे टैक्स पे करते रहना जैसा पहले कर रहे थे। सो अमेरिका बिकेम अ कॉलोनियल पोजेशन ऑफ ब्रिटेन, 13 अमेरिकन कॉलोनीज बन गई और फ्रेंच बिकेम द मास्टर्स ऑफ कनाडा। अब यहां हम बैठे हुए हैं और सब ठीक चल रहा है। टाइम बीतता गया, मैं पहला ऐसा ब्रिटिश था जो अपना देश छोड़ के अमेरिका गया था। सो मुझे पता था मैं ब्रिटेन में पैदा हुआ था, मेरे पापा ब्रिटेन में पैदा हुए थे, मेरा बेटा तो अब अमेरिका में पैदा हो गया, उसका ब्रिटेन से क्या रह गया रिलेशन, ही इज अ बॉर्न अमेरिकन। फिर उसका बेटा भी पैदा हो गया कुछ सालों में, उसका तो बाप भी अमेरिका में पैदा हुआ है, उनका कनाडा अब ब्रिटेन से क्या रिश्ता है। वो आपस में बातें करते हैं, हम ब्रिटेन को टैक्स क्यों भेजते रहते हैं, हमारे देश का पैसा ब्रिटेन क्यों जाता है। ऐसे ही फ्रांस वाले लोग भी पूछते होंगे आपस में बैठे हुए। इतने में यूरोप में 7-year war शुरू हो गई। जब तुम इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे उसमें तुम्हें पढ़ाऊंगा उसके कारण। जब 7-year war शुरू हुई तो ब्रिटेन और फ्रांस यूरोप में लड़ पड़े, जब ये यूरोप में लड़े तो ये यहां भी लड़ पड़े और ये इंडिया में भी लड़ पड़े, ब्रिटिश एंड फ्रेंच। 3 कर्नाटिक वॉर्स का टाइम है, 7 years war, तीनों जगह लड़े, ब्रिटेन जीत गया, इंडिया से भी फ्रेंच बाहर, कनाडा से भी फ्रेंच बाहर, यूरोप में ब्रिटेन का दबदबा डन। जैसे यहां से फ्रेंच निकल गए, अब जो ब्रिटिश लोग यहां बैठे थे अमेरिका में, उनका डर खत्म हो गया ना कि फ्रेंच हमें तंग कर सकते हैं फ्यूचर में। लड़ाई खत्म होने के बाद इंग्लैंड का राजा अमेरिकन को मैसेज भेजता है, तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं फ्रेंच से यहां भी लड़ाऊं तो मुझे तुम्हें अब कुछ और टैक्स देने पड़ेंगे, जो तुम अभी तक टैक्स दे रहे हो वो कम है, तो मैं कुछ नए टैक्सेस तुम पे लगाने जा रहा हूं। अमेरिका की जनता बोलती नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। पहले इलेक्शन करा अमेरिका में, यहां से बंदे चुन के ब्रिटेन के पार्लियामेंट में बिठा, अगर वो टैक्स की बात करें तो हम टैक्स देंगे, ऐसे नहीं हम टैक्स टुक्स देते। ब्रिटेन का राजा बोलता यार ये तो धोखा हो गया, जब तक जरूरत थी मेरे को राजा बनाया हुआ था, मेरी बातें मानते थे, आज फ्रेंच वाली डर खत्म हो गई है तो तुम आज आंखें दिखा रहे हो। अमेरिकन कहते हाँ दिखा रहे हैं, जो करना कर ले जा। अब ब्रिटेन के राजा ने फौजें भेज दी, अमेरिका के लोगों ने जॉर्ज वॉशिंगटन को अपना लीडर बना लिया, सारे इकट्ठे हो गए, अपनी फौज बना ली कि हम तो लड़ेंगे आजादी के लिए। फ्रांस का राजा अपने देश के मंत्रियों को बोल रहा है भाई बहुत बेइज्जती हुई है, हमें अमेरिका से, कनाडा से भी निकाल दिया, इंडिया से भी निकाल दिया, चलो फिर अब ऐसा करो अमेरिका वालों की हेल्प करो, ब्रिटेन को निकलवाओ वहां से। तो फ्रांस ने पैसा फौजें भेज दी अमेरिकन की हेल्प करने, फ्रांस की हेल्प लेके अमेरिका आजाद हो गया, ब्रिटेन लड़ाई लड़ी हार गया और अमेरिका बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन। अब जब अमेरिका इंडिपेंडेंट बना, अमेरिका ने लिख दिया पहला दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन और इस कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला राजा रोजा नहीं होते, प्रेसिडेंट होगा, उसको हम चुना करेंगे 4 साल के लिए, एक और 4 साल ले, उसके बाद खत्म, बस फिर नहीं दोबारा बनाते हम प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट नया बंदा बनेगा, हमारे फंडामेंटल राइट्स होंगे जिनकी गारंटी ये कॉन्स्टिट्यूशन देगा और किसी ने हमारी प्रॉपर्टी छीनी है उसको छोड़ेंगे नहीं। अमेरिका में राइट टू प्रॉपर्टी सैक्रोसेंट राइट, राइट, अमेरिका ने सारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया। फ्रांस के सोल्जर ऐसे बैठे थे, वो कह रहे ओए ये तो वोल्टेयर रूशो मोंटेस्क के आइडियाज थे जो अमेरिका ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए, हमें लगता था ये तीनों पागल है ऐसे ही बोलते रहते हैं, अमेरिका ने तो प्रूव कर दिया ये प्रैक्टिकल आइडियाज हैं। अब ये बेचारे दुखी मन से फ्रांस वापस चले गए, अभी जाके बैग भी नहीं उतारे होंगे भाइयों ने। फ्रांस का राजा बोलता अमेरिका की हेल्प करने में मेरा बहुत खर्चा हो गया, फ्रांस की जनता कुछ और टैक्स पे करे। फ्रांस कह रहे ओए नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, साथ ही फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, तो दुनिया तो हिला दी ना इन आइडियाज ने। सो अगला टॉपिक क्या आता है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना पूरा। एक बार ना यूपीएससी सवाल पूछती है, हैड देयर बीन नो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वुड हैव बीन नो फ्रेंच रेवोल्यूशन, ट्रू? अमेरिकन को देख के तो फ्रेंच इंस्पायर्ड हुए, नहीं तो हो ही नहीं सकते थे, ठीक है। सो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, डेट याद है 4th of July 1776। अगर जरूरी होता मैं लिखवाता जरूर, इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे ये पूरा जो थॉट चला है ये 1700s में ही चला है फ्रांस में, ठीक है। सो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की स्टोरी समझ आ चुकी है ना,
इसके आगे और कुछ लिखवाने की आज मुझे जरूरत नहीं, जो रेगुलर लेक्चर होगा उसमें मैं तुम्हें कैसे लिखवाऊंगा, कॉजेज ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इवेंट्स ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वहां तो हम पूरा लिखेंगे। यहां आज हम सिर्फ फेमिलियर हो रहे हैं टॉपिक्स के साथ। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद इसमें एक चीज हम और पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये दुनिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, राइट। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ना एक तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाता हूं, फिर तुम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया भी समझ जाओगे। आज तुम सारे इंडियंस मेरे अंग्रेज के खिलाफ लड़ रहे हो आजादी के लिए, उस आजादी का मतलब क्या था तुम्हारे लिए, कौन से राइट्स? देखो जब तुम मेरे खिलाफ लड़ रहे थे एज ही सेड तुम्हें कुछ राइट्स चाहिए थे, तो जब तुम्हें आजादी मिली तुमने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में वो राइट्स लिख दिए। और क्या चाहिए था तुम्हें? सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्नमेंट। जैसे तुम आजाद हुए तुमने बना ली सॉवरेनिटी अपने लिए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और क्या चाहिए था तुम्हें? इक्वालिटी। आर्टिकल 14 लिख के तुमने इक्वालिटी ले ली, प्रीएम्बल में भी लिख दिया कि इक्वालिटी तो बेसिस होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, बेसिक स्ट्रक्चर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये तो राइट्स ही हो गया। तो तुम्हें जो जो तुम्हारे दिमाग में उन दिनों में आ रहा था कि ये हमारे पास होना चाहिए, जिस दिन तुम आजाद हुए तुमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिख लिया, ऐसी अमेरिकन का हाल था। जो वो सोच रहे थे कि हमारे पास ये होना चाहिए, ये सोच के वो ब्रिटेन के खिलाफ लड़े, उन्हें लग रहा था ये क्या बात होती है कि एक ही घर के लोग राज करते रहे हमारे ऊपर, पहले सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, फिर उसके बाद इंग्लैंड के राजाओं की बात हो रही थी, मैं गलत एग्जांपल दे गया, तो ये क्या बात होती है कि एक ही परिवार के लोग राज करते रहे, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो जैसे ही अमेरिका आजाद हुआ ब्रिटेन की मोनार्की के अगेंस्ट जाके उसने रिपब्लिक एस्टेब्लिश कर दिया, मींस हेड ऑफ द स्टेट विल बी इलेक्टेड, इट विल नॉट बी अ हेरिडिटरी ऑफिस कि बाप के बाद बेटा गद्दी पे बैठ जाए, ये नहीं चलेगा अमेरिका में। तो पेपर में सवाल क्या पूछा गया, डिस्कस द आइडियाज दैट सस्टेन्ड द मेकिंग ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइडियाज क्या क्या थे जो अमेरिका ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल डिजायर कर रहा था, उन्हीं आइडियाज ने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन लिखवा दिया। डन। सो एक हम करेंगे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, दूसरा हम करेंगे उसके बाद अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। इसका कारण तो तुम समझ ही गए क्या हुआ था, पर ये छोटी सी बात नहीं है, फ्रांस में और भी बहुत प्रॉब्लम्स थी। एक मजाक की बात, कारण है पर मजाक की बात, जो रानी थी ना फ्रांस की मैरी एंटोनी, ओहो बड़ी खतरनाक औरत थी वो। एक बार फ्रांस में ना अकाल पड़ गया, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, बच्चे रो रहे हैं, माएं चीख रही हैं, बहुत सारी लेडीज अपने बच्चे उठा रहे ना, रोते बिलखते राजा के महल के बाहर आ गई वर्सेल में कि देखो बच्चों पास खाने को कुछ नहीं है। तो रानी कह रही क्या हो क्या गया, कहते वी हैव नो ब्रेड्स, रोटी नहीं है खाने के लिए, कहती हैव केक्स, ब्रेड नहीं है तो केक खा लो भी, मेरे पास तो देखो अंदर इतने सारे पड़े हैं, तुम्हें क्यों नहीं मिल रहे, मुझे समझ ही नहीं आ रही। उसको ये नहीं पता कि तेरे पास तो पैसे हैं, जनता गरीब है। तो जनता में ना जब लेडीज को गुस्सा आता है ना खास तौर पे, तो बड़ा भयंकर रेवोल्यूशन आता होता है। तो उस दिन लेडीज को ना रानी ने कह दिया हैव केक, तो लेडीज पंजाबी भी होंगी बीच में दो चार, मुझे लग रहा है आ मुझे दस केड़े केक तेरे पियो दे पे हैं किथे में हैं। वो रानी को खुद ही पकड़ के बाहर ले आई, साथ में राजा को भी ले आई भी तू ही नाल चल पियो दे दस किथे तेरी मां दे केक, राइट। ऐसे ही साथ में उसके फैमिली के बच्चों को भी बाहर ले आए, सबको लाके खड़ा कर दिया, बताओ कहां है केक। लेडीज ने ये रेवोल्यूशन किया था। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है रोल ऑफ वुमेन इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, सो वी कैन राइट एन आंसर टू दिस। अभी तो नहीं, पूरे कोर्स में जब हम पढ़ेंगे तो हमें आंसर पता होगा, तब मैं ये नहीं कर रहा हूँ तेरी माँ तेरा प्यो, तब मैं आंसर लिखवा रहा हूँ, आज मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो जनता का गुस्सा एकदम से रेवोल्यूशन बनता है, तो जनता सबको लेके आ गई सड़क पे, सारे आके खड़े हैं। रानी कह रही सॉरी गलती हो गई, वो तो सेक्टर 8 में मोनिकास पे पड़े थे केक, तो मैं ऐसी यहां सोच रही थी कहीं और चलते हैं, ट्राई कर लेते हैं, निक वेकर चलते हैं। अब सारे दुखी हैं। इतने में क्या हुआ, राजा को लगा कि मेरे साथ तो धोखा हो गया, सारी जनता एक तरफ हो गई है। राजा ने अपने खास अफसरों को इशारा किया भी निकलो, पड़ोसी देशों में जाओ, उनके राजाओं को मेरा मैसेज दो कि मेरी जनता हो गई है पागल, मेरे देश पे अटैक करो। तो फ्रांस के राजा ने खुद ही पड़ोसी देशों को राजाओं को मैसेज भेज दिया। अब तुम्हें इतिहास का एक और बात गहरा राज बताऊं, फ्रांस में रूल करते थे बुरबॉन्स, इंग्लैंड में टुडोर्स हैं या स्ट्रॉट्स हैं, राइट। रोमनोफ रशिया में राज कर रहे हैं, हैब्सबर्ग ऑस्ट्रिया में राज कर रहे हैं, बहुत पीछे चले जाएंगे, ये सारे एक ही फैमिली के बच्चे हैं, सारे आपस में कजन्स हैं, तो भाई भाई है ना, तो कोई चाचा और दा पुत्र, कोई मामे दा पुत्र, इदा वाली फीलिंग है। तो कह रहे हैं भाजी आओ इधर, भरा फंस गया कल्ला, सारे आगे अटैक करो, मेरी जनता पागल हो गई है, रोको इन्हों आके। तो फ्रांस के राजा ने अपने देश पे खुद ही अटैक करा दिए। तो जनता कह रही है ये कैसा राजा है जो अपने देश पे आप ही अटैक करा लेता है,
ये तो पागल हो गया, इसका सर काट दो. द किंग वॉज गिलोटिंड, राजा का सर काट दिया, रानी का सर काट दिया, बच्चों के सर काट दिए. एक आधे बच्चे को कोई एक आधा राजा का अफसर बजाब जो ना शॉल में जैसे पुरानी फिल्म में होता लेके भाग गया, वो बाद में दोबारा वापस बन के आएगा नया राजा. अभी के लिए उसको लेके निकल गया, लुई 18 बन के आएगा वो, लुई 16 के बाद. तो अभी सबको निकाल दिया, चलो अब जनता तो लड़ पड़ी है, राजा रूजा मार दिया, करना क्या है? मैंने इससे पूछा अभी, मैडम करना क्या? कहने मैनू की पता की करना. मैंने कहा पाजी तुसी कुछ कहना नाना, अपना कोई प्लान नहीं सीखा, अभी तो वैसे ही बस सारे मजे ले रहे थे, अभी तो राजा मार रहे थे, आके तो तुम देख लो अब क्या करना है. तो पता तो है ही नहीं करना क्या. अमेरिकन को पता था कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है, इनको भी पता ही कुछ नहीं है, ये मजे ले गए उस दिन. बाकी देशों ने कहा हम भी मजे नहीं लेते हैं, उन्होंने अटैक कर ही दिए. तो फ्रांस केम अंडर ट्रेमेंडस अटैक, राइट. ऑस्ट्रिया ने अटैक कर दिया, प्रशिया ने अटैक कर दिया, सब तरह से अटैक हो गए फ्रांस पे. अब फ्रांस की जनता कह रही पाजी करिए कि, अब सारे इधर उधर देख रहे हैं, तो इनको दिखा ओ हो नेपोलियन. कहने भाई तू कुछ कर, तेरे को आता लगता है, तेरी शक्ल ठीक लग रही है हमें, तू बंदा तैयार लगता है, कुछ कर. नेपोलियन कहता कोई टेंशन नहीं, मैं हूं ना. तो अगला टॉपिक आ गया राइज ऑफ नेपोलियन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद राइज ऑफ नेपोलियन. अमेरिका ने तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया आफ्टर रेवोल्यूशन, अमेरिका अलग से एक देश बन गया. हाँ, तो फिर फ्रांस के सोल्जर उसकी हेल्प करने गए थे ना अमेरिकन्स की, अब वो अपने देश वापस आए, फ्रांस वापस आ गए ना. अमेरिकन के साथ उनको आजाद करा दिया, अपने देश वापस आ गए. जब हम अपने देश वापस आए तो हमारा राजा कहता है तुम्हें भी अब टैक्स देने पड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका की हेल्प करने में मेरा पैसा लग गया. फ्रांस के लोगों को तो कहते भाड़ में जा. हाँ, मैं फ्रांस का राजा हूं, तुम फ्रांस के लोग हो, तुम में से कुछ लोग सोल्जर हैं, मैंने तुम्हें अमेरिका भेजा, जाओ अमेरिकन की हेल्प करके आओ ब्रिटेन के अगेंस्ट. तुम लड़ाई जीत जूत के वापस आए और वहां से सुन के आए कि डेमोक्रेसी आ भी गई, आइडिया लेके वापस आए हो, तुम आके अभी बैठे हो. मैंने बोला भैया अमेरिका की हेल्प में खर्चे बहुत हो गए हैं, चलो टैक्स और लगाएं तुम्हारे ऊपर, तो तुम्हें गुस्सा आएगा ना. वो भी ठीक नहीं है, वही ठीक है. हाँ, हाँ? फिर इंडिया कहाँ से बीच में आ गया? इंडिया कहाँ है, मैं तो लेके नहीं आया इंडिया को. आपने कहा बीच में इंडिया? अच्छा अच्छा बेटा, उस टाइम पे ना पूरी दुनिया में लड़ाई हो गई थी. ब्रिटेन और फ्रांस को भी दुश्मन थे ना, तो ब्रिटेन और फ्रांस यूरोप में भी लड़ पड़े, अमेरिका में भी लड़ पड़े, इंडिया में भी लड़ पड़े. उस टाइम पे इंडिया में तो ब्रिटेन रूल कर रहा था ना. जहाँ ऐसा सोच, मैं पाकिस्तानी, तू इंडियन, हम यहाँ रहते हैं इंडिया में, बाई चांस इंडिया और पाकिस्तान में रहते हैं, जिस दिन मैच होता है हम दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं ना, है ना, मौका मौका. और कितनी गंदी यार बनाई तुमने इस बारी कि अब्बा ने कहा था कभी तो मौका आएगा, देखी है टीवी पे? अभी तक नहीं ऐड देखी. बांग्लादेश और पाकिस्तान के प्लेयर्स की जैकेट टी शर्ट पहन के दो लड़के बैठे हैं, ठीक है, और पाकिस्तान वाला कह रहा है, बांग्लादेश वाला पाकिस्तान वाले को कहना 7 बार मौका मिल गया, कब लोगे मौका, कि इंडिया को कब हराओगे वर्ल्ड कप में. तो पाकिस्तान वाला कह रहा है अभी अब्बा ने कहा था, डैड ने कहा था कि हिम्मत करते रहो मौका मिलेगा. जब कहता ना अब्बा ने कहा था, इधर बैठा हुआ इंडिया की टी शर्ट का लड़का कहता मैंने कब कहा था. इंडिया वाला अपने आप को बाप बना के बैठा हुआ पाकिस्तान का, तो गुस्सा तो है ना हमारे अंदर एक दूसरे के लिए. तुमने अभी तक ये ऐड ही नहीं देखी थी मौका मौका, यार हद हो गई है, इतनी क्रिएटिव ऐड है. ऊपर से 16 तारीख को मैच है फादर्स डे पे. अगर इंडिया मैच जीत गया तो उन्होंने कहना बाप बाप होता है, अगर इंडिया मैच हार गया कहना कभी कभी बेटे का दिल भी रख लेते हैं. इंडिया सेफ हो गया इस बार फादर्स डे पे मैच आने के चक्कर में. अच्छा, अब क्या हुआ कि हम दोनों यहां तो लड़ते हैं, अब सोच हम दोनों कनाडा रहते हैं, जिस दिन मैच होगा उस दिन हम लड़ेंगे ना, वहां भी तो हम लड़ पड़ेंगे आपस में. मैं बोलूंगा इंडिया जीते, मैं बोलूंगा पाकिस्तान, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, तू कह रही होगी नहीं इंशाल्लाह, ओ सॉरी जय श्री राम इंडिया जीतेगा, हम दोनों की लड़ाई हो रही होगी उस दिन. अगर हम अमेरिका में होंगे वहां भी लड़ पड़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया में होंगे वहां भी लड़ पड़ेंगे. तो जब ब्रिटिश और फ्रेंच यूरोप में लड़े तो वो अमेरिका में भी लड़ पड़े, यूरोप में तो रहती है ना वो लोग, वहां लड़ पड़े. तो अमेरिका में भी रहते थे वहां भी लड़ पड़े, इंडिया में रहते थे वहां भी लड़ पड़े. ऐसे थोड़ा दिन रहते थे बेटा, इंडिया में ब्रिटिश रूल कर रहे थे. तुम आज कहां से आई हो? इंडिया पे अंग्रेजों ने राज नहीं किया 200 साल? तो बेटा ये तो मैंने वैसे तुम्हें एक आइडिया दे दिया बीच में कि तब 3 जगह लड़ाई हुई थी.
कोई बात नहीं बेटा, मेरी भी पूरी है, सुन नहीं गलती नहीं हुई किसी को भी नहीं करना। अच्छा देखो, टीचर का ना एक रोल होता है कि टीचर को पेशेंस के साथ स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। आज इसको क्लैरिटी नहीं हो रही है, मैं तुम्हें ना एक एग्जांपल देता हूँ, जितनों को गुस्सा आ रहा है कि ये क्या पूछी जा रही है, सर क्या बताई जा रहे हैं, तो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। मेरे ग्रैंडफादर वाज वेरी वेरी सिक वन डे, हम मैं गुरदासपुर ना गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो हम पीजीआई बैठे हुए हैं ओपीडी में, एक पेशेंट अंदर गया, आधे घंटे बाद बाहर आया हंसता हुआ आया बाहर, थोड़ी देर बाद एक दूसरा पेशेंट गया, वो आधे पौने घंटे बाद हंसता हुआ बाहर आया। मैं कह रहा मैं डॉक्टर वेले लादा अंदर बैठा है, घंटा घंटा गले लाई जाता, मजे में लाए सारे अंदर बैठे ने, डैडी ने दिखाना सी जाना भी है, ठिप ये है वो है, बहुत बोला मैं बाहर खड़ा हो गया ना, जोर जोर से ही बोला मैं। फिर चौथे नंबर पे मेरे ग्रैंडफादर की टर्न आई, हम अंदर गए, उसने मेरे ग्रैंडफादर साहब भी आधा पौना घंटा बातें मारी, उनका अच्छे से हाल पूछा, अद्धा था वैसे ही बंदा ठीक करता, फिर उनको दवाइयाँ दी, हंसते हुए मेरे ग्रैंडफादर बाहर आए। अब मैं बात वही बोलता, डॉक्टर बहुत सियाना जी, बड़े प्यार में गल्ला करता है, बहुत सियाना डॉक्टर है, ऐदा के डॉक्टर होने चाहिए हैं। तो अपने ऊपर जब आती है ना, तब वही चीज़ अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। आज मैं इसको समझा रहा हूँ, तो जिस जिसको गुस्सा आ रहा है, किसी एक दिन तुम्हारे को भी कुछ समझ नहीं आएगा। अगर उस दिन टीचर ने मना कर दिया मैंने नहीं समझाना, तो हम सारे स्टूडेंट्स को इक्वालिटी पे ट्रीट कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, आखिरी बार समझा रहा हूँ, इस तो बात नहीं करना टीचर बहुत माड़ा है। मैंने ना बिनू टिलो बहुत पसंद है, डरो ये दुनिया है, इसमें यहाँ पे यूरोप है, यूरोप में एक ब्रिटेन नाम का देश है, एक फ्रांस नाम का देश है, ये यहाँ तो रहती है ना, फिर ये यहाँ से निकल गए बाकी दुनिया पे राज करने के लिए। तो एक ये इंडिया आ गए, एक ये अमेरिकास पहुंच गए, बाद में ये अफ्रीकास में भी पहुंच जाएंगे, डन। अब हम यहाँ पे आपस में लड़ पड़े, हमारे अफसर यहाँ भी बैठे हैं अमेरिका में, हमारे अफसर इंडिया में भी बैठे हैं, अफसर अफसर आपस में लड़ पड़े, तो यहाँ भी लड़ाई होगी, यहाँ भी लड़ाई होगी, यहाँ भी लड़ाई होगी। यहाँ पे ब्रिटेन लड़ाई जीत गया, फ्रांस हार गया, लेकिन ब्रिटेन ने फ्रांस नाम का देश नहीं खत्म किया, वो लड़ाई हार गए, पैसे पूसे लिए, काम खत्म। इंडिया में फ्रांस को बाहर निकाल दिया और ब्रिटेन इंडिया पे पूरा कब्जा कर गया। कनाडा में फ्रेंच थे, अमेरिकाज में ब्रिटिश थे, यहां से कनाडा से भी उनको निकाल दिया, यहां भी ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया। कनाडा से फ्रेंच को निकाल के ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया, और कनाडा आज भी ब्रिटिश डोमिनियन है, कनाडा आज भी रिपब्लिक नहीं है। कनाडा में प्राइम मिनिस्टर होता है पर प्रेसिडेंट नहीं होता, जैसे इंडिया में होता है। जो हमारा प्रेसिडेंट है ना, वो वहां पे इंग्लैंड का राजा के पावर है। आज भी कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में, ये दोनों आज भी ब्रिटिश डोमिनियंस हैं। अब इसके बियॉन्ड कुछ समझना है तो क्लास के बाद पानी पिला के फिर समझाता हूं, ठीक है, डन। थोड़ा सा समझ आ गया क्या हुआ है, इतना ही है, चल कोई ना पूछ, फिर बाकी बात हूं, इस तो बाद डॉक्टर कब्बा हो गया हूं, चलो अगला लिखो। सो अमेरिकन वॉर समझ आ गई, फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया, राइज ऑफ नेपोलियन आ गया, नेपोलियन को सारी पावर दी कि नेपोलियन हमें बचाएगा। इसने पहले तो दिखाया कि मैं कौन हूं, बॉर्डर सेफ कर दिए, बॉर्डर्स पे फौजें खड़ी कर दी फ्रांस की, और जो आए थे उनको पीछे धकेल दिया। इंटरनली आइडिया क्या दे रहा है, कहता है डेमोक्रेसी होनी चाहिए, मैं तो मानता हूं, मैं तो रेवोल्यूशन के कारण ही आगे आया हूं। तो ये पांच भाई जो बैठे हैं ना, इनकी एक डायरेक्टरी बनाते हैं, ये फाइव मेंबर डायरेक्टरी जो है ये फ्रांस को मैनेज करेगी, मैं इनको भी प्रोटेक्शन दूंगा, टेंशन नहीं लेनी किसी ने। अब ये जो ऐसी जनता हा हा ही करी जा रही है, सबको ठंडा कर लेंगे, जो बाहर से अटैक कर रहे हैं उनको भी संभाल लेंगे। ये तो लड़के सबको बड़ा सही लगना शुरू हो गया कि पाजी गल्लां भी सियाणियां करते हैं, काम भी सियाने करते हैं, इसी को आगे रखते हैं अपने पास संभाल के। थोड़े दिनों में इसने ना डायरेक्टरी के मेंबर्स के खिलाफ आइडिया दे दिए, कहना यार ये पांच बंदे ना पुट्टी सीधी सलाहें दे जा रहे हैं, मेरे से नहीं ऐसे काम होता, अगर तुम्हें देश की इज्जत बतानी है तो पावर भाई को देनी पड़ेगी। अब जनता कह रही है यार बातें तो ये ठीक ही करता है, ये बात भी ठीक ही होगी, जनता ने सारी पावर इसको दे दी। ये कहता देखो पावर ऐसे देने का फायदा नहीं होता, लाइफ टाइम पावर देनी पड़ती होती है, ये थोड़ा भी तुमने महीने दो महीने के लिए मुझे अपना बना लिया अफसर, लाइफ लॉन्ग। जनता कहती हाँ भाई लाइफ लॉन्ग, कहता फिर एक काम करो आज से मुझे एम्परर ऑफ फ्रांस बुलाया करो। जनता कहती यार हम तो राजा के खिलाफ लड़के डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ते, कहना डेमोक्रेसी होगी बस मैं राजा हो गया, तुम डेमोक्रेटिक हो गए, तो नेपोलियन राजा बन गया, तो रेवोल्यूशन तो फेल हो गया फ्रांस का, राइट। अब क्योंकि ये राजा बन गया, पूरे यूरोप के साथ इसकी खुंदक होगी, तुमने मेरे देश पे अटैक किया, इसने फ्रांस की जनता के अंदर एक भावना भरी, ये जो हमारा देश है, ये जो हमारी मिट्टी है, इसके लिए जीना मरना होता है। पहली बार दुनिया में नेशनलिज्म का आइडिया प्रमोट हो गया, नेपोलियन ने कर दिया कि इसके लिए जिएंगे मरेंगे छोड़ेंगे नहीं, जिसने हमारे देश पे पैर रखा है पैर वड़ के आने हैं, चलो चलिए। अब इसने पूरे यूरोप पे अटैक करा दिए, पूरे यूरोप पे जब अटैक हुए भाई, इसने तो फ्रांस की जनता के अंदर जुनून भर दिया देशभक्ति का,
अभिनंदन को वापस लेके आने वाली फीलिंग थी उस दिन, तो सारे निकल पड़े थे भी आज लेके ही आना है, पूरे यूरोप पे अटैक हो रहे हैं, सारे हारते जा रहे हैं, नेपोलियन जीती जा रहा है, सारे परेशान हो गए। फ्रांस इतना स्प्रेड करता जा रहा है कि कई सारे देश फ्रांस ने जीत लिए हैं, जर्मनी आधे से ज्यादा जीत दिया है, इटली आधे से ज्यादा जीत दिया है, सारे देशों को जीतता जा रहा है, सारे देश इकट्ठे हो गए कि इसको तो रोकना पड़ेगा, ये तो पागल हो गया, मान नहीं रहा ऐसे तो। सो जर्मनीज, इटलीज, ऑस्ट्रिया एंड रशिया एंड स्पेन, ब्रिटेन, सारे इकट्ठे हो गए कि इसको हराओ यार, ये खतरनाक बंदा हो गया। इतनी पावर थी इस आदमी में, इसने इस सारी कोलिशन ऑफ यूरोपियंस को भी तीन बार हरा दिया, तीन बार अकेला लड़ाइयां जीती गया। वो कह रहे नहीं नहीं ऐसे नहीं चलता होता, एक बार और ट्राई मारनी पड़नी है, फिर क्या होगा 2014 के इलेक्शन जीत गए, 19 में जीत जाएंगे, है ना, महागठबंधन कर देंगे, वो फिर हार गए, फिर ये 24 में आए गए, महागठबंधन करेंगे इस बार, अब इन्होंने फिर मोदी सॉरी नेपोलियन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ये फिर हार गए, अल्टीमेटली कभी तो जीतेंगे। एक दिन फिर नेपोलियन पकड़ा गया, वाटरलू की लड़ाई में हार गया, आज ये हार गया, तो अगला टॉपिक होगा फॉल ऑफ नेपोलियन। डेटा उटा नहीं होंगी इन्होंने, दे इवेंट्स होंगे, डेट जहां आएगी वो मैं बता दूंगा, राइज ऑफ नेपोलियन, फॉल ऑफ नेपोलियन। इन बिटवीन ना नेपोलियन ने बहुत सारे काम भी तो किए होंगे जितनी देर वो राजा रहा होगा, 1815 तक वो राजा रहा है, राइट, शुरू 1798 में हो गया था, वैसे डेट मुझे याद थी इसलिए बता दी मैंने, कि तेन मेरे लगे साथ में पता नहीं सी। सो फ्रॉम 1798 टू 1815 ये नेपोलियन का टाइम है, इसमें नेपोलियन ने काफी साल रूल कर लिया, काफी काम किए होंगे, तो हम बीच में पढ़ेंगे रिफॉर्म्स ऑफ नेपोलियन, राइट, राइज ऑफ नेपोलियन, रिफॉर्म्स ऑफ नेपोलियन एंड फॉल ऑफ नेपोलियन। अब तुम्हें एक सवाल देता हूं जो यूपीएससी पूछती है, अगर फ्रांस में रेवोल्यूशन ना होता तो आम आदमी जो नेपोलियन है कभी राजा बन सकता था? सो अगर हिस्ट्री रिकॉर्ड करे एक फैक्ट, नेपोलियन इज अ चाइल्ड ऑफ रेवोल्यूशन, सही है, नेपोलियन इज अ चाइल्ड ऑफ रेवोल्यूशन ना। अब रेवोल्यूशन क्या चाहता था कि डेमोक्रेसी आए, ये तो राजा बन गया, डेमोक्रेसी तो आने नहीं दी। अगर हिस्ट्री ये बोले नेपोलियन इज एन एनिमी ऑफ रेवोल्यूशन, वो भी ट्रू है ना। सो अगर स्टेटमेंट इकट्ठी कर दो, नेपोलियन वॉज बोथ द चाइल्ड एंड द एनिमी ऑफ द रेवोल्यूशन, डिस्कस, तो बना लोगे आंसर इसका ना, अभी हमने लिखा नहीं है, आइडिया आया, बाद में इसका आंसर भी लिख लेंगे, हाँ बिल्कुल आ सकता है, अभी तो मैं आइडियाज दे रहा हूं, फिर सारे डिस्कस करेंगे डिटेल में, यहां तक कोई डाउट। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन भी खत्म कर लिया, अब जब नेपोलियन हारा, पांच छह देशों ने मिलकर हराया ना, अब वो बैठ के मीटिंग भी तो करेंगे कि पाजी अगला की करना है, नेपोलियन तक गया क्या करना है। सो ये वो यूरोप था जिस पे नेपोलियन बढ़ना शुरू हुआ, फ्रांस इतना सा था, फ्रांस ने बाकी देशों को जीतना शुरू कर दिया, राइट, फ्रांस ने इस तरफ स्पेन स्पून भी जीत दिए, इधर रशिया तक भी आगे बढ़ गया, बीच में फ्रांस ने जर्मनीज की टेरिटरी ले ली, इटली की टेरिटरी ले ली, जो ऑस्ट्रिया था ना उस टाइम पर, अब तो बड़ा छोटा सा एक देश है, किसी एक टाइम पे ऑस्ट्रिया की थी हैब्सबर्ग एम्पायर, और जो हैब्सबर्ग एम्पायर थी ऑस्ट्रिया की, इसके पास आधा जर्मनी होता था, आधा इटली भी होता था, और थोड़ा पार्ट इसके पास रशिया की तरफ भी होता था, सर्बिया सर्बिया वाला, काफी विशाल एम्पायर था। इन दिनों में ऑस्ट्रिया में मैटरनिच नाम का प्रिंस था, जो उनका प्राइम मिनिस्टर भी था, मैटरनिच। मैटरनिच कहता कि अब जब हमने नेपोलियन को हरा दिया है, तो सारे ना मेरे पास आ जाओ, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, यहां पे हम बैठ के कांग्रेस ऑफ वियना करते हैं। 1814-15 में ये मीटिंग हुई कि नेपोलियन हार गया, अब क्या करना है। अब जब सारे बैठे ना, तो आइडिया ये डिस्कस किया गया कि जब नेपोलियन नहीं था, फ्रांस इतना सा था, नेपोलियन ने फ्रांस इतना बड़ा कर दिया, अब हम दोबारा फ्रांस को प्री नेपोलियनिक टाइम पे ले जाते हैं, जितना था ओरिजिनली उतना ही कर देते हैं, बट जब फ्रांस को दोबारा छोटा करेंगे, ताकि दोबारा फ्रांस कभी किसी पे अटैक ना कर सके फ्यूचर में, इसके आसपास के देशों को थोड़ा ताकतवर बना देते हैं। सो फ्रांस के इस तरफ आता है जर्मनी, राइट, उस जमाने में जर्मनी नाम का कोई देश नहीं होता था, जर्मनी 300 देशों में बटा हुआ था, जर्मनीज था, इनमें से एक देश होता था जर्मनीज में, प्रशिया, ये बॉर्डर पे था। इन्होंने बोला एक काम करते हैं, जो छोटा सा प्रशिया है इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ताकि ये अगर फ्रांस फ्यूचर में कभी अटैक करे तो ये उसको संभाल सके। ऐसे यहां पे इटली है, पर उस टाइम पे इटली नाम का भी कोई देश नहीं था, वो भी कई देशों में बटा हुआ था, उसमें यहां पे ऊपर पेडमोंट सार्डिनिया नाम का एक देश होता था, तो
तो इन्होंने पिडमोंट सार्दिनिया को एडिशनल टेरिटरी देके बड़ा कर दिया कि ना तो फ्रांस इस तरफ से अटैक करे ना फ्रांस इस तरफ से अटैक करे। तो यूरोप के नक्शे को थोड़ा सा बदला और कांग्रेस ऑफ वेना खत्म हो गई, फ्रांस को रिस्टोर बैक कर दिया। कांग्रेस ऑफ वेना ने एक चीज का ध्यान नहीं रखा, एक दुनिया में लिबरलिज्म का आइडिया बहुत पॉपुलर हो चुका है आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, दो नेशनलिज्म का आइडिया आ चुका है, तुम क्या करने जा रहे हो बहुत बड़ी गलती। वो गलती का बेस क्या है इसको ध्यान से आप सुनना। जब नेपोलियन का राइज हुआ और उसने जर्मनी और इटली पे अटैक किया, जर्मनी 300 देशों में बटा हुआ था, उसने मैक्सिमम देश अपने कब्जे में कर लिए, उन सारे लोगों को अपने कंट्रोल में रख के उन लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं नेपोलियन ने एक उम्मीद जगा दी कि जर्मनी एक देश बन सकता है। इससे पहले वो सोचते नहीं थे कि हम एक देश हैं, पर क्योंकि नेपोलियन ने, तुम सारे अलग अलग देश बैठे थे, मैंने आगे तुम में से आधों को जीत के अपने अंदर कर लिया, तुम्हारे ऊपर एक जैसा कानून लगा दिया, तुम्हारा एक जैसा झंडा बना दिया, तो तुम्हें तो पता चल गया ये एक देश बन गया। फिर तुम आपस में मिले, तुम एक जैसी बातें कर रहे थे, भाषा एक जैसी बोल रहे थे, और तुम सबकी एक ही इच्छा थी नेपोलियन यहां से निकल जाए। तो कॉमन एस्पिरेशंस लीड टू नेशनलिज्म, तो जर्मनी में नेशनलिज्म का राइज हो गया। पर जब कांग्रेस ऑफ वेना ने डिसीजन लिया, इन्होंने सिर्फ प्रशिया स्ट्रांग करके बाकी सारे देश फिर से आजाद कर दिए। जर्मनी के लोग चाहते थे हम इकट्ठे मिलके एक बड़ा देश बनाएं, पर ऑस्ट्रिया ने ये नहीं बनने दिया। दैट मींस फ्यूचर में जर्मनी ऑस्ट्रिया से लड़के एक देश बनेगा ही बनेगा। इटली भी बनना चाहता था, ऑस्ट्रिया ने नहीं बनने दिया। दैट मींस फ्यूचर में इटली इकट्ठा होकर इनसे लड़ेगा और इटली भी एक देश बनेगा। तो इसका अगला टॉपिक क्या होगा, जर्मन इटालियन यूनिफिकेशन। हाउ डिड इट, ओके आई जस्ट एक्सप्लेन, राइट डाउन द टॉपिक, जर्मन इटालियन यूनिफिकेशन। जर्मन इटालियन यूनिफिकेशन, देखो व्हाट आई एक्सप्लेन इज, ऑस्ट्रिया वाज अ बिग पावर एट दैट टाइम, हैब्सबर्ग एम्पायर, राइट, एक तो ताकतवर था। दूसरा क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया ने उस टाइम पे बाकी सारे राजाओं को कन्विंस किया कि इसी में ही हमारा फायदा है, अगर फ्रांस को हम स्ट्रांग रखेंगे और जर्मनी को बड़ा बना देंगे या इटली को बड़ा बना देंगे तो ये फ्यूचर में हमारी एग्जिस्टिंग एम्पायर्स को थ्रेटन कर देंगे। सो इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द बिग पावर्स ऑफ यूरोप दैट जर्मनी एंड इटली मस्ट नॉट गेट यूनिफाइड। फ्यूचर में जब जब इटली और जर्मनी में रेवोल्यूशन होंगे ना, देखो ये 1815 में हो गया और जर्मनी की यूनिफिकेशन 1870 में होगी, 1870 में, और इटली की 1860 में होगी। That means 40 years तो लगी गए ना, 40-50 years। तो उन 40-50 सालों में जर्मन्स और इटालियंस ने कई बार एफर्ट्स किए थे देश बनाने के, बट मैटरनिच अपनी फौजें भेजता था और रिवोल्ट को क्रश कर देता था। सो जब तक मैटरनिच बैठा हुआ था जर्मनी इटली नहीं बन पाए। जिस दिन मैटरनिच के खिलाफ ही बड़ा रेवोल्यूशन हो गया 1848 में, उसके बाद इटली भी बन गया जर्मनी भी बन गया। डन, बाकी मैं तुम्हें लिखवाऊंगा, दैट क्वेश्चन लिखेंगे हम, व्हाई मैटरनिच वाज अ नेसेसरी मैन फॉर ओल्ड यूरोप। आइडिया समझ आ गया ना, व्हाई मैटरनिच वाज अ नेसेसरी मैन फॉर ओल्ड यूरोप। जब तक ये था यूरोप पुराना बना रहा, जिस दिन ये निकला यूरोप नया हो गया, जर्मनी बन गया, इटली बन गया। ठीक है, अब लिखो इटालियन यूनिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, इटली की यूनिफिकेशन कराने के लिए तीन लोगों का नाम आता है। जैसे हम तो कहते हैं ना महात्मा गांधी है या ये है वो है, इटली में तीन लोगों का नाम आता है। पहला नाम लिखो मज़िनी, MAZZINI, मज़िनी। मज़िनी एक ऐसा रेवोल्यूशनरी, जैसे हम कहते हैं ना अपने देश में भगत सिंह है या कोई और है, वैसे लोगों जैसा आदमी है मज़िनी, राइट। दूसरा नाम आता है गैरिबाल्डी, GARIBALDI, गैरिबाल्डी। ये भी भगत सिंह जैसे आदमियों में से एक है, भी हथियार उठा लो लड़ो और देश बना दो। तीसरा कैवूर, जैसे मैं बोलूँ हमारे देश में पटेल साहब थे, वैसे इटली में कैवूर भाई थे, राइट। ये पहले प्राइम मिनिस्टर भी बने थे इटली के, यूनाइटेड इटली के। सो ये तीन लीडर्स हैं जिन्होंने इटली बना दिया। लेकिन जर्मनी बनाने का पूरा क्रेडिट एक ही आदमी को जाता है, बिस्मार्क, राइट। जर्मनी की यूनिफिकेशन करवाता है बिस्मार्क। अब तुम एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा जिसको लिखना नहीं है, आइडियाज क्विकली कैच करने हैं, ध्यान से सुन के अगर समझ नहीं आया तो रिपीट करवा लेना। ये काइंड ऑफ इटली है,
नक्शा ऐसा दिखता है मैप में कि वो पैर से फुटबॉल खेल रहा है, राइट। ये सिसलीज हैं, टू किंगडम ऑफ सिसलीज, ये पिडमोंट सार्दिनिया है, ये वाला पूरा एरिया जो है ये है नॉर्थ इटली, ये जो एरिया है ये है साउथ इटली और ये है सेंट्रल इटली, ठीक है। जब कांग्रेस ऑफ वेना हुई थी 1815 में, इससे पहले नेपोलियन आया था और उससे पहले तो ओल्ड यूरोप था। इस ओल्ड यूरोप में क्या था, साउथ ऑफ इटली जो होता था, जितने भी देश थे इसके अंदर, एक देश नहीं था कई देश थे, इनके ऊपर फ्रांस का दबदबा था। फ्रांस का जो भी राजा होगा वो यहां पे रूल करेगा इनडायरेक्टली। जो नॉर्थ ऑफ इटली था यहां पे ऑस्ट्रिया के राजाओं का दबदबा था, ऑस्ट्रिया का राजा इसको कंट्रोल करता था, फ्रांस का राजा इसको कंट्रोल करता था, और जो सेंट्रल इटली था यहां पे थी पेपल किंगडम, रोम था ना वेटिकन जहां बनी है, तो पादरी जो है चर्च का सबसे बड़ा वेटिकन में कौन बैठता है, पोप, वो यहां पे रूल करता था। तो इटली में कुछ राजे ऑस्ट्रिया के अंडर थे, कुछ राजे फ्रांस के अंडर थे और बाकी पेपल स्टेट थी। तो कोई इटली तो नाम का था नहीं। नेपोलियन आया, उसने इन सबको ही हरा दिया, ऊपर वालों को, ऑस्ट्रिया को हरा दिया, यहां पे नेपोलियन का राज आ गया। फ्रांस का राजा ही कौन था, नेपोलियन, तो यहां पे भी फ्रांस का राजा है, यहां पे भी फ्रांस का राजा है, उसने पादरी को भी डरा दिया, इस एरिया को भी अपने कंट्रोल में कर लिया, तो पूरे इटली पे थोड़े देर के लिए फ्रांस का राज आ गया। जब फ्रांस का राज आया, जब तक इंग्लैंड इंडिया नहीं आया था अंग्रेज ब्रिटिश, इंडिया में कोई मराठे थे, कोई सिख थे, कोई मद्रास के लोग थे, कोई बंगाल के लोग थे, अंग्रेजों ने आके पूरा इंडिया जीत लिया। जब पूरा इंडिया जीता, हम सबके ऊपर अपना कानून लगा दिया, हमारे कॉमन राजे बन गए, हम सबको लूटना शुरू कर दिया। तो उस दिन पहली बार इंडियंस ने आपस में बात की, टूटी फूटी अंग्रेजी सीख के फटाफट से, पंजाबी ने जाके मद्रासी और बंगाली को पूछा, माई मनी गोरा टेक अबे, योर मनी विद यू आर नॉट, वो कहना भाई इतना समझ आया, मनी वाइट गोरा टेक, हाँ यस गो ऑन, तो सबको एक दूसरे की बात भी समझ आ गई। उस दिन इंडियन नेशनलिज्म स्टार्ट हो गई और हमने देश आजाद करा लिया। ऐसे ही जब नेपोलियन ने सारे इटली को अपने अंडर किया तो इटालियंस के अंदर भी नेशनलिज्म आ गई। फिर कांग्रेस ऑफ वेना हुई 1815 में, इसने फिर इटली को ऐसे ही तोड़ दिया, ये एरिया ऑस्ट्रिया को दे दिया, ये फ्रांस को दे दिया, यहां पे फिर पादरी को लाके बिठा दिया। अब इटली के लोग चाहते हैं हमें अपना देश इकट्ठा करना है, सबसे पहले पिडमोंट सार्दिनिया, अभी तुम्हें मैंने क्या बताया था, जब कांग्रेस ऑफ वेना हुई इसको उन्होंने बड़ा कर दिया पिडमोंट सार्दिनिया को, ताकि फ्रांस यहां से अटैक ना करे फ्यूचर में। ये देश सबसे बड़ा हो गया अमंग ऑल द कंट्रीज इन इटली, क्योंकि ये सबसे बड़ा था, इसकी तरक्की भी ज्यादा हो गई, इसके पास फौज भी ज्यादा तगड़ी आ गई, इसके पास पैसा भी ज्यादा आ गया, और लकीली इसी देश में कैवूर पहले प्राइम मिनिस्टर बन गया, राइट। अब कैवूर यहां का प्राइम मिनिस्टर है, उसने पहले तो इन देशों को अपने इन्फ्लुएंस में लेके इकट्ठा कर लिया। जब ये इकट्ठे हो गए ना, इनको इकट्ठा करते हुए उसको लग रहा था कि ऑस्ट्रिया से लड़ना है, तो इसने फ्रांस को अपना दोस्त बना लिया। फ्रांस को दोस्त बना के इसने बोला कि मुझे बस ये वाला इटली दे दो, ये तुम रखो, मैंने क्या करना इसका, इतना इटली भी बन गया मैं बड़ा खुश हूं। तो फ्रांस ने इसकी हेल्प की और ऑस्ट्रिया को हरा दिया और नॉर्थ इटली एक देश बन गया अंडर कैवूर। फिर कैवूर ने ना गैरिबाल्डी को यूज किया, गैरिबाल्डी को उसने बोला तू चुपचाप जा और साउथ इटली पे अटैक कर दे, अगर फ्रांस का राजा पूछेगा तो मैं बोलूंगा भाई मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता कौन है वो, गैरिबाल्डी मेरा बंदा नहीं है, ये कोई और है। गैरिबाल्डी एक देशभक्त था, उसने साउथ इटली पे अटैक कर दिया। फ्रांस के राजा ने चीके चुके मारी कि ये गड़बड़ हो गई है कुछ, कैवूर कहता भाई सच्ची में मैं नहीं जानता ये कौन है, पता नहीं कहां से आया नलैक्सा, मैं इसको मना करता हूं, अब देखो अभी। उतनी देर में उसने पूरा साउथ इटली जीत लिया, जब उसने जीत लिया उसने ये इसको हैंड ओवर कर दिया। नॉर्थ और साउथ इटली इकट्ठे हो गए 1860 में, फ्रांस ने अपनी सारी फौजें यहां भेज दी। अब ये इकट्ठा करके दिखा चल, तो यहां पे उनको रुकना पड़ा, सेंटर ऑफ इटली नहीं जुड़ पाया, नॉर्थ और साउथ इटली जुड़ गया। कैवूर कहता वेट करेंगे, अभी पंगा नहीं लेना, बाद में देखते हैं, लेट्स प्लान स्ट्रेटजी। ये हो गया इटालियन यूनिफिकेशन का फर्स्ट फेज, डन। अब ये है जर्मनी, यूरोप के नक्शे में जर्मनी के नीचे ही पड़ता है ऑस्ट्रिया, राइट। ऑस्ट्रिया ने ना क्या किया हुआ था, साउथ ऑफ जर्मनी को अपने कंट्रोल में किया हुआ था। नॉर्थ ऑफ जर्मनी में कई देश थे जिनमें से एक था प्रशिया, और यह प्रशिया सबसे बड़ा हो चुका था, क्योंकि प्रशिया सबसे बड़ा था तो प्रशिया ने बाकी देशों को अपने इन्फ्लुएंस में लेके नॉर्थ ऑफ जर्मनी तो इकट्ठा कर ही लिया।
अब उसको साउथ ऑफ जर्मनी को अपने साथ जोड़ने के लिए ऑस्ट्रिया से लड़ाई लड़नी है. बिफोर द फाइट ऑफ वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, जो बिस्मार्क है ना, उससे ज्यादा इंटेलिजेंट डिप्लोमेटिकली दुनिया में कोई नहीं हुआ. अब मैं तुम्हें इसकी इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल दे रहा हूं. मैं थोड़ा मैप ऊपर बनाता हूं ताकि तुम लोगों को दिखे एंड यू बेटर रिलेट विद द इवेंट्स. सो दिस वॉज जर्मनी. जर्मनी के इधर आता है फ्रांस, इधर आता है रशिया, यहां आता है ऑस्ट्रिया, यहां आता है ब्रिटेन. मर्ज कैसे हो गया? ऑस्ट्रिया अलग से एक देश है. मर्ज कहां हो गया? वो इटली के पास, साउथ ऑफ इटली वाला पार्ट गया जो ऑस्ट्रिया का था. अंडमान निकोबार आइलैंड चले गए, पूरा इंडिया थोड़ा चला गया. ठीक है, सो ये ऑस्ट्रिया है, इसके पास साउथ ऑफ जर्मनी है. नॉर्थ ऑफ जर्मनी प्रशिया ने अपने पास इकट्ठा कर लिया. अब ये पता क्या करता है, ऑस्ट्रिया से लड़ूं कैसे मैं? कोई कारण तो होना चाहिए ऑस्ट्रिया से लड़ने का. ऑस्ट्रिया तो भी लड़ने की बात ही नहीं कर रहा. बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के राजे से बात की. बात पता क्या थी? कहता यार देख, नॉर्थ ऑफ जर्मनी पे मेरा दबदबा, साउथ ऑफ जर्मनी पे तेरा दबदबा. यहां पे आता है एक देश डेनमार्क. डेनमार्क के पास दो आइलैंड है, होल्स्टेन एंड स्लेस्विक. इन दोनों आइलैंड्स पे जर्मन स्पीकिंग लोग रहते हैं. तो भाई ये बता, ये या तो तेरे पास होने चाहिए या मेरे पास, ये डेनमार्क के पास क्यों है? ऑस्ट्रिया राजा बोलता, भाई बात तो सही लग रही है तेरी, ये तो मेरे पास ही होने चाहिए थे या तेरे पास. कहना चल फिर दोनों भाई मिलते हैं, जर्मन जर्मन्स डेनमार्क पे अटैक करते हैं, ये आइलैंड छीन लेते हैं, एक तेरा एक मेरा. बोला डन. इन्होंने फौजें मिलाई, डेनमार्क पे अटैक हुआ, छोटा सा देश था, उड़ा के मारा एकदम से, आइलैंड कैप्चर हो गए. अब ये कह रहा कौन सा मेरा? बिस्मार्क कहता कोई भी नहीं. वो कहता क्यों? कहता ये तो मेरी टेरिटरी के पास पड़ते हैं, तो तेरे कैसे हो गए? ये कहता ये धोखा है. कहता फिर लड़ ले. अब जर्मनी और ऑस्ट्रिया की लड़ाई हुई. जब जर्मनी और ऑस्ट्रिया की लड़ाई शुरू होने वाली थी ना, तो जर्मनी और प्रशिया और ऑस्ट्रिया की, प्रशिया ने फ्रांस के राजा से बात की. बिस्मार्क ने फ्रांस के राजा नेपोलियन III से बात की. कहना देख, मैं ना इससे लड़ने जा रहा हूं, तू बीच में नहीं आएगा, अगर तू चुपचाप बैठा रहा मैं तेरे को यहां पे कुछ टेरिटरीज दे दूंगा. वो कहता यार बढ़िया, ये तो फिर मेरे को आने की क्या जरूरत है, तू जीत जा, मेरे को टेरिटरी दे देना. ही सेड डन. अब इसने इस पे अटैक किया, इसको हरा दिया. हरा के ना इसको क्या बोला, देख छोटा वीन है तू मेरा, मैंने कोई शौक नहीं, मैं तेन गद्दी तो उतारा, वापिस बैठ जा, पर एक शर्त है, आज से ऑस्ट्रिया सिर्फ इतना ही रहेगा, साउथ जर्मनी मेरा होगा. ये कहता ठीक है बड़े भैया, जैसा आप बोलो. कहना ऐसे थोड़ा बड़े भैया मानने से होते हैं, अब मैं फ्रांस पे अटैक करने जा रहा हूं, तू मेरा साथ देगा? अगर तूने मेरा साथ नहीं दिया मैं तेरे को मार दूंगा. कहता क्यों भैया, मैं साथ दूंगा, ऐसा क्या बात हो गई? फिर इसने फ्रांस पे अटैक किया और ऑस्ट्रिया ने साथ दिया, इसने फ्रांस भी हरा दिया और फ्रांस की टेरिटरी भी अपने कब्जे में ले गया. इससे बेटर स्मार्ट ब्रेन हो सकता है किसी का? इससे लड़ने के लिए यहां पर आइडिया बना रहा है, इसको रोक रहा है, इससे लड़ने के लिए इसको हरा के फिर गद्दी उठा के इसको साथ लेके आ गया, अब फ्रांस को भी हरा गया. और 1870 में जब ये वाली लड़ाई शुरू हुई ना, फ्रेंको प्रशियन वॉर, जब ये शुरू हुई, फ्रांस के ऊपर तो अटैक हो गया, जो फ्रांस की फौज बैठी थी सेंट्रल इटली में, फ्रांस को निकालनी पड़ेगी ना फटाफट से. जैसे ही फ्रांस की फौज सेंट्रल इटली से निकली, इटली ने अपनी फौजें सेंट्रल में भी भेज दी, इटली की यूनिफिकेशन भी कंप्लीट हो गई, जर्मनी की यूनिफिकेशन भी कंप्लीट हो गई. डन, जर्मन इटालियन यूनिफिकेशन. जब जर्मन इटालियन यूनिफिकेशन हुई है, अब यूरोप का हाल सोचो, एक ग्रेट ब्रिटेन है और एक फ्रांस है, जो दो बड़ी पावर्स थी आज से पहले. ऑस्ट्रिया तो बहुत ही वीक हो गया, लेकिन जर्मनी और इटली नाम के दो नए बड़े देश खड़े हो गए. इन दोनों देशों में साथ के साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आ गया, लड़ाई लड़ते लड़ते ही. अब ये दोनों देश बोल रहे हैं, ओ भाई साहब, वो जो आपने कॉलोनियां बनाई हुई है ना अपनी, कोई एशिया में कोई अफ्रीका में, सारी तुम्हारी जगीरें नहीं हो सकती, हमें भी चाहिए, हमने भी इंडस्ट्री चलानी है. दैट मीन्स आज से दो पावर्स और दो पावर्स के बीच में कॉलोनियल वॉर स्टार्ट हो रही है. ये तो वर्ल्ड वॉर करा के हटेगी. अब ये दो एक तरफ हो जाएंगे, ये दो एक तरफ हो जाएंगे और वर्ल्ड वॉर वन लड़ेंगे. क्लियर? सो अगर तुमसे पेपर में ये पूछा जाए, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली डायरेक्टली लेड टू वर्ल्ड वॉर वन, तो ठीक होगी ना बात? अब तो अगर ये दो देश नहीं बनते तो ये आधी आधी दुनिया आपस में बांट के चुपचाप बैठे रहते, पर क्योंकि अब चार देश हो गए हैं कॉम्पिटिशन में, तो लड़ाई तो होगी होगी. डन यहां तक? कोई डाउट इस तक? अब जर्मनी बनने का तुम्हें सबसे प्यारा इवेंट बताता हूं. 1870 में जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया. जब फ्रांस हारा तो जर्मनी का बिस्मार्क आज फ्रांस के राजा के महल में आ गया
और उसके महल में ना पैलेस ऑफ वर्सेल्स जो है वहां पे आके ना एक हॉल ऑफ मिरर है जिसमें वहां का राजा अपनी सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स करता होता था। आज उस कमरे में आके फ्रांस के राजा की कुर्सी पे जर्मनी का बिस्मार्क बैठ गया, कहना हार गए ना बेटा सामने खड़े हो जाओ, आज बंदे सामने खड़े कर लिए फ्रांस वाले, उन्हीं के देश में उनको खड़ा किया हुआ, उनके राजा की कुर्सी पे खुद बैठा हुआ है। एक कागज निकाला, डॉक्यूमेंट था, ऐसे उठा के मुंह पे मारा फ्रांस वालों के, कहना साइन। उस पे लिखा हुआ था वॉर गिल्ट क्लॉज, आज फ्रांस इस चीज पे साइन करे कि लड़ाई हमारी गलती से हुई है। फ्रांस का राजा बोलता हमारी गलती कैसे है, तूने पहले कहा था तू हमें टेरिटरी देगा, तूने वो भी नहीं दी, फिर तूने हमारे ऊपर अटैक किया। बिस्मार्क कहता यार तू हार गया, तू बात थोड़ा करेगा, तू साइन करेगा, जल्दी कर। फ्रांस के राजा ने साइन कर दिए, कहता पेज पलट चल, पेज पलटा, उस पर लिखा था क्योंकि हमारी गलती से लड़ाई हुई है हम 6,600 मिलियन पाउंड जर्मनी को देंगे। फ्रांस तेरा तो दिमाग खराब है, 6,600 मिलियन पाउंड मैंने आज तक नहीं देखे बाई गॉड। वो कहता मुझे पता तूने नहीं देखे, तू साइन कर, तू हार गया बेटा बातें मत कर। उसने साइन कर दिए, कहना अगला पेज देख, अगले पेज पे लिखा था क्योंकि मैं इतना पैसा जर्मनी को नहीं दे सकता, मैं अपनी टेरिटरी जर्मनी को देता हूं। फ्रांस का राजा बोलता यार बहुत तक्का कर रहे हैं, देख ले ठीक नहीं है गल, कहना भैया देख लेंगे तू साइन कर। उसने यहां भी साइन कर दिए। आज जो फ्रांस की ह्यूमिलिएशन हुई है वाइल दिस वॉर हैज एंडेड, कैन फ्रांस एवर फॉरगेट? अब फ्रांस वर्ल्ड वॉर वन लड़ेगा और आज फ्रांस जीतेगा। जब फ्रांस जीतेगा इसी वर्सेल के किले में बुला के ट्रिटी ऑफ वर्सेल्स होगी, आज फ्रांस यहां बैठेगा, जर्मन सामने खड़े होंगे, आज फिर एक डॉक्यूमेंट आएगा, आज जर्मन्स के मुंह पे बजेगा, यहां लिखा होगा वॉर गिल्ट क्लॉज कर साइन, वो करेंगे साइन। अगले पेज पे लिखा 6,600 मिलियन पाउंड वापिस करो। जर्मन कहते तुमने कौन सा दे दिए थे, कहते तो हम देते तो देते ना, तुम तो दोगे अब, करो साइन चलो आज तुम। जर्मनी ने साइन कर दिए, कहता हम दे नहीं सकते, कहना पता हमें चिंता नहीं, अगला पेज देख, हमारी टेरिटरी तो वापिस करो, अपनी और देके जाओ। आज जर्मनी ने बदला ले लिया, फ्रांस ने बदला जर्मनी से। जब ये बदला हुआ ना उस दिन हिस्ट्री रिकॉर्ड क्या करती है, 1919 में ये ट्रीटी साइन हो रही है, जर्मन उठ के जा रहे हैं बड़े शर्मिंदा है। आज जर्मन उठते हो पता क्या बोलता है, सी यू बैक इन 20 ईयर्स, 20 सालों में बदला लेने आ रहा हूं मैं। 1939 वर्ल्ड वॉर टू स्टार्टेड, जर्मनी अटैक्ड फ्रांस, जर्मनी फ्रांस ने दुनिया बर्बाद कर दी यूरोप की। वर्ल्ड वॉर वन भी ये लड़े, वर्ल्ड वॉर टू भी ये लड़े, उससे पहले फ्रेंको प्रशियन वॉर भी ये लड़े। अब जो देश इतनी भयंकर लड़ाइयां लड़े हैं कितने सालों तक, 100 सालों तक, और जर्मनी प्रोटेस्टेंट है, फ्रांस कैथोलिक है, दोनों का धर्म भी डिफरेंट है, धर्म की लड़ाइयां भी लड़े हैं। वर्ल्ड वॉर टू लड़ने के बाद दोनों कहते हैं बहुत हो गया भाई, दोस्ती कर लेते हैं, कितनी बार लड़ेंगे, सब बर्बाद हो जाएगा। दोनों ने यूरोपियन यूनियन में पार्टिसिपेट कर दिया, जर्मनी फ्रांस ने कॉमन करेंसी, कॉमन पार्लियामेंट बना दिया। अ लेसन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान टू लर्न, कितने साल तक लड़ते रहोगे, कितनी बार अपने आप को बर्बाद करोगे, इकट्ठे बन जाओ, एक करेंसी बना लो, फिर फेक करेंसी भी नहीं होगी, फिर पाकिस्तान कहां से बना के भेजेगा, फिर तो कॉमन करेंसी हो जाएगी। सो इंस्टेड ऑफ हैविंग 1 रुपी इन इंडिया एंड 1 इन पाकिस्तान, लेट्स गो फॉर अ कॉमन रुपी, एक तरफ गांधी एक तरफ जिन्ना, क्या फर्क पड़ता है, करेंसी कॉमन होनी चाहिए अब। सो जो यूरोप ने किया है वो पूरे अब एशिया को भी करना पड़ेगा, एशियन यूनियन, नहीं तो हमारी तरक्की नहीं होगी, हम आपस में लड़के मर जाएंगे। यहां तक वर्ल्ड हिस्ट्री समझ आ गई अब सबको, जर्मनी इटालियन यूनिफिकेशन एंड वर्ल्ड वॉर्स। चाय मैं अकेला पीऊंगा, आई एम सो सॉरी, तुम ब्रेक में पी लेना ठीक है, क्योंकि बोल भी मैं अकेला रहा हूं, तुम सब आराम से मजे ले रहे हो भी बैठे हुए, खड़ा भी मैं अकेला ही हूं आज। अच्छा अब लिखो वर्ल्ड वॉर वन। मैंने ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टॉपिक समझाया नहीं है, मुझे लग रहा है वो समझाने की जरूरत नहीं है। बीच में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है एक टॉपिक, पर मैं इंटेंशन उसको स्किप कर रहा हूं क्योंकि वो बड़ा सिंपल है, व्हाट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, हाउ इट केम एंड व्हाट इट इंपैक्ट इट हैड, तो वो मैं आज नहीं कर रहा। वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर वन के ना बड़े बड़े कारण बड़े छोटे छोटे से हैं। नंबर वन, नेशनलिज्म पहला कारण है वर्ल्ड वॉर का। कैसे, अगर मैं जर्मन हूं तो मेरे अंदर बदले की भावना भरी हुई है, अगर मैं फ्रेंच हूं तो मेरे अंदर भी बदले की भावना भरी हुई है। फ्रांस ने जर्मनी से बदला लेना है, जर्मनी ने फ्रांस को खड़ा ही नहीं होने देना। बिस्मार्क की फॉरेन पॉलिसी का की वर्ड क्या था, फ्रेंच आइसोलेशन, फ्रांस को अलग करना है। फ्रांस को अलग करने के चक्कर में लिखो दूसरा कारण, अलायंसेस। अब ये अलायंसेस कैसे बनी तुम्हें ये समझाता हूं, और इसकी ना बैकग्राउंड को अच्छे से समझना। तुम कभी भी कोई भी बुक पढ़ोगे वर्ल्ड हिस्ट्री की, यू विल वेरी इजीली अंडरस्टैंड कि हो क्या गया यूरोप को।
As I explained the map of Europe, this is France, this is Germany, this is Russia, and then us time pe USSR bhi banega kuch time ke baad. Yahan pe aata hai Austria, yahan pe aata hai Britain, right? Aur yahan pe aata hai Italy. Ye Europe ka map hai. Ab Germany ne France ko hara diya. To Germany ko pata hai ki France badla to future mein mangega is cheez ka. तो जर्मनी का बिस्मार्क क्या प्लान करता है कि आज से हम फ्रांस को आइसोलेट कर देते हैं. एक दूसरा मेरे दिमाग में जो आइडिया वो ये है कि अगर किसी दिन मेरी फ्रांस से लड़ाई होगी और रशिया से भी लड़ाई होगी तो मैं क्या करूंगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा उसी दिन. तो मुझे गारंटी क्या करनी है कि मेरी रशिया से कभी भी लड़ाई ना हो, जब भी लड़ाई हो मेरा ये बॉर्डर प्रोटेक्टेड सेफ रहे, मैं सिर्फ इधर ध्यान दे सकूं. सो जर्मनी ने सबसे पहले क्या किया, उसने ऑस्ट्रिया तो दोस्त बनाया था अभी अभी जब फ्रांस को हराया था, तो इन दोनों के बीच में तो ड्यूअल अलायंस है, ड्यूअल अलायंस जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया के बीच में. फिर उसने रशिया के राज्य को साथ मिला लिया तो ये बन गई ट्रिपल अलायंस. डन, ट्रिपल अलायंस बन गई, तीन देश हो गए इसमें, कौन कौन से, जर्मनी, रशिया, ऑस्ट्रिया. अब पंगा पता कहां पड़ा बिस्मार्क के लिए, ऑस्ट्रिया और रशिया ये आपस में लड़ते हैं. क्यों? क्योंकि जो ऑस्ट्रियन एम्पायर है वो यहां तक आता है और रशिया कह रहा है ये मेरी है. तो ऑस्ट्रिया और रशिया आपस में लड़ते हैं. बिस्मार्क को कभी ये राजा गालियां निकालता है, कभी ये राजा गालियां निकालता है, ओए तू मेरे दुश्मन दोस्ती कर ली है, ये कह रहा तू मेरे दुश्मन दोस्ती कर ली है. बिस्मार्क तो समझदार बहुत था, उसने एक दिन ना इसको अकेले को बुलाया, कहना देख हम पुराने दोस्त पुराने भाई हैं पक्के वाले, ये तो पागल है, मेरे को तो वैसे भी ये बंदा पसंद नहीं है, इसको मैं छोड़ देता हूं, हम दोस्ती पक्की रखें, हमारी तो ड्यूअल अलायंस है. कहना हाँ ठीक है, चलो बात खत्म होगी. फिर इसको अकेले को जाके मिला, कहना यार ऑस्ट्रिया कह रहा है बहुत ही पागल इंसान है, सारा ही मुझे तंग करता रहता है, एंड आई अंडरस्टैंड कि तू मेरा कितना इंपॉर्टेंट फ्रेंड है, तो मैं चाहता ही नहीं कि हमारे बीच में लड़ाई हो, तो इसको बाहर निकालते हैं, हम दोनों री इंश्योरेंस ट्रीटी कर लेते हैं. तो इन दोनों से अलग अलग ट्रीटीज कर ली, ट्रिपल अलायंस भी बचा ली और अलग अलग दोस्ती भी रख ली. पर यह तब तक पॉसिबल है जब तक बिस्मार्क जैसा समझदार इंसान बैठा हुआ है. जिस दिन बिस्मार्क गया, अगले राजा ने ये री इंश्योरेंस ट्रीटी साइन नहीं की, तो रशिया और जर्मनी की दोस्ती खत्म हो गई. जैसे ये दोस्ती खत्म हुई, फ्रांस और रशिया ने दोस्ती कर ली. सबसे बड़ा जर्मनी का डर सच्चा हो गया कि हम पे दोनों तरफ से अटैक होगा, और वर्ल्ड वॉर में यही हुआ, ईस्टर्न फ्रंट वेस्टर्न फ्रंट एक साथ चल पड़े, जर्मनी लड़ाई हार गया. इंडिया के लिए भी यही डर है, पाकिस्तान एंड चाइना, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रंट, तो किसको दोस्त बनाए अब, दोनों नहीं बनते बताओ, सही बात है ना, कैसे करना फिर अब. तो अब अमेरिका भी दोस्त बना देते हैं, भाई तुम बचा ले आगे, हम तो नहीं बचते ऐसे. तुम्हें इसका भी एक आइडिया बताऊंगा 10 मिनट के बाद. यहां तक समझ आ गया अलायंसेस कैसे बनी थी, अलायंसेस बन गई, वर्ल्ड वॉर वन की तैयारी हो गई, नेशनलिज्म है, अलायंसेस है. उसके बाद तीसरा कारण, डिजायर ऑफ कॉलोनियल एम्पायर, डिजायर ऑफ कॉलोनियल एम्पायर. जाओ बेटा. अच्छा मैं पढ़ाते हुए भूल जाता हूं कि बच्चों को पानी पीना या वॉशरूम जाना, तुम अपना चला जाया करो जिसको जाना है, और तू आराम से जा, साथ में कैमरा नहीं लेके जाना मेरा. बेटा बात सुन, सुन हेल्प करो एक आदमी की, जर्मनी इटली मत बने रहा करो. चलो अगला लिखो. हाँ तो अब एक डिजायर है कॉलोनियल एम्पायर के एक्सपेंशन की. जर्मनी कहता है मेरे पास ज्यादा कॉलोनीज आ जाए, ब्रिटेन कह रहा है मेरे पास ज्यादा हो जाए, तो लड़ेंगे ना. अगला कारण, रेस फॉर आर्मामेंट्स. नो व्हाट आई मीन बाय दिस रेस फॉर आर्मामेंट्स, क्योंकि जर्मनी को पता है कि फ्रांस मेरे से लड़ेगा. जर्मनी हर रोज नया हथियार बनाता रहता है, फ्रांस देखता है जर्मनी ने हथियार बनाया, फ्रांस भी हथियार बना देता है, राइट. अब तुम देखो, हम टीवी में या न्यूज़पेपर में एक दिन देखें इंडिया ने मिसाइल टेस्ट की, अगले दिन पाकिस्तान मिसाइल टेस्ट कर देता है. इंडिया ने न्यूक्लियर बम टेस्ट किया, साथ ही पाकिस्तान ने टेस्ट कर दिया. इंडिया ने सैटेलाइट छोड़ा, पाकिस्तान कहता है हम किसी और से छुड़वा लेंगे, हमें आता नहीं है. छुड़वा तो लेते हैं अगले दिन, वो भी आता नहीं है, फिर क्या हो गया भाई. पाकिस्तान कहता है एक बड़ा अच्छा आइडिया है, कहता तुम्हारी मर्जी है, तुमने चंद्रयान भेज के चांद पे जाना है कि मंगलयान मार्स पे जाना है, हमने अभी कश्मीर में आना है, तुम बाद में जहां मर्जी तक चले जाओ, हम कश्मीर तक ही आएंगे. एक बार कश्मीर इंशाल्लाह ले लिया फिर बताएंगे हमने कहां जाना है. तो अभी उनका सारा फोकस कश्मीर पे लगा हुआ है, इसलिए वो अभी पैसा पूसा वेस्ट नहीं कर रहे चंद्रयान मंगलयान में, पागल करने इंडिया वाले बेले हैं ना. और कहते हैं जो वहां जाके मिट्टी देखनी है तुमने, तुम देखा बता देना कैसी है,
हमने जाके क्या करना है, अमेरिका वाले देखाए थे, रूस वालों ने देख ली थी, फ्रांस वालों ने देख ली, अब इंडिया वाले देख लेंगे, सारे भाई अपने बता देंगे कि वहां की मिट्टी ऐसी है, वहां पे ये हो सकता है ये नहीं हो सकता। अगर वहां पे घर बन सकता हुआ, हम कहेंगे वेरी गुड, इंडिया वहां चले जाए, कश्मीर हमें दे जाए। पाकिस्तान के फंडे क्लियर है, उनको कोई टेंशन नहीं है फालतू की ना, कि हमें बहुत टेंशनें पड़ी हैं जिंदगी में, उन्होंने सोचा हुआ है सब सही है यहीं पे, उनको पता है, कहते फिरदौस बता गए हुए हैं, फिर कर फिरदौस जन्नत कहीं है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है, तुम कहां ढूंढ रहे हो, हमें कश्मीर में मिल गई है। तो उनका पूरा फोकस जन्नत पे, कश्मीर पे है। इसलिए अगला लिखो, हॉस्टाइल प्रेस, ये बहुत घटिया चीज होती है, हॉस्टाइल प्रेस। हम ना घर पे आराम से बैठे होते हैं, कुछ नहीं हो रहा होता, मैच मूच चल रहा होता, मजे भी ले रहे होते हैं, अचानक ही न्यूज एंकर जो आता है वो आगे पता क्या बोलता है, भारत की कटी नाक, पाकिस्तान से शर्मनाक हार। हम कहते क्या हो गया, इतने पता क्या बोलता है, बॉर्डर पे शहीद हुए चार जवान, नहीं ले पाए कोहली उसका बदला। तेरा दिमाग खराब है, बॉर्डर पे जवान कोहली मैच खेल रहा है, तू कहां कंपैरिजन करी जा रहा है, वो कुछ भी बोल देते हैं, है ना, उस दिन लोगों के अंदर गुस्सा आ जाता है, फिर टीवी टूटते हैं। तो प्रेस कुछ भी कर सकती होती है। और तुम्हें पता है वो जब दिखा रहे होते हैं, यहां से घुसे थे सैनिक चीन के, रौंद गए भारत का दिल, छीन के ले गए भारत की शान। लोग कह रहे होते हैं घर पे, भाई आज मैं जाऊंगा फौज में, अचानक अंदर फीलिंग आ रही होती है, हुआ कुछ भी नहीं होता वहां पे। वहां पे वो बाद में ना आपस में बैठ के मीटिंग करके फ्लैग मीटिंग करते हैं, डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, काम खत्म हो जाता है। मीडिया अगले 6 दिन तक, लुट गई भारत की अजमत, कौन बचाएगा, कहां है भारत के शेर, कुछ नहीं चल रहा होता। इतने में इंडिया मैच जीतता, वो फिर पागल हो जाते हैं, फिर चला फिरकी का जादू, भारत फिर हुआ शेर, पता नहीं क्या बकवास चलती रहती है। ऐसे उस टाइम पे यूरोप का मीडिया था, जर्मनी की प्रेस सारा दिन एक ही बात लिखती रहती थी, फ्रांस से बदला, फ्रांस की प्रेस सारे दिन एक ही बात लिखती थी, जर्मनी से बदला। बच्चा सुबह उठ के बाहर जाता था, मम्मी फ्रांस नहीं छोड़ना, मैंने उनका हैंडपंप लेके आना है। सारे सन्नी जो बने हुए थे, हम हैंडपंप लाएंगे, सब जा रहे होते थे। इस चक्कर में इस प्रेस ने पूरे यूरोप को पॉइजन कर दिया और वर्ल्ड वार करा के छाड़ी, अदरवाइज वर्ल्ड वार हो ही नहीं सकती थी अगर मीडिया उस टाइम पे रिस्ट्रेंट कर जाता तो। सो ये कारण बने वर्ल्ड वार वन के। क्लियर हो गए कारण? हाँ पुत्र, नहीं हुए क्लियर, समझ आ गया क्या हुआ क्या? इस बार इतना हो गया, बहुत है ना, मैं पास हो गया, फिर पप्पू पास हो गया, अगर मैंने तुझे इतना ज्यादा समझा दिया तो, बिकॉज यू डोंट लाइक हिस्ट्री एंड इफ यू अंडरस्टैंड हिस्ट्री देन तो राजमोत्रा गेट 100 on 100। बाकी तुम सारे ऐसे ही हो यार, यही है बस, क्योंकि इसको हिस्ट्री नहीं आती। अगला लिखो, वर्ल्ड वॉर वन के बाद क्या हुआ, पूरी दुनिया लड़ी, एक दूसरे को बर्बाद किया। अमेरिका का प्रेसिडेंट आके बोलता, सात समुद्र पार से, अटलांटिक ओशन के पार से आके बोलता, यू ब्रिटिश, यू फ्रेंच, यू जर्मन्स, यू फाइट, यू डिस्ट्रॉय, यू सबराज, हाउ विल ह्यूमैनिटी सर्वाइव, लेट्स मेक अ लीग ऑफ नेशंस, लेट्स सर्वाइव, लेट्स बी फ्रेंड्स। सो अमेरिका ने लीग ऑफ नेशंस बनवा दी। तो अगला क्या हुआ, लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशंस, नहीं वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर ही खत्म करा दिया, अब कॉज को लिखे जा रहे हो, रिजल्ट हो गया अब तो, हे भगवान। निगम, लीग ऑफ नेशन वर्ल्ड वॉर वन खत्म होने के बाद बनी है। अब लीग ऑफ नेशंस किसने बोली है बनाने के लिए? वेरी गुड। लीग ऑफ नेशन पूछती है अमेरिका से, तुम कब मेंबर बनोगे? कहते कभी भी नहीं। हम क्यों मेंबर बनेंगे, हमने तुम्हारी बनवा दी, हम जा रहे हैं अमेरिका, हम नहीं यहां पे रहने वाले, हमें और बड़े काम होते हैं, बाद में हमने तालिबान से भी लड़ना है, बाद में हमने इराक पे भी अटैक करने हैं, काम बड़े हैं अभी, सीरिया में भी गन डालना है अभी, ये लिए अभी हम चलते हैं बाय। लीग कैसे चलेगी, किसने बनाई है, वही मेंबर नहीं बना। रशिया को, रशिया ने पूछा मेरे को मेंबर बनाओगे, कहने तूने रशियन रेवोल्यूशन कर दिया, तुझे कैसे बनाएंगे। तो बीच में वर्ल्ड वार के बीच में क्या हुआ, रशियन रेवोल्यूशन 1917 में, लिख के रख लो, रशियन रेवोल्यूशन 1917। ये रख के क्या करी जा रहे हो सर, कभी यहां जाते हो कभी वहां चले जाते हो, है ना। अभी समझाता हूं क्या हुआ था रशियन रेवोल्यूशन, करो बनी, बनी बिना अमरीका बिना रशिया तो बन गई, टाइम फेल हो गई, टाइम वर्ल्ड वार टू हो गया, फिर यूनाइटेड नेशन आया अमरीका नाल मिलके, फिर वर्ल्ड वार हुई नहीं। बनावे भी अमरीका मिटावे भी अमरीका, बड़ा कमीना ही अमरीका, है ना। अभी तुम्हें अमरीका की दो बातें और बताऊंगा बाद में, अभी सुन लो पहले, यहां तक फंडा क्लियर हो गया। वर्ल्ड वार वन खत्म हुई, लीग ऑफ नेशंस बनी, अमेरिका ने प्रपोज की, अमेरिका ने ज्वाइन नहीं किया। रशिया को इसलिए मेंबर नहीं बनाया क्योंकि रशिया यूएसएसआर बन गया था आफ्टर रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917। अब रशियन रेवोल्यूशन क्यों आया, इसको पता कितनी टेंशन होगी बेचारी को। रशियन रेवोल्यूशन क्यों आया, जब वर्ल्ड वार वन शुरू हुई
तो रशिया का जो जार था, राजा, रशिया के राजा को बोलते हैं जार, सी जेड ए आर और टी एस ए आर, दोनों स्पेलिंग ठीक है। रशिया का जार कहता है मैं भी लड़ाई लड़ूंगा, क्यों, मैं ऑस्ट्रिया से टेरिटरी छीनूंगा, लड़ाई लड़ूंगा ऑस्ट्रिया से टेरिटरी छीनूंगा, उसके दिल में यह बात है। आज मैं तुम्हें बड़ी इंटीग्रेट डिटेल बताने जा रहा हूं जो बहुत कम किताबों ने इतनी इजिली समझाई हुई है, पता नहीं आप सबको समझ आए कि ना आए, मैं ट्राई करता हूं चाय छोड़ के। अब ध्यान से सुनो, एक ना ऑस्ट्रिया जो देश है इसके पास सर्बिया नाम की टेरिटरी है, राइट, और रशिया कहता है सर्बिया मेरी है, पर डायरेक्टली नहीं बोलता, इनडायरेक्टली सर्बिया को बोलता रहता है तू आजाद हो जा ऑस्ट्रिया से, और सोचता यह है कि छोटा सा सर्बिया जिस दिन ऑस्ट्रिया से आजाद हो गया इसको मैं अपने आप हड़प लूंगा। तो रशिया सर्बिया को भड़काता रहता है, सर्बिया ऑस्ट्रिया से आजादी मांगता रहता है, लेकिन ऑस्ट्रिया ताकतवर है, वो सर्बिया को आजादी देता नहीं है। तो सर्बिया के एक जवान लड़के ने, ग्रेविलो प्रिंसेप ने, एक दिन गुस्सा खा के ऑस्ट्रिया के राजकुमार का मर्डर कर दिया, गोली मार दी जाके उसको, राजकुमार को और उसकी रानी को, राइट। जब सर्बियन नेशनलिस्ट ग्रेविलो प्रिंसेप ने ऑस्ट्रियन क्राउन प्रिंस आर्कड्यूक फर्डिनांड को असैसिनेट कर दिया, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को अल्टीमेटम भेज दिया कि तेरी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके सारे मेंबर्स मेरे हवाले कर। इंडिया कह रहा है लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद सब हमें दे दो, मसूद अजहर सब हमें भेज दो। तो ऑस्ट्रिया ने ये मैसेज भेज दिया। सर्बिया ने रशिया से पूछा, भाई वो ऑस्ट्रिया धमकियां दे रहा है। रशिया कहता घबराना नहीं, मैं खड़ा हूं, टेंशन नहीं, झुकना मत आज बस। ऑस्ट्रिया कहता यार इसकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि मेरी बात ना माने, ये डरता है मेरे से। तो ऑस्ट्रिया ने अपने दोस्त जर्मनी से बात की कि यार जर्मनी मुझे लग रहा है कि रशिया जो है ना ये सर्बिया को बैक कर रहा है। जर्मनी कहता डरना नहीं है, नक नहीं कटानी हूं मेरी, आई विल गिव यू अ ब्लैंक चेक। ब्लैंक चेक का मतलब था जितनी फौज, जितना हथियार, जितना पैसा चाहिए मेरे से मांग लो, डरना मत लड़ाई से, अगर रशिया आया तो मैं आ जाऊंगा, चिंता मत करना। क्योंकि ऑस्ट्रिया और जर्मनी की अलायंस थी, रशिया और सर्बिया दोस्त बन गए। जैसे ही ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे अटैक किया रशिया लड़ाई में आ गया, जैसे ही रशिया आया जर्मनी आ गया, क्योंकि जर्मनी के खिलाफ रशिया का दोस्त फ्रांस था, फ्रांस भी लड़ाई में आ गया, क्योंकि इनका दोस्त ब्रिटेन था, ब्रिटेन भी लड़ाई में आ गया। तो जो ऑस्ट्रिया सर्बिया की लड़ाई होनी थी वो वर्ल्ड वॉर बन गई, अदरवाइज तो ये लोकल लड़ाई थी इतनी सी आपस में दो लोगों की, इंडिया पाकिस्तान लड़ने वाले थे, ये तो वर्ल्ड वॉर बन गई, राइट। सो एक यूपीएससी में सवाल पूछा जाता है द इमीडिएट कॉज ऑफ द वॉर, जो ये लड़ाई हुई ना कि ऑस्ट्रिया और सर्बिया लड़ पड़े, द इमीडिएट कॉज ऑफ द वॉर कुड हैव बीन अवॉइडेड, हाउ कुड द पास्ट 100 ईयर्स ऑफ यूरोप बी अनडन। पिछले 100 सालों में यूरोप में जो जो हो चुका है, जो अलायंसेस बन चुकी हैं, जो ग्रुपिज्म हो गया, जो हथियार बन गया है, उसको कैसे रोका जाए, उसके चक्कर में वर्ल्ड वार हो गई। ये तो बड़ा छोटा सा कारण था, इसको तो कभी भी सॉल्व किया जा सकता था। कुछ समझ नहीं आया क्या? जर्मनी और रशिया के फ्रेंड्स थे। तो अभी तो मैंने बताया था उसका राजा भूल गया रीइंश्योरेंस ट्रीटी करनी, अभी बताया था ना, वेरी गुड। अब मैं चाय पी लूं, अगला बोल। अभी इटली, इटली की कहानी बड़ी प्यारी है, वो अलग से सुनाता हूँ। पूरे यूरोप में इतनी लड़ाइयां हो रही हैं, वर्ल्ड वॉर वन के लिए एक स्टेटमेंट है, यूरोपियन लीडर्स थॉट लेट्स फाइट अ बिग वॉर टू एंड ऑल स्मॉल वॉर्स, एक आखिरी बड़ी लड़ाई लड़ते हैं सारी छोटी लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी, ये सोच के सारे इकट्ठे हो गए लड़ाई लड़ने के लिए कि ये आपस में लड़ी जा रहे हैं, ये आपस में लड़ी जा रहे हैं, ये आपस में लड़ी जा रहे हैं, चलो एक बड़ी लड़ाई लड़ते हैं सारी लड़ाइयां खत्म करते हैं। इतनी बड़ी लड़ाई लड़ दी, फिर 20 साल बाद एक और बड़ी लड़ाई लड़ दी वर्ल्ड वॉर टू, लड़ाई फिर खत्म नहीं, आज तक यूरोप में अभी भी लड़ाई है। बेटा चीजें जो होती है ना, आज मैं ना पता क्या कर रहा हूं, मैंने सारी हिस्ट्री 5000 बार पढ़ ली हुई है, मैं ऐसे देख रहा हूं मुझे सारा कुछ याद आई जा रहा है, मैं बताई जा रहा हूं। उस टाइम पे उनको पता था कि अगला ये होगा या अगला वो होगा, तो उन लोगों ने प्लानिंग नहीं की हुई है। इनको थोड़ा पता था कि ये इनके प्रिंस को मार देगा, इनको थोड़ा पता था कि रशिया पक्का ही लड़ाई में आ जाएगा, रशिया को थोड़ा पता था कि जर्मनी भी लड़ाई में आ जाएगा, जर्मनी को थोड़ा पता था इटली और जर्मनी दोस्त बन चुके थे वर्ल्ड वॉर वन शुरू होने से पहले, इटली एंड जर्मनी वर फ्रेंड्स, बड़े अच्छे फ्रेंड्स थे। जब लड़ाई शुरू हुई इटली कहता मैं नहीं लड़ना, मैं क्यों लड़ू, तुम्हारी लड़ाई लड़ लो। जब लड़ाई थोड़ी तेज हो गई इटली कहता ओ यार ब्रिटेन तो लड़ाई जीत रहा है, इटली ने ब्रिटेन से मीटिंग की, कहता पाजी मैं आपके ग्रुप में,
मैंने इटली छोड़ दिया, तो इटली आ गया ब्रिटेन के ग्रुप में। अब ब्रिटेन का ग्रुप लड़ाई जीत गया, मीटिंग हुई, इटली का प्राइम मिनिस्टर ऑरलैंडो आया, ऑरलैंडो कहता है पाजी मुझे क्या दोगे लड़ाई जीतने के बाद। अमेरिका का प्रेसिडेंट कहता भाग जा यहाँ से, साला मौका प्रस्त, मुंह उठा के इधर आ गया था, पहले उधर बैठा हुआ था, कुछ नहीं मिलना, भाग जा यहाँ से। इटली लड़ाई जीत भी गया सो कॉल्ड, पर इटली को रिवार्ड नहीं मिले। जिस दिन ये मीटिंग खत्म हुई, इटली के न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी, इटली वन इन वॉर लॉस्ट इन पीस। लड़ाई में हम जीत के आए थे, जब लड़ाई खत्म होगी हमारे साथ धोखा हो गया। इटली की जनता कह रही है बदला बदला बदला, बदला लेने आएगा तेरा मसूल, बदला लेने आएगा तेरा फैजल। कौन आया बदला लेने? मुसोलिनी इन इटली। मुसोलिनी खड़ा हो गया, मुसोलिनी आगे क्या बोल रहा है, अगर इटली को अपनी राइटफुल प्लेस चाहिए तो पहली बात सुन लो, डेमोक्रेटिक डिसीजंस नहीं हो सकते, डिक्टेटर ही अब तुम्हारा बदला लेंगे। जनता बोलती हम तुम्हारे साथ हैं, कोई टेंशन नहीं। मुसोलिनी बन गया जर्मनी इटली में डिक्टेटर। अब ये कहता है फौज बनानी शुरू कर लो, जल्दी से लड़ाई लड़ेंगे, चिंता मत करो। और स्लोगन पता है क्या देता अपनी देश की जनता को, एज मैटर्निटी इज टू वुमेन, अगर कोई औरत मां ना बने सब उसको बांझ बोलते हैं, चिढ़ाते हैं, उसको ह्यूमिलिएट करते हैं, एज मैटर्निटी इज टू वुमेन वॉर इज टू मैन। वो मर्द ही क्या है जो लड़ाई नहीं लड़ना चाहता, मैंने लगा माजे पैदा होया सीगा, है ना। एज मैटर्निटी इज टू वुमेन वॉर इज टू मैन। फिर दूसरी स्टेटमेंट देता है, अ नेशन शुड आइदर एक्सपैंड और पेरिश, या देश अब बड़ा होगा या खत्म कर दिया जाएगा। वाह मेरा देश हो या तेरा देश हो, एक देश बड़ा होगा एक छोटा होगा, एक खत्म ही हो जाएगा। अब इटली पागल हो गया लड़ने के लिए। वर्ल्ड वॉर वन में जर्मनी बुरी तरह से हार गया और फ्रांस ने उसकी बेइज्जती बहुत की। अब जब जर्मनी इतना ह्यूमिलेट हुआ है, तो जर्मनी के सारे जो लोग हैं ऐसे बैठे हुए हैं कि हमारे साथ तो धोखा हो गया यार, बड़ी बेइज्जती हो गई। वहां पे हिटलर आ गया, हिटलर कहता भाई मैं हूं बदला लूंगा, चिंता मत करो, मेरा आइडिया सुनो पहले क्या है। वो कहते हैं सर लड़ाई लुड़ी बदले बदले की बातें बाद में, पहले बताओ जो इतनी गरीबी आ गई है जर्मनी में, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट आ गई है, कैसे सॉल्व करेंगे। हिटलर कहता ध्यान से सुनो, अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट एन इशू, आई हैव सम ग्रेट आइडियाज, आप मेरा साथ दो, देखो मैं अभी सब ठीक कर दूंगा। जनता कहती है ये ठीक कर दे हम तेरा साथ दे देंगे। कहता पागलों पहले थोड़ी पावर तो दो, मैं तभी ठीक करूंगा, अच्छे दिन तभी लेके आऊंगा तुम्हारे। तो उन्होंने हिटलर को थोड़ी पावर सी दे दी, हिटलर प्राइम मिनिस्टर बन गया। हिटलर कहता देखो ऐसा है, आज के बाद औरतें काम पे नहीं जाएंगी, चलो घर, ठीक है, जॉब खाली होगी। कहता जो अनएम्प्लॉयमेंट है आओ चलो जॉब करो, होगी ना प्रॉब्लम सॉल्व, मैंने कहा था मैं कर दूंगा। वो कहते सर ये तो हमारी जॉब ही हमारी वाइफ को निकाल के हमें दे रहे हो। कहता अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं, जितने मेरे देश में यहूदी रहते हैं ज्यूइश लोग, ये मुझे वैसी पसंद, इनको तो मार देना मैंने, इनको उठाओ इनको कमरों में करो बंद, तुम भाई नौकरी में चलो, होगी प्रॉब्लम सॉल्व। जनता कहती यार क्या आइडिया सर, ये तो बात बन गई है, आपने जो कहा था आपने करके दिखा दिया, आप तो जादू करो और बताओ क्या कराना है। कहता मैं अपने आप कर लूंगा, तुम बैठो। थोड़े दिनों बाद पार्लियामेंट की बिल्डिंग को आग लग गई, भाई ने खुद ही लगवाई थी, आग लग गई। कहता मेरे को पूरा शक है ये ऑपोजिशन पार्टी का काम है, आज से सारी ऑपोजिशन पार्टी बैन, कोई ऑपोजिशन नहीं होगी, बस मेरी पार्टी होगी नाजी पार्टी। वहां पे डिक्टेटरशिप आ गई, जैसे ही नाजी पार्टी आई पावर में डिक्टेटर बनके, कहता पार्लियामेंट तो बचा ही नहीं, मैं सेशन कहां करूं, मैं बिल कैसे पास करूं, कानून कैसे बनाऊं। जनता कहती सीधा बोल करना की है। कहना ऐसा है इनेबलिंग एक्ट पास करो कि हिटलर अपनी मर्जी से बिल पास कर ले अपने घर पे बैठ के, सेशन की जरूरत नहीं पार्लियामेंट के। जनता कहती जब पार्लियामेंट ही नहीं है तो सेशन भी कहां होंगे, कर ले भाई पास बिल तू अपना। इनेबलिंग एक्ट पास हो गया, अब हिटलर कुछ भी कर सकता है, अब वो बन गया डिक्टेटर। अब हिटलर और मुसोलिनी दोनों एक दूसरे को देख के हंस पड़े, कहते जहा जा तू हो जा मैं, चल दोस्त बनिए। दोनों ने ऐसे किया, दोनों दोस्त बन गए, जर्मनी इटली फिर दोस्त बन गए, एक बार फिर से अलायंस हो गई। ब्रिटेन और फ्रांस कहते भाई हमारे साथ ही लड़ना है, जल्दी से दोस्त बने, ये फिर दोस्त बन गए, अलायंस बन गई, वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो गई। फंडा क्लियर? सो अलायंसिस वर द कॉज फॉर वर्ल्ड वॉर वन एंड सेम अलायंसिस आर द कॉज फॉर वर्ल्ड वॉर टू, बट द मेन कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर टू इज जर्मन ह्यूमिलिएशन बाय फ्रांस, क्योंकि जर्मनी में बदले की भावना इतनी भर गई थी कि जर्मनी कह रहा है मैं छोड़ूंगा ही नहीं, बदला लेके हटूंगा। और सबसे बड़ा कारण फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस, अगर लीग ऑफ नेशंस पीस मेंटेन करवा जाती तो वर्ल्ड वॉर ना होती, पर लीग ही फेल हो गई। अब लीग फेल क्यों हुआ वो तुम्हें मैंने बताई दिया, क्योंकि लीग में ना तो अमेरिका है ना रशिया, तो बड़े देश तो है ही नहीं है, तो लीग काम कैसे करेगी। अब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुई, वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद ना दुनिया ने एक नया टाइम देखा पहली बार। अब इस नए टाइम का कारण समझो, पहले दो वर्ल्ड वॉर हो गई हैं, दोनों वर्ल्ड वॉर यूरोप में हुई हैं, यूरोपियन देश लड़े हैं,
आपस में लड़ लड़ के यूरोपियन देशों ने खुद को इतना बर्बाद कर दिया कि अब यूरोप में पैसा ही नहीं बचा। यूरोप इतना कमजोर हो गया है कि अब ब्रिटेन इंडिया को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इमीडिएटली 47 में इंडिया आजाद हो गया, दो सालों बाद ही वर्ल्ड वार के, साथ ही पाकिस्तान बन गया, श्रीलंका आजाद हो गया, अफ्रीका के देश आजाद होने शुरू हो गए, बिकॉज कॉलोनियल एम्पायर वीक हो गई। अब यूरोप वीक है ना, तो दुनिया में दो नई सुपर पावर्स आ गई, यूएसए एंड यूएसएसआर। अब यूएसए कह रहा है पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म आएगी, यूएसएसआर कह रहा है नहीं, सोशलिज्म कम्युनिज्म आएगी। इस चक्कर में शुरू हो गई कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर शीत युद्ध। तो अगला टॉपिक है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर, व्हाट इज कोल्ड वॉर? आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट। अब लास्ट टॉपिक समझा रहा हूं, इसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री की टाइमलाइन हो गई हमारी डन, फिर मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उस कॉन्सेप्ट को समझ के आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा। कल तुम आओगे, तुम्हें साथ में प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, और फिर मैं तुम्हें डिक्टेट कम करूंगा, एक्सप्लेन करता जाऊंगा, कुछ कुछ डिक्टेट करूंगा, और हर क्लास के बाद हम एक आंसर लिखा करेंगे। डन, अब कॉन्सेप्ट समझना, ये है यूरोप। डन, यूरोप का इस तरफ का एरिया रशिया के साथ जुड़ जाता है, यूएसएसआर के साथ, राइट? जैसे वर्ल्ड वॉर टू खत्म होनी थी, जर्मनी सेंटर ऑफ यूरोप में आता है। जर्मनी में हिटलर ने गदर मचाया हुआ था। अब जर्मनी को हराने के लिए अमेरिका की फौजें नॉर्मंडी लैंडिंग करती हैं, डी डे, जो आजकल अखबारों में बहुत आ रहा है, उसके 75 ईयर्स हुए हैं। जब अमेरिका की फौजें आई, साथ में ब्रिटेन की फौजें आ गई और फ्रांस की फौजें मिल गई, इन सब ने इस तरफ से अटैक किया जर्मनी पे। रशिया को बोला तू यहां से फौजें निकाल और बर्लिन तक आ जा। सो दोनों तरफ से एक साथ अटैक किया गया। आज आके इन्होंने बर्लिन को कैप्चर कर लिया, हिटलर ने सुसाइड कर लिया, वॉर खत्म हो गई। यूरोप में अभी अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पे बम लग से गिराने हैं, तब जापान छोड़ेगा लड़ाई को। जैसे ही यहां पहुंचे ना, रशिया में उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे स्टालिन, यूएसएसआर के। स्टालिन ने अपनी फौजें जब यहां से निकाली, तो ईस्टर्न यूरोप के जो जो देश आए, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, जितने ये देश आते गए, स्टालिन ने इन सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकारें बनवा दी, अपने दोस्तों की सरकारें बनवा दी। अमेरिका कहता भाई ये गलत है, डेमोक्रेसी होनी चाहिए थी। कहता सर डेमोक्रेसी है, जैसी हमें ठीक लगती है हमने लगवा दी वहां पे। क्योंकि अब अमेरिका को लगा कि ये आगे ना बढ़े, अमेरिका ने जर्मनी के अंदर इनसे पंगा लेने शुरू कर दिए। रिजल्ट हुआ जर्मनी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, वेस्ट जर्मनी, ईस्ट जर्मनी, और बीच में बना दी गई बर्लिन वॉल, राइट? अब इधर हो गया ईस्टर्न यूरोप एंड रशिया, इधर हो गया वेस्टर्न यूरोप एंड अमेरिका। अब दो देश बन गए, दो ग्रुप बन गए, एक रशिया लेड ग्रुप, एक अमेरिका लेड ग्रुप। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई का चांस हो गया, ये तो बॉर्डर पे बैठे हैं। अमेरिका कहता भाई डरना नहीं है, हम बनाते हैं नाटो। अमेरिका ने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन करके यूरोपियन देशों के लिए कॉमन आर्मी बना दी, और अमेरिका इनको सपोर्ट करेगा, ये वादा कर दिया। इन देशों ने पूछा रशिया से भाई उधर तो फौज बन गई, हम क्या करेंगे? रशिया कहता ये लो वॉरसा पैक्ट करते हैं, हम अपनी फौज बना देते हैं। डन। फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट थे ट्रूमैन प्रेसिडेंट थे, मार्शल था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो अमेरिका ने ट्रूमैन डॉक्ट्राइन एंड मार्शल प्लान बना दिया। अमेरिका ने बोला हम यूरोप को पैसा देंगे ताकि यूरोप को कोई कमी ना रहे। रशिया कहता मेरे पास मॉल्टोव प्लान है, मैं ईस्टर्न यूरोप को पैसा दे दूंगा। अमेरिका ने मार्शल प्लान में वेस्टर्न यूरोप को पैसा दिया, रशिया ने मॉल्टोव प्लान में ईस्टर्न यूरोप को पैसा दे दिया। अब हुआ क्या, एक बन गई वेस्टर्न यूरोपियन कम्युनिटी, एक बन गई ईस्टर्न यूरोपियन कम्युनिटी। फिर वेस्टर्न यूरोपियन कम्युनिटी को अमेरिका पैसा देता रहा, पर रशिया के पास पैसे कम थे और रशिया उनको पूरे पैसे नहीं दे पाया। वेस्टर्न यूरोप प्रॉस्परस बन गया, जैसे कि फ्रांस, ब्रिटेन, वेस्ट जर्मनी। इधर वाला यूरोप कमजोर हो गया, वीक हो गया, पुअर नेशंस हो गए। अब इन देशों ने मिलकर अपने लिए यूर एटम बना दिया, यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन, कॉमन एनर्जी कमीशन बन गया। तो वेस्टर्न यूरोप तो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली कंसोलिडेट होना शुरू हो गया। फिर इन्होंने यूरोपियन यूनिफिकेशन की बात कर दी कि हम कॉमन करेंसी, कॉमन पार्लियामेंट बना लेते हैं, लेकिन रशिया ने इन देशों को इनके साथ मिलने नहीं दिया। फिर 1990 में जाके यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन हो गई। जब यूएसएसआर ही टूट गया तो ईस्टर्न देश आजाद हो गए उसके चंगुल से। ये कहते हैं भाई हम तो इतने कमजोर हैं, हमें भी इधर भेजो, हम भी इनके साथ मिलेंगे। तो यूरोपियन यूनियन का एक्सपेंशन हो गया,
पूरा यूरोप एक यूरोपियन यूनियन में बदल गया, बट जैसे यूरोपियन यूनियन बनी इधर के गरीब देश भी तो साथ आ गए ना यूरोपियन यूनियन में। अब सारे देशों में एक करेंसी है, सारे देशों का बैंकिंग सिस्टम कॉमन है, सारे देशों में लोग घूम के कहीं भी नौकरी कर सकते हैं शेंगेन वीजा के पॉइंट से। अब इधर के गरीब देशों के लोग इधर आने शुरू हो गए नौकरियां लेने के लिए, तो यहां भी प्रॉब्लम होगी। ब्रिटेन कहता बहुत हो गया यार, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं। ब्री एग्जिट का आइडिया आ गया कि मैं इतने गरीबों को कहां से खाने खुने खिलाता रहूंगा, राइट, तुम तो सारे मेरे पास आई जा रहे हो। एक बड़ा अच्छा व्हाट्सएप मीम आया था, एक व्हाट्सएप ग्रुप दिखाया गया जिसका नाम रखा हुआ था ईयू यूरोपियन यूनियन, उसमें सुबह सुबह इटली मैसेज डालता है आज खाना कौन खिलाएगा, राइट, ग्रीस लिखता है पता नहीं भाई, स्पेन लिखता है बताओ खाना क्या है, फिर इटली लिखता है यार पास्ता ही खा लो मैं चार पैसे कमा लूंगा इटालियनो पास्ता, नीचे स्पेन लिखता है पेमेंट कौन देगा, नीचे सबसे नीचे आगे ग्रीस फिर लिखता है ब्रिटेन, ब्रिटेन पेमेंट कर देगा उसके पास पैसे ज्यादा है, नीचे लिखा है ब्रेग्जिट कि ब्रिटेन छोड़ गया ग्रुप को, भी मैं कब तक पैसे देता रहूंगा, हेलो तुम अपने देश चलाने के चक्कर में मेरे को कंगाल कर दोगे। इस चक्कर में आज एक आइडिया बना हुआ है ब्री एग्जिट। अब लेटेस्ट क्वेश्चन क्या बन गया, अगर यूरोपियन यूनिफिकेशन टूटती है और यूरोप में दोबारा से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो क्या वर्ल्ड वार थ्री होगी, पिछली दोनों बार भी तो यूरोप से लड़ाई शुरू हुई है। डन, सो यूरोपियन यूनियन हैज बिकम अ न्यू सिक मैन ऑफ यूरोप, और ये यूरोप को बीमार कर रहा है, अगर ये बीमार हो गया तो फिर दोबारा से क्लेश हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट? अब मैंने तुम्हें वर्ल्ड हिस्ट्री की टाइमलाइन बना के दे दी है, डिटेल के लेक्चर्स तो वर्ल्ड हिस्ट्री जब प्रॉपर होगी तब आएंगे। अभी एनसीईआरटी में तुम कोई भी चैप्टर खोलोगे यू विल बी नोइंग कि तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या समझ आ रहा है, तुम्हें भी आएगा फॉर श्योर, पढ़ना पड़ेगा बस एक बार। और डाउट्स जिसके भी होंगे यू ऑल हैव एक्सेस टू मी, बी इट ऑफलाइन स्टूडेंट और ऑनलाइन स्टूडेंट, मेरा नंबर नोट कर लो, जो जो टीचर आता जाएगा वो अपना नंबर शेयर करता जाएगा जो जो पढ़ा रहा होगा, 9814798147116661, हाथ जोड़ के बेनती है 9814711661, सिर्फ पढ़ाई संबंधी मैसेज किए जान, नो गुड मॉर्निंग एंड नो चेन मैसेजेस प्लीज। सुबह सुबह मैं उठूं ये ना हो सात लोगों को भेजो लक्ष्मी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं करना, मैं फिर हाथ जोड़ रहा हूं, देख लो गुड मॉर्निंग तुम सबने मुझे आज कर दी, मैंने पूरी जिंदगी के लिए एक्सेप्ट कर लिया, रोज सुबह कोई मुझे मैसेज नहीं भेजेगा। और किसी ने वो फालतू के जो मैसेज आते होते हैं कि नेहरू हिंदू था कि मुसलमान था, संत जरनैल सिंह जी भिंडरांवाले हैं जिन्हें की किता, मुझे ऐसे मैसेज नहीं चाहिए, पॉलिटिकली मोटिवेटेड मैसेज मेरे को एक नहीं भेजना, जिसने भेजा ग्रुप से और अकेडमी से ब्लॉक कर दूंगा। डन, कोई पॉलिटिकल मैसेज नहीं, कोई रिलीजियस मैसेज नहीं, कोई गुड मॉर्निंग के मैसेज नहीं, पढ़ने में डाउट है मैसेज कर लो, गॉड फॉरबिड किसी को कोई प्रॉब्लम आई है, इफ यू आर लिविंग इन पीजीज यू नीड एनी हेल्प यू कैन सेंड मी अ मैसेज, इफ पॉसिबल आई विल जेन्युइनली हेल्प, राइट। अब ये नहीं सर पिज्जा नहीं पहुंचा अभी तक, देखना जरा कहां रह गया, सर मैंने स्विगी पे ऑर्डर किया था आया नहीं है, वो वाली हेल्प नहीं मैं करता, जेन्युइन हेल्प आई कैन डू इट, बट वो एक्सट्रीम केसेस होते हैं, भगवान करे वो ना कभी आए, कोई बीमार है, किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई है, मुंडिया ने किसी कोई पंगा ले लिया, पुलिस तक केस पै गया, उस केस में मैं साथ आके मैं भी मारता होता हूँ फिर कि पंगा ले आ गया सीगा, ठीक है। तो जिसको जो प्रॉब्लम आए मुझे बता लेना, अगर मैं सॉल्व करने की हिम्मत रखता हूँ मैं कर दूंगा, बट मेक श्योर कि वो जेन्युइन इशू हो, एनी सर बस थोड़ी ज्यादा होगी सीधी लड़ पे सी तो मैं कुछ नहीं करता रिच, तो मैं पहले सारी क्लैरिफिकेशन दे दूं, बाद में फिर आगे रोगे। डन, अब तुम्हें एक स्टोरी बताता हूं जिससे तुम इंटरनल सिक्योरिटी का जो टॉपिक है ना इसको समझोगे, क्योंकि इसके ऊपर कोई बुक नहीं आती है एनसीईआरटी, ये हमें समझना पड़ता है ज्यादातर न्यूज़पेपर से, इसको सिर्फ सुनना लिखना कुछ नहीं है, अब कॉपीज कर लो बस रिलैक्स करो। एक हाइपोथेटिकल सा एग्जाम्पल है, इंडिया की टोटल इनकम 100 रुपए है, पूरा इंडिया 100 रुपया कमाता है, इस 100 रुपए में से हमने 2 50-50 निकाल लिए, 1 50 रखा है कि मेरे को अपने देश के अंदर डेवलपमेंट करनी है, 1 50 रखा है कि अपनी डिफेंस भी करनी है, जो 1 50 डेवलपमेंट के लिए रखा हुआ है ना उसमें से मुझे स्कूल भी बनाने हैं, कॉलेज भी बनाने हैं, यूनिवर्सिटीज भी बनानी है, हॉस्पिटल्स भी बनाने हैं, डिस्पेंसरीज भी बनानी है, टीचर्स रख के सैलरीज देनी है, डॉक्टर रख के सैलरीज देनी है, पैरामेडिकल स्टाफ रखना है, लाइब्रेरीज बनानी है, लेबोरेटरीज बनानी है, और हॉस्पिटल्स के अंदर एक्सरे सीटी स्कैन अल्ट्रासाउंड मशीन्स भी लगवानी है, सड़कें बनानी है, ब्रिज बनाने हैं, फ्लाईओवर बनाने हैं, काफी खर्चा हो गया ना,
पता नहीं बचेंगे पैसे के नहीं बचेंगे, अभी बहुत सारे काम बचे हुए हैं, स्कॉलरशिप भी देने हैं, एससी एसटी वेलफेयर भी करना है, पॉवर्टी रेडिकेशन स्कीम्स भी बनानी है, फूड सिक्योरिटी भी करनी है, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी पैसा देना है, इरिगेशन भी करना है, पता नहीं पैसे कहां से आएंगे, उधार तो मांगना पड़ ही जाएगा, क्योंकि मैं ये वाले 50 निकाल लूंगा ना अगर सिक्योरिटी वाले, तो सिक्योरिटी थ्रेटन्ड हो जाएगी। अब मेरे पास 50 रुपए सिक्योरिटी के हैं, मुझे अपना बॉर्डर भी बचाना है, एयर स्पेस भी बचाना है, मैरीटाइम सिक्योरिटी भी बचानी है, सी लेन ऑफ कॉमर्स को भी बचाना है, सैटेलाइट्स भी छोड़ने हैं, मिलिट्री डेवलपमेंट भी करनी है, नेवी के लिए भी डेवलपमेंट करनी है, एयरफोर्स की भी करनी है, और आस पड़ोस के छोटे देशों को कभी कभी लोन भी देना पड़ सकता है, मैं नहीं दूंगा, चीन दे देगा, उनको अपनी तरफ ले जाएगा, तो मुझे लोन भी बांटना है, मुझे इस तरफ भी लोन लेना ही पड़ेगा, लोन बांटने के लिए मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है। तो अब समझ आई इंडिया क्यों लोन मांगता रहता है, मजबूरी है, शौक थोड़ा इतने सारे, और हम लोन देते क्यों है, ये भी मजबूरी है, शौक थोड़ा, कोई फीलिंग नहीं है कि बड़प्पन दिखाना है। मैंने अगर मालदीव को पैसे नहीं दिए, या मैंने अगर लेट्स से मोरिशियस को पैसे नहीं दिए, तो चाइना दे देगा, अमेरिका दे देगा, वहां पे अपने मिलिट्री बेसिस बना लेगा, मुझे और थ्रेट कर देगा, तो मुझे ये करना ही पड़ता है। अब मेरे पास 50 रुपए इंटरनली थे, 50 एक्सटर्नली थे, इधर उधर करूंगा तो पंगे पड़ जाएंगे, वो मैं करता ही नहीं हूं। जो इधर वाले 50 हैं, जिसमें मैंने बॉर्डर्स भी देखने हैं, स्पेस भी देखना है, एनर्जी भी देखनी है, पेट्रोल पेट्रोल बाहर से खरीदना पड़ता है, अपने पास कौन सा पेट्रोल है, कितने काम करने हैं, उस 50 में से मैं बॉर्डर को कितने दूं, सिर्फ लैंड बॉर्डर को कितने पैसे दूं बताओ, कि मैंने बॉर्डर के ऊपर तारे लगानी है, लाइटें लगानी है, लेजर्स लगाने हैं, कुछ भी करना है, सैटेलाइट्स लगा के उसकी रिमोट सेंसिंग करानी है, जो जो कराना है, कैसे करूं बताओ, कितने पैसे लगा दूं 50 में से, 5 लगा दूं ना, क्योंकि समुंदर भी बचाना है, नहीं तो फिर वो आ जाते हैं मछुआरे बन के, एयर स्पेस भी बचाना है, नहीं तो वो पाकिस्तान वाले बलाकोट के बदले लेने आ जाएंगे, तो बड़ा कुछ करना पड़ना है मुझे, 5 लगा दिए बॉर्डर्स पे, डन, बताओ कौन से बॉर्डर पे कितना लगाऊं, पाकिस्तान बॉर्डर, चाइना बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर, बर्मा बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर, कितने बॉर्डर ना मेरे देश के साथ, तो बताओ किस पे कितना लगाऊं बेटा, 5 रुपए कितना लगाना बता रहे, नहीं नहीं एक रुपए से तो बात नहीं बननी, चाइना ने अगले जाके खा जाना तुम्हें, मुझे लगता है 5 में से 2 रुपए तो चाइना ले गया, 1 रुपया पाकिस्तान ले गया, जो बचे 2 रुपए, 50 पैसे बांग्लादेश, 25 पैसे नेपाल, ऐसे ही करोगे ना। अब तुम याद रखना, तुमने पाकिस्तान बॉर्डर पे 1 रुपया लगाया, चाइना बॉर्डर पे 2 रुपए लगाए, डन बेटा, मैं तो मान गया, पर थ्रेट ज्यादा हमें वहां से है ना, थ्रेट के हिसाब से लगा रहा हूं, और अभी तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन समझा रहा हूं, तू ऐसा कर, तू 1 रुपया बांग्लादेश पे भी लगा दे, भूटान के तो ऊपर 5 पैसे लगा देंगे, तब भी बात बनी जाएगी, चलो पाकिस्तान पे 1, चाइना पे 2 रुपए, यही है ना सिचुएशन। पाकिस्तान की टोटल इनकम 50 रुपए है, हमारी 100 थी, पाकिस्तान की 50 है, पाकिस्तान कहता है यार मैंने ना अपने देश के अंदर ज्यादा पॉवर्टी रेडिकेशन नहीं करने, फिर क्या होगा, लोग गरीब रहे, फिर क्या हो गया, फौज को पैसा ज्यादा देना, मिलिटेंसी करनी है, इंडिया से बदले लेने हमने बहुत सारे। दूसरी बात, मैं तुम्हें बताया था चांद चूंद पे हमने नहीं जाना, हम इधर ही ठीक है इंशाल्लाह अभी के लिए, बाद में देखेंगे। तो मैं क्या करूंगा, 20 रुपए देश की तरक्की पे लगाऊंगा, बहुत है, ज्यादा चाहिए अमेरिका से मांग लेंगे, चीन से मांग लेंगे, अपने भाई हैं दे भी देते हैं वो, तो जब भी हम मांगते हैं 30 रुपए मुझे डिफेंस पे लगाने, इधर मेरे पाकिस्तान के इधर अफगानिस्तान वाला बॉर्डर है, मैंने क्यों संभालना है, मैंने तो तालिबान बनाने होते हैं, मैंने तो भेजने होते हैं, अगर मैंने ज्यादा संभाल लिया तो तालिबान कैसे जाएंगे, तो इधर वाले बॉर्डर पे तो 2-4 रुपए बहुत हैं, 1 रुपया छोड़ो, 25 पैसे भी लगाने, और वैसे भी नाटो है यहाँ पे, तो अमेरिका संभाले, ओसामा को भी मार गए थे बिना बताए, तो अपना संभालो, हमने नहीं संभालना, हम सारा इंडिया वाला बॉर्डर ही संभाल लेते हैं, हमारे तो और भी बॉर्डर ही नहीं है अब, तो कितने पैसे लगा दें इंडिया पे, सारे लगा दें, तुम 1 रुपया लगाते हो वो 30 लगा देते हैं, कैसे रोकोगे उनको आने से, तुम जितना टेक्नोलॉजिकली अपने आप को अपग्रेड करते हो वो उसकी काट निकाल देते हैं अगले दिन ही। तुमने 2000 का बड़ा प्यार से पिंक सा नोट बनाया था, उन्होंने फिर छाप दिया, तुम कुछ भी सोच लो उन्होंने तुमसे 30 टाइम आगे सोच लेना, क्योंकि वो पैसा ही सारा इस चीज पे लगा रहे हैं तुम्हें काउंटर करने पे, तो उनसे लड़ना मुश्किल होगा ना थोड़ा सा। अब चाइना की बारी, चाइना की तो इनकम ही 1000 रुपया हो गई है, चाइना कहता 500 रुपया मैं अपने देश की और तरक्की पे हर साल लगाऊंगा, मुझे तरक्की भी करनी है, शंघाई को, बीजिंग को, सबको उठाना है, ओलंपिक लंपिंग कराने होते हैं, बड़े काम करने, मैंने दुनिया को दिखाना है मैं पावरफुल हूं, 500 बॉर्डर के लिए, चलो मेरा जापान के साथ है, कोरिया के साथ है, वियतनाम के साथ है, मैं तो अमेरिका तक से पंगे लेता हूँ, 100 रुपया इंडिया के लिए, सिर्फ 100 रुपया, तुम कितने लगा रहे थे, वो कितने लगा रहा है, वो कहता है इतने लगाने की जगह ही नहीं है, मैं लगाऊँ कहाँ पे, एक काम करो 20 पे मेरे ब्रादर को दे दो, पाकिस्तान को, पाकिस्तान उधर से और पंगे ले लेगा, इंडिया और डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उनको 20 रुपये और दो। अब चाइना तुम्हारे ऊपर लगाता है 80 रुपये, पाकिस्तान लगाता है 50 रुपये,
अब कैसे मैनेज करना है, पंगा होना तुम्हारे लिए एक और, तुम तो संभाल ही नहीं सकते। दूर कहीं बैठा अमेरिका कह रहा भाई साहब मेरी इनकम है लाख रुपए, 50,000 रुपए मैं अपने देश की तरक्की पे हर साल लगा देता हूँ, कोई टेंशन नहीं, 50,000 पूरी दुनिया में मैं क्लेश लगा देता हूँ, सबको लड़ा देता हूँ। क्यों? क्योंकि सारे हथियार तो मेरे से खरीदते हो, फिर आके मेरा हथियार बिकता रहता है, मेरी इनकम हर साल बढ़ती रहती है। इंडिया कहता है ओए हम इस साल 10% ग्रो करेंगे, अमेरिका कहता है 100 रुपए का 10% 10 रुपए ही हुआ। इंडिया कहता है लेकिन तुम तो 1% ग्रो करते हो, कहता पागल 1 लाख का 1% 1,000 रुपया हो गया, तो ग्रो कौन कर गया? तुम 10% ग्रो करके भी 10 रुपए कमाते हो, मैं 1% ग्रो करके भी 1,000 रुपया कमाता हूं, तो तुम मेरा बदला कैसे लोगे? सो तुम अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कितने जबरदस्त वेब में एंटेंगल्ड हो, उससे तुम बाहर कैसे निकलोगे? इसीलिए तुम्हारी डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एड, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्ट्रांग हो चुकी है। तुम्हें बहुत डेलिकेट बैलेंस मेंटेन करने पड़ते हैं। रीसेंट एग्जाम्पल ऑफ डेलिकेट बैलेंस, द बैलेंस दैट इंडिया नीड्स टू मेंटेन, ईरान इकलौता देश है जो तुम्हें रुपए के बदले तेल देता है, बाकी सब डॉलर के बदले देते हैं। डॉलर में रोज फ्लक्चुएशन होती है, पेट्रोल महंगा होता रहता है, तुम उसको रुपया देते हो वो चुपचाप तुम्हें पेट्रोल दे देता है। अमेरिका ईरान की लड़ाई हो गई है, अमेरिका कह रहा है अगर तुमने ईरान से तेल लिया तो हम नहीं छोड़ेंगे, ईरान कह रहा है मेरे से तेल नहीं लिया तुम वैसे नहीं बचोगे, क्योंकि वेनेजुएला पे भी अमेरिका ने बैन लगा दिया, तो करोगे कैसे? अब इंडिया क्या करे? अमेरिका की बात मान के तेल ना ले तो स्कूटर कैसे चलेंगे ना, रिजर्व लगे रहने सारे स्कूटरों नू, टैंकियां सुकियां होनी है, और अगर तेल ले लिया अमेरिका ने खाना नहीं खाने देना। बात समझ आ गई? तो कैसे किया जाए काम? तो धन्य है हमारे देश के नेता और धन्य है हमारे देश के डिप्लोमैट्स जो इस सिचुएशन के साथ टैकलिंग कर रहे हैं और इसको संभाले हुए हैं। और ये तो कोई सिचुएशन नहीं, आजकल बड़ी छोटी सिचुएशन है, तुम्हें एक असली सिचुएशन बताता हूं। पीवी नरसिम्हा राव जी हमारे प्रधानमंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर, उस दोनों की ना एक सिचुएशन सुनो, तुम्हें बड़ा मजा आएगा सुन के। मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, इंडिया के पास पैसे खत्म हो गए हैं, मनमोहन सिंह जी उस टाइम पे लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन की बातें कर रहे हैं, करनी पड़ेगी, तरीका नहीं और कोई बचने का। अभी मैं कह रहा हूं भैया एक सेकंड मुझे समझ नहीं आई तुम क्या कह रहे हो, लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, इतने में ये भाग के आता है सर पंजाब च इन्ने बंदे होर मारते गए, तब पंजाब में मिलिटेंसी पीक पे चली गई थी, पीक पे, ठीक। हर रोज KPS गिल साहब जाके ब्रीफ कर रहे होते थे जाके हफ्ते में 3-4 दिन कि सर प्राइम मिनिस्टर साहब पंजाब में सिचुएशन काफी सीरियस हो गई है, कुछ करना पड़ेगा। मैं कहता हाँ हाँ करते हैं, एक मिनट वो कौन आया पूछो, सर कश्मीर में भी ना पंगा पड़ गया बहुत ज्यादा, संभालना मुश्किल हुआ हुआ है। तो मैं अपने फॉरेन मिनिस्टर बोलता सर रशिया से बात करो जरा क्या करना है, तो कहता सर रशिया से क्या करूं, रशिया तो खुद ही टूट रहा है आजकल, रशिया में तो क्राइसिस आ गए हैं, कोल्ड वॉर खत्म हो रही है, अमेरिका की हेजेमनी हो रही है, हम तो फंस गए, हम तो रशिया के दोस्त बने हुए थे, अमेरिका तो हमारे को बर्बाद करने वाला, बताओ कैसे बचाएं सिचुएशन को। वो कह रहा था अच्छा मैं ना अभी बताता हूँ 5 मिनट रुको। तो ये आके कैबिनेट सेक्रेटरी पता क्या बताती थी, सर हमारी सरकार शाम तक गिर सकती है, कुछ लोगों ने सपोर्ट वापस ले ली है। तो पीवी नरसिम्हा राव कहते थे ऐसा करते हैं फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले सरकार बचाते हैं, फिर पैसे बचाते हैं, फिर पंजाब बचाते हैं, फिर कश्मीर बचाते हैं, पर प्लीज इन द मीनवाइल फॉरेन सेक्रेटरी रशिया खत्म हो रहा है, अमेरिका से बात करनी शुरू करो, अपना देश पूरा नहीं बचना, नहीं तो इससे ज्यादा खतरनाक टाइम हो सकता है देश के लिए। अगर हम उस सिचुएशन से भी निकल गए तो कहीं से भी निकल जाएंगे। असली टेस्ट तो उस टाइम पे हुआ था हमारे देश का, कश्मीर में आग, पंजाब में आग, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी, रशिया टूट गया, हमारी डिपेंडेंसी खत्म होगी उसके ऊपर, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, कोलिशन सरकारें थी कभी भी गिर जाती होती थी। अब तुम्हें क्या लगता है देश का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन था? नरेंद्र दामोदर मोदी। अच्छा प्राइम मिनिस्टर तो यही है, बदला लेता है, 56 इंच का सीना है, ऐसे थोड़ा मजाक है कोई, बदला इन्होंने लिया और किसी ने बदला नहीं लिया था। मैं दिल से भाव से प्यार से बोल रहा हूँ, मेरी शक्ल में नहीं जाना। हाँ अगला, चलो सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि चैलेंज क्यों है। अब सिक्योरिटी का इशू क्या है, आंखें बंद करके ना सोचना है एक बार, कश्मीर इंटरनेशनल बॉर्डर इंसर्जेंसी टेररिज्म एक सिक्योरिटी की थ्रेट है, छोटी सी लग रही है वैसे तो, बट एट द सेम टाइम कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी डन, पंजाब बॉर्डर ड्रग्स फेक करेंसी, ऑर्गेनाइज क्राइम, बिकॉज ड्रग्स है तो ऑर्गेनाइज क्राइम है, गैंगस्टर बन गए पंजाब में तो, अब नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, नागा मिजो
सारे के सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स, सेसेशन एंड हेल्प फ्रॉम चाइना एंड ग्रुप हैविंग देयर बेसिस इन म्यांमार एंड अदर प्लेसेस, वहां पे भी संभालना पड़ेगा। नीचे उतरता हूँ, जो शुरू करता हूँ इधर उड़ीसा कर्नाटका आंध्रा वाला कोर्स लेता रहता, तमिलनाडु कोर्स होता हुआ गोवा महाराष्ट्र से उठता हुआ गुजरात तक, मैरी टाइम सिक्योरिटी कहीं से कोई भी आ जाता है पता ही नहीं चलता, एयर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, कौन कौन सी सिक्योरिटी करूँ मैं अभी। मैं सेंटर में देख रहा हूँ नक्सलाइट्स, झारखंड छत्तीसगढ़ वेस्ट बंगाल, यहाँ पे नक्सलाइट्स की प्रॉब्लम आ गई। कितनी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर यार, और इस सारी प्रॉब्लम का जड़ कहां पर है? नेशनलिज्म। व्हाट इज नेशनलिज्म एंड व्हाट इज रीजनलिज्म? दैट्स पेट्रियोटिज्म। यू आर अ पेट्रियोटिक पर्सन इफ यू लव योर कंट्री। वेरी गुड। एंड पेट्रियोटिज्म? अब मैं एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहा हूं, पर वो इसलिए नहीं कि मैं उसको बिलीव करता हूं, मैं इसलिए तुम्हें बोल रहा हूं कि तुम्हें ना कुछ चीजों को समझना है ताकि तुम हिस्टोरिकली पॉलिटिकली जब नैरेटिव्स हों क्लास में तुम उनसे रिलेट कर पाओ। इंडिया पे मुगलों का शासन था, राइट? मराठे कहते हमने तुम्हारे अंडर नहीं रहना, हमें अलग सा देश बना के दो, मराठाओं का, शिवाजी कह रहे हैं। पंजाबी कहते फिर आपा भी नहीं रहना, महाराजा रणजीत सिंह आपा तो लाहौर एम्पायर खड़ी कर देनी है। फिर गोरे आ गए इंडिया पे राज करने, पंजाबी कहते हमने नहीं लेना, लाला लाजपत राय। मराठे कहते हमने भी लेना, बाल गंगाधर तिलक। बंगाली कहते हमने भी नहीं लेना, बिपिन चंद्र पाल। सारे लड़ पड़े ना। फिर इन लोगों को लगा कि यार कॉमन एनिमी है, इसको निकालते हैं। सारे इकट्ठे हो गए कॉमन एनिमी के अगेंस्ट लड़ने के लिए, सारे इकट्ठे हो गए, पंजाबी बंगालीज मद्रासीज एंड एवरी वन इकट्ठे हो गए, हमने गोरे निकाल दिए। जब गोरे इंडिया से निकल गए देश आजाद हुआ। अब इंडिया की सरकार कहती है हम भारत में एक भाषा लेके आएंगे हिंदी राष्ट्रीय भाषा। मद्रासा ले गंदे, अच्छा फिर तुम बना लेना, अच्छा फिर तुम्हारा इंडिया होगा, हम जा रहे हैं, हमारा अपना द्रविड़वाद होगा। पंजाबी कहते पंजाबी सूबा होगा, कड़ी हिंदी कितने दी हिंदी आपा नहीं लेनी, बाकी स्टेट से भी बोल दिया। तो उन्होंने बोला मध्य भारत भारत है, बाकी भारत भारत नहीं है, तो हमें मानना पड़ा कि अंग्रेजी लगाएंगे, इंग्लिश विल बी द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज। अगर नहीं मानेंगे तो देश एक साथ रह ही नहीं पाएगा। तो हमने कॉम्प्रोमाइज किया ना, तभी नेशन बन पाया। व्हाट इज नेशनलिज्म? सबड्यूड रीजनलिज्म। मेरे रीजन की भावनाओं को थोड़ा दबा दिया गया और उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करके कुछ लेप कर दिया गया, उसने एक नेशनलिज्म बना दिया। पंजाब तो आज भी ऐसा ही है, तुम्हारे सामने है। देखो 2004 वाली इलेक्शन, राइट, और उसके बाद 2009 वाली इलेक्शन, पूरे भारत ने कांग्रेस चुन दी, पंजाब ने बीजेपी का ली चुन दी, ऐसा ही हुआ ना। फिर 2014-2019 की इलेक्शन, पूरे भारत ने बीजेपी चुन दी, पंजाब ने कांग्रेस चुन दी। पंजाब कहता जो इंडिया करेगा वो मैं थोड़ा करूंगा, ये क्या बात हो गई? हम अलग होते हैं, पंजाब विरलियां का देश है, हम इंडिया के साथ नहीं रहते होते, हम अलग रहते होते हैं। ऐसे बंगाल वाले हैं, वो दीदी को चुन लेते हैं, ऐसे थोड़ा बीजेपी तुम्हारी होगी, हमारी दीदी है। सो पंजाब और बंगाल तो कभी भी वो काम ही नहीं करते जो इंडिया करता है। पूरी हिस्ट्री पढ़ लो, ब्रिटिश टाइम पढ़ लो, मुगल टाइम पढ़ लो, दिल्ली सल्तनत पढ़ लो, ये यही तो वो एरियाज हैं जहाँ पे हमेशा रिबिलियन रहा है। तो हमें दबा के तुमने इंडिया के अंदर रखा हुआ है, और नाम क्या दिया पॉलिटिकली? इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। जो हमारे साथ जुड़े हैं स्टेट्स उन्हें तोड़ के हम जो मर्जी कर दे, पर अब हम इंडिया नहीं टूटने देंगे, क्योंकि इंडिया के पास फौज है, हमारे पास पंजाब पुलिस है। अब वो थोड़ा लड़ेगी जाके फौज के साथ, कैन यू इमेजिन कि पंजाब पुलिस जाके इंडियन आर्मी के साथ लड़ रही है? तो आर्मी इंडिया के पास है, पुलिस हमारे सबके पास है, तो इंडियन आर्मी जिसको चाहे किसको कंट्रोल कर लेगी। नेशनलिज्म समझ आ गया? आप सारी दुनिया में यही है नेशनलिज्म। बट पेट्रियोटिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। मैं इस धरती में पैदा हूं, मुझे इससे प्यार करना चाहिए, मैं इसका ऋणी हो गया हूं। बट अब एक सवाल और, ये पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म दोनों के साथ जुड़ता है, क्या मैं जिस धरती में पैदा हूं उससे प्यार करूं बाकी उससे नफरत करूं? इंटरनेशनलिज्म का कंसेप्ट क्यों नहीं होना चाहिए? ओह तुम क्या क्या पढ़ के आई हो यार, तुम तो ठाठा मार रही हो। नाम बताओ। रिचा, वेरी गुड बेटा। कौन सा कॉलेज है? पीयू से।
रौनकी सर क्या आशुतोष सर, मैं तुम्हारे डिपार्टमेंट का सुपर सीनियर हूँ, ठीक है, गुड। देखो तो पढ़ाने का मजा आएगा, फिर डिपार्टमेंट के बच्चों को पढ़ा के मजा आता है, गुड। रविंद्रनाथ टैगोर इंटरनेशनलिज्म की बातें करते हैं। मैं तुम्हें एक बड़ा सटल एग्जांपल देता हूँ, सिंपल सा। मेरे फादर का बर्थ लाहौर में हुआ, क्योंकि तब तो लाहौर इंडिया था ना, राइट। फिर अचानक वो पता नहीं क्या हुआ, पार्टीशन हो गई और वो एक बीच में रेड क्लिफ लाइन लग गई, मेरी फैमिली इधर आ गई। अब जहाँ पे मेरे पापा पैदा हुए थे वहाँ पे जो लोग अभी भी रहते हैं भाषा मेरी जैसी बोलते हैं लाहौर में ना, असी गुरदासपुर वाले और लाहौर वाले बिल्कुल एक ही बोली है साड़ी, आंडे हैं खांडे हैं जानडे हैं पीडे हैं रहनडे हैं, एक जैसी भाषा ही है हम लोगों की। खाना भी वो मेरे जैसा ही खाते हैं, थोड़ा सा ही फर्क है झटका और हलाल का, बाकी खाने का शौक सबका वही है बस। हमें भी बस कबाब शबाब सॉरी कबाब चाहिए, उनको भी वही चाहिए, सब शौक एक ही है हम लोगों के, ठीक है। ओए बस गलती से स्लिप ऑफ टंग हो गया था, रिकॉर्डिंग में इसको डिलीट कर देना प्लीज, ठीक है। खाने पीने का शौक सबको है, जब हमारे शौक एक जैसे हैं, कपड़े भी एक जैसे हैं, रहना भी एक जैसा है, बोली भी एक जैसी है, वो मेरे दुश्मन कैसे हो गए। अच्छा अगर ये बीच में लाइन ना लगती तो लाहौर तो मेरा घर होता, मैं उसको कितना प्यार करता होता। मैं तुम सबका कहना जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमया ही नहीं, पर अब मैं कह रहा हूँ लाहौर पाकिस्तान छी, ऐसी फीलिंग क्यों आ गई, गलत हो गया ना। ये तो नेशनलिज्म या पेट्रोटिज्म का मेन आइडिया पता क्या हो गया, मैं लाइन के इधर पैदा हुआ तो इंडिया ग्रेट हो गया, मैं लाइन के उधर पैदा हुआ तो पाकिस्तान ग्रेट हो गया। क्यों? क्योंकि वो राज जन्मभूमि हो गया, मतलब कि धरती कुछ नहीं है, मैं हूं ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिस धरती पे मैं पैदा होता हूं वो धरती महान हो जाती है, मतलब कि मैं ना हो गया रब हो गया, कि मैं इधर पैदा हुआ तो भारत महान है, मैं उधर पैदा हो गया तो पाकिस्तान महान है, मैं रवांडा में पैदा हो गया तो रवांडा महान है, मैं ऑस्ट्रेलिया में पैदा हो गया ऑस्ट्रेलिया महान है, बस एक पंजाब नूं पता है कनेडा महान है, मैं कनेडा जाना है, यहां सबको पता कनेडा ही महान है, पंजाबियों के फंडे बहुत क्लियर है, वन कैनेडा कनेडा सॉरी टू ऑस्ट्रेलिया थ्री यूरोप फोर न्यूजीलैंड, यूएस सानू पता सानू वार देनी हुण, सारे फंडे बिल्कुल क्लियर है, हमें पता हमने कहां कहां जाना है, और जस्टिन ट्रूडो अपना वीर है, इसलिए हमने भंगड़ा सिखा दिया भाई को, भाजी तुम वीजे ना बंद कर दियो, पंजाबी सपने टुट जाने हैं, हम बचपन से तैयार रहते हैं बाहर जाने के लिए, डन। सो तुम्हें सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, वर्ल्ड हिस्ट्री की टाइमलाइन बनवा दी, कल मैं तुम्हारी एंशियंट मिडिवियल मॉडर्न की टाइमलाइन बनवा दूंगा, परसों मैं तुम्हें पॉलिटी की बुक समझा दूंगा, पॉलिटी की बुक्स की जितनी टर्म है 6 to 12 सारी समझाऊंगा, उसके बाद दूसरे टीचर आके तुम्हारे साथ ज्योग्राफी इकोनॉमी की बुक्स करेंगे 2 lectures में, फिर हमारे एक टीचर आके तुम्हारे साथ साइंस की टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे, जिन लोगों ने +2 तक साइंस पढ़ी हुई है वो उस दिन या तो ना आए, ये अगर आना है तो बिल्कुल चुपचाप बैठें, क्योंकि जिन बच्चों ने आर्ट्स किया हुआ है उनको समझ आने देना कि हो क्या रहा है, कि लेंस मिरर इनमें क्या फर्क होता है, कनकेव कन्वेक्स क्या रेंज होती है, क्या चीज होती है, क्यों होती है नहीं होती, आर्ट्स वाले बच्चों को नहीं पता होता, बिलीव यू गाइस भूल गए, 10th के बाद साइंस को हाथ में लगाया सब भूल गए हुए हैं, तो इनको थोड़ा टाइम देना ताकि ये बेचारे सुन सके। तो साइंस वाले आर्ट्स के वाले टफ सब्जेक्ट्स की तो आर्ट्स वाले कुछ बोल रहे हैं सवाई इसके और इसके, इसने बोला मुझे आता नहीं, उसने चुप हो गए सिर्फ, हाँ तभी दुखी है, कोई बात नहीं। हाँ बेटा साइंस वालों के साथ भी धक्का हो रहा है, पर साइंस वालों के साथ पता है फायदा क्या है, कोई लॉजिक सोड़ा लगा रहे हो तुम, कॉन्सेप्ट 10 नैरेटिव्स हैं, साइंस में तो लॉजिक्स आ जाएंगे कि मैक्स स्पीड होनी है तो होनी है, सुपरसोनिक होनी है तो इसके बाद ही होनी है, हिस्ट्री में ऐसे थोड़ा होना है कि इसके बाद ही होना है, ठीक है। चलो सी यू टुमारो, बाय बाय।